गुड आफ्टरनून एवरी वन गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग का मिक्सचर है आई होप आई एम लाइव नाउ फटाफट फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं कि नहीं जल्दी से ठीक है नीचे की तरफ देखू समझ लेना कि मैं आपके अब कमेंट्स पढ़ रहा हूं जल्दी से कमेंट करके बताइए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हेलो 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 गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेलो 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 फटाफट अगर मेरी आवाज आ रही है तो वो थम्स अप वाला इमोजी भेज दीजिए प्लीज थम्स अप इज वेरी इंपॉर्टेंट जल्दी 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कुछ लोग बोल रहे हैं अर्ली 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 अर्ली, अर्ली नहीं है बेटा अभी हमने स्टार्ट किया है ठीक है कमेंट कीजिए प्लीज कुछ लोग सोच रहे हैं सर हम तो कमेंट करते ही नहीं <laughs> ठीक है सिंपल थम्स अप वाला कमेंट कर दीजिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग Yes, yes, yes. I believe मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही होगी एंड मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूं जल्दी से बता दो बेटा जल्दी 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 ठीक है क्योंकि एक बार कुछ लोग बोल रहे हैं सर वी लव यू लव यू टू बेटा अभी ठीक है अभी एक बार पढ़ाना स्टार्ट करते हैं फिर ये जो लव यू वाला पार्ट है ये और इंक्रीज हो जाएगा आई होप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सारे लोगों के थम्स अप आने स्टार्ट हो गए हैं प्लीज सभी लोग ठीक है कमेंट करने में कंजूसी मत करें जब मैं आपको बोलूं कि रुक जाओ तब रुक जाइएगा और जब मैं बोलूँगी कम अब कमेंट कीजिए तब जरूर कीजिएगा प्लीज ताकि हमारा जो इंटरेक्शन है वो बना रहे लाइव क्लास का मजा ही तब है सर जब टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है दिस इज द ओनली डिफरेंस इन लाइव या फिर रिकॉर्डेड समझ में आएगी नहीं समझ में जल्दी 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 कुछ लोग बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया जाएगा जी पढ़ाया जाएगा अगला ही चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ चलिए आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको बहुत अच्छे से एक बार मैं आपका फिर से तरीके से स्वागत कर देता हूं स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला मेरा नाम है सचिन जाखड़ और आज हम मंजिल बैच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर की बात करने वाले हैं ठीक है ऑल दो यू कैन से आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये क्रैश कोर्स टाइप है बट जब आप यहां पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल फील क्रैश कोर्स वाली नहीं आएगी मन ही मन में बोलोगे <laughs> कि सर इसको आप क्रैश कोर्स <laughs> ये तो सर फुल कोर्स है समझ में आया तो जस्ट रिलैक्स और जब मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलूं तब कमेंट कीजिएगा और एंजॉय द लेक्चर ठीक है धीरे धीरे हमारी अभी ट्यूनिंग बनने वाली है जल्दी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से कमेंट कर दीजिए करना चाहिए सर, बहुत हो गया। दो मिनट की नमस्ते बहुत होती है चलिए, 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 ठीक है। Today's topic is equation. I hope ये equation भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता दूं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं ठीक है पहले मैं आपको थोड़ी थ्योरी बताऊंगा थोड़ी थ्योरी थोड़ी, थोड़ी क्यों बताओगे पूरी बताना एक्चुअली मैथ्स में क्या है थ्योरी थोड़ी कम होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस से हम आगे बढ़ते हैं ठीक है जी तो थोड़ी थ्योरी फिर उस पर पूछे गए जेई के सवाल या फिर कुछ अच्छे सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं फिर और थ्योरी फिर और अच्छे सवाल फिर और थ्योरी फिर और अच्छे सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो स्टार्ट करते हैं विद अवर वेरी मासूम सा टॉपिक क्वाडिटिक इक्वेशन आसान टॉपिक है जेई मेन्स में सवाल पूछा जा रहा है ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो हर साल एक सवाल आता है और सर अब तो शिफ्ट में बट गया है तो हर शिफ्ट में आप बोल दीजिए एक सवाल आता है ऐसा आप बोल सकते हैं जय एडवांस भी सर यहां से सवाल पूछता है बहुत बढ़िया स्टार्ट करें कुछ लोग लिख रहे हैं सर वेरी गुड वेरी गुड अभी से ही मजा आना स्टार्ट हो गया है बहुत बढ़िया आई होप स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि विलंब से कोई फायदा होगा नहीं चलिए 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओपी अप ये वाला जो भी तुम्हारे सामने है वो भेज दीजिए प्लीज चलो 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 हाँ बेसिक से पढ़ाया जाएगा कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप बेसिक से पढ़ाओगे कि नहीं भैया तुम्हारे सामने जेई मेंस और एडवांस के सवाल मैं रखूंगा और तुम्हारे सामने ही सॉल्व करके दिखाऊंगा तो तुम अपने आप देख लेना तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं चलिए 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 स्टार्ट करते हैं बेटा विद वेरी बेसिक थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेलो नजरें स्क्रीन पर रखिएगा बिकॉज द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन ऑनलाइन क्लासेज की आपकी नजरें स्क्रीन से नहीं हटनी चाहिए ठीक है हाँ या ना, फटाफट सामने देखिएगा और जो भी मैं बताता जा रहा हूं उसको आराम से सुनने की कोशिश करना चलो भाई की बात कर लेते हैं है? क्वानिटिक इक्वेशन सर ऐसी दिखती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो एक ऐसी इक्वेशन जो कि वेरिएबल एक्स में लिखी जाए तो उसकी सबसे बड़ी पावर जो प्रेजेंट होगी ठीक है। तो इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी प्रेजेंट है टू तो सर ये है ए शुड नॉट सर वेरी ऑब्वियस कैसे अगर ए ही जीरो हो गया मतलब अगर आप ये वाली टर्म ही गायब कर दो ये वाली टर्म अगर आप ये वाली टर्म गायब कर तो पीछे बचेगा लीनियर ठीक है तो ऐसा लिखा जाता है कि ए की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए ठीक है नाउ जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं इसके रूट्स कैसे निकलेंगे ठीक है नजरें स्क्रीन पर रखिएगा थोड़ी देर अपने आप आपको लेक्चर में इंटरेस्ट और ज्यादा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए नाउ सर इसके रूट्स रूट्स का जो फॉर्मूला होता है रूट्स बोल दीजिए या फिर आप इसके जीरोस बोल दीजिए या फिर इसके आप सॉल्यूशंस बोल दीजिए जो कि हम सीधी धराचार्य फॉर्मूला लगाकर निकालते हैं x की वैल्यू आती है बेटा जी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू एज द वैल्यू ऑफ x ठीक है इसको आप बोल सकते हैं श्रीधराचार्य धराचार्य फॉर्मूला है क्लास टेंथ में सर हमें यह बताया जाता है और हमें पता भी है किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने हो तो कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करते हैं बहुत बढ़िया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करो हाँ ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको हमेशा जवाब मिल जाएगा कई कई बार मिडिल स्प्लिटिंग से सर आंसर दिखता नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना एक चीज सिंपल सी चीज समझो गणित में एक बहुत छोटा सा हिसाब चलता है और वो कौन सा हिसाब है जितनी इक्वेशन की डिग्री हो सर आपने एक नया शब्द इस्तेमाल किया डिग्री अब आप एक बार यह बता दो ये डिग्री क्या होती है हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट एक्स इज द वेरिएबल ए बी और सी जो मैंने यहां पर लिखे हैं वो सारे के सारे कौन है कॉन्स्टेंट ठीक है जी तो एक्स इज द वेरिएबल और एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है टू तो अगर मैं आपसे पूछू क्या है इस इक्वेशन की की डिग्री पावर पावर स्क्रीन पर देख के बताइए सबसे बड़ी सर दैट इज तो इसकी डिग्री है टू जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होते हैं तो सर ये एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है इसके दो रूट्स होंगे और ये आपने फॉर्मूला बता दिया मेरे ख्याल से बात समझ में आती है नाउ इसके आगे अगर मैं थोड़ा सा बढ़ूं तो आप बोल सकते हो सर इसके दो रूट्स होंगे से द आर एक मान लेते हैं अल्फा दूसरा मान लेते हैं बीटा आई बिलीव आपको ये अल्फा और बीटा दिखाई दे रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है एक बार चैट थोड़ी सी रोक दीजिए तुम्हारी जो चैट करने की तमन्ना है ठीक है वो पूरी कर दी जाएगी जब मैं आपको बोलूंगा अभी सिर्फ समझो ठीक है और यहां पे जब आप अपना प्रीसियस टाइम डिवोट करने आए हो तो यहां से कुछ सीख के जरूर जाइएगा ये इंटेंशन रखिए समझ में आएगी नहीं समझ में ठीक है सर दो आपने अल्फा और बीटा मान लिए एक एक प्लस साइन साइन ले ले लो ले लो माइनस जरा देखना अल्फा और बीटा कौन कौन से हो जाएंगे सर अल्फा की वैल्यू मैं प्लस वाला ले रहा हूं ठीक है आप माइनस वाला भी ले सकते हैं तो माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए और इसी में से ही अगर मैं माइनस मैं साइन वाला पार्ट अलग करूं यहां पे माइनस साइन लू तो जरा बोलना नजरे स्क्रीन पर रखते हुए कि दूसरे वाला ये आएगा क्या हाँ सर एक रूट हो गया अल्फा दूसरा रूट हो गया बीटा अल्फा बीटा दोनों आपने रख दिए या फिर लिख दिए यहां पर ठीक है ना अब मैं आपसे दो तीन छोटी छोटी बातें पूछता हूं पहली और छोटी सी बात वो कौन सी है सर वट इज है लो थोड़ा साइड में हो जाता हूं सम ऑफ द रूट्स क्या है ठीक है इसका फॉर्मूला आप बोल दो या फिर यहां से मैं आपसे एक रिजल्ट ड्राइव करवाना चाह रहा हूं अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों को जोड़ के मुझे बताओ जल्दी से एक छोटी सी चीज आप सभी लोग एक रफ कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिएगा बिकॉज गणित की क्लास में आए हैं तो सर बहुत सारी चीजें आप हमें सॉल्व करने के लिए दोगे और फिर हम वो चीजें कंपेयर करेंगे अपना आंसर आपके साथ ठीक है जल्दी 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 नाउ सर सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालें इन दोनों को जोड़ दीजिए बेटा इन दोनों को क्या कर दीजिए कर दीजिए जल्दी से बताना कि एड करने के बाद में क्या जवाब आएगा अगर मैं आपसे पूछू कि सम ऑफ द रूट क्या होने वाला है तो सर जब जोड़ोगे तो ये और ये और तो कैंसिल हो गया बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है माइनस बी और माइनस बी जुड़कर कितना हो जाएगा माइनस टू बी और डिवाइडेड बाय टू ए टू टू कैंसिल तो मुझे ये बताओ सम ऑफ द रूट्स आया कितना सम ऑफ द रूट्स आया कितना सो सम ऑफ द रूट्स आया माइनस बी अपॉन ए और सम ऑफ द रूट्स के क्या मायने हैं सम ऑफ द रूट्स के मायने हैं सर जो रूट्स है उनका सम तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए सर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हमें पहले से पता है जल्दी से बताओ यार प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा कमेंट करके अब ठीक है कुछ लोगों को है ना कि सर हम कमेंट करना चाहते हैं तो एक काम करते हैं सर अब की बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हो आप जल्दी से बता दो वट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रूट सभी लोग जानते हैं बस कमेंट करके बता दीजिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जब भी टीचर हमें बोलता है कि कमेंट करो और बच्चे कमेंट करते हैं तो इससे खुशी की बात इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और हो नहीं सकती सर बाकी सब ठीक है आप थोड़ा सा चिल्लाइए कम बिकॉज क्लास लंबी चलने वाली है ठीक है भैया कम चिल्लाएंगे फटाफट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा ठीक है मैं डायरेक्टली आंसर लिखना चाहूं तो भी बता सकता हूं या फिर सर फटाफट हम एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं चलो भैया देखना जरा इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा नजरे स्क्रीन पर रखोगे तो समझ में आएगा सर दिस इज अच्छा एक चीज देख पा रहे हो अगर आप इसको बोलो ए और इस पूरे को मनी मन में बोलो या फिर ए नहीं सर इसको एक्स बोल देते हैं इसको वाई तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई और ये लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जरा बोलना अल्फा इंटू बीटा आ क्या जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है माइनस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर बोलना जरा रूट वाले का स्क्वायर मतलब सर रूट हटा दो लो भैया डिवाइडेड बाय सर ये टू ए टू ए दोनों डिनोमिनेटर में है इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा फोर ए स्क्वायर जरा मुझे थोड़ा सा बताना क्या ये दोनों कैंसिल हो गए क्या हाँ सर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर तो एक बार बताओ यहां से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला निकल के आया c अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब होता है जो दोनों रूट्स है उनका मल्टीप्लीकेशन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं ठीक है ये बेसिक पार्ट है इतने ही पार्ट पे जो स्क्रीन पर मैं इंफॉर्मेशन छाप रहा हूं उसकी बेसिस पर यू वोंट बिलीव कि जेई ने सवाल पूछा है और आप उसको अभी आने वाले दो या तीन मिनटों में सॉल्व करने वाले हो समझ में आया फटाफट फटाफट सी अपॉन ए मेरे ख्याल से समझ में आता सबको चलिए अब एक और चीज मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं ठीक है एक नाम लिया जाता है और उसको बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट हेलो हेलो नजरे स्क्रीन पर सर इधर उधर तो हम देख ही नहीं रहे हैं आप क्या जबरदस्त पढ़ा रहे हो सर खुद की तारीफ खुद ही कर ले रहे हो आप <laughs> खुद ही कर लेनी चाहिए ज्यादा बढ़िया रहता है तो भैया लो डिस्क्रिमिनेंट डी किसको बोलते हैं ये जो रूट के अंदर यहां लिखा हुआ होता है ना रूट के अंदर जो यहां लिखा हुआ होता है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है सर फिर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है जी डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मेरे ख्याल से यह वाली बात समझ में आती है ठीक है इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं नाउ सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी हो गया एक मजेदार चीज जो शायद कम ही लोगों को पता होगी इज डिफरेंस ऑफ द रूट रूट का डिफरेंस क्या होगा ठीक है ना डिफरेंस ऑफ द रूट्स पहले सर आप ये बता दो कि आप पूछना क्या चाह रहे हो जल्दी से सर मैं अल्फा माइनस बीटा पूछना चाह रहा हूं Now, जब आप डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला देखते हो तो आपको यहां पर मॉड लगा हुआ दिखता है सर mod क्यों लगा हुआ दिखता है? आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ ना जब मैंने आपसे इसकी वैल्यू पूछी तो थोड़ी सी जानकारी और देखिए एक छोटी सी आइडेंटिटी देखो भैया सामने क्या आप सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे क्या जो जो चीजें मैं नोट करके बताता जाऊं जो जो चीजें मैं नोट करके बताता जाऊं उनको याद रखिएगा प्लीज बहुत बढ़िया यहां आ जाओ बहुत सारे लोगों ने आंसर भी लिख दिया है बहुत बढ़िया बट एक बार यहां देख लीजिए प्लीज मैं भी घर से सीख के आया हूं और बता के ही जाऊंगा तो सुनो ध्यान से सर नोट करके आप क्या बताना चाह रहे हो ए माइनस बी का स्क्वायर दिस इज एन आइडेंटिटी कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए बी ये वाली बात होती है सर हमें कैसे पता यह सही लिखा है तो एक काम करो इसको ओपन कर दो a plus b के स्क्वायर को ओपन करो राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करोगे तो यू विल फाइंड आपको पता चलेगा कि वो लेफ्ट साइड के बराबर लिखी हुई है ठीक है सर नाउ सिमिलरली कैन आई से इसी चीज का प्रयोग करते हुए क्या मैं यह बोल सकता हूं अल्फा बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 4 अल्फा बीटा के बराबर होगा जी बिल्कुल सर आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकलवा रहे हो जिसमें आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दी दैट इज माइनस बी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर पहले से लगा हुआ था अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपने बता दी दैट इज सी अपॉन ए मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है अभी नजरें स्क्रीन पर रखिए थोड़ी ही देर में एक सवाल पूछा जाएगा जो कि जेई वाले पूछ चुके हैं और वो इसी इंफॉर्मेशन से सॉल्व होगा ध्यान रखना चलो सर फटाफट देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है दिस इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन ए अगर एल सी और एम लोगे तो आपको पता चलेगा यहां पर आएगा बी स्क्वायर और इधर चला जाएगा ये ना ये जो वैल्यू आई ये अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर की है तो यहां से बताओ अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया अल्फा माइनस बीटा और स्क्वायर हटेगा तो मॉड आ जाएगा ध्यान रखना ठीक है जी तो सर वो ऊपर लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को ही आपने डी बोला और नीचे लिखा हुआ है सर ए स्क्वायर ठीक है जी और इसका लगा दो रूट नाउ सर ये जो आपने रूट लगाया है ठीक है सामने देखिएगा प्लीज रूट में नीचे ए स्क्वायर था नीचे क्या था ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और ऐसा लिखा जाएगा इस पर भी मॉड लगा दीजिए मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये मॉड वाली चीज कंफ्यूज करेगी कि सर आप ये मॉड क्यों लगा रहे हो तो एक सिंपल सी कहानी सुनो ठीक है हमें नहीं पता कि अल्फा और बीटा में से कौन बड़ा है इस वजह से मैंने यहां पे मॉड लगाया या फिर लो भैया नोट करके एक जानकारी और याद रखो ठीक है जो जो यूज करूंगा वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता के जाऊंगा केवल एक्स के बराबर नहीं होता ये मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है ठीक है कभी भी आपको रूट के अंदर स्क्वायर दिखाई दे तो जब आप वो हटाएं सर आज तक तो हम एक्स ही लिखते आए थे ये आज आपने नई बात बता दी ठीक है दिस इज करेक्ट जो आप लिख के आए थे वो इनकरेक्ट है समझ में आया तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स तो इसके ऊपर अगर मैं रूट लगाऊं, तो सर ए बाहर आ जाएगा और इधर मॉड आ जाएगा इसको ध्यान रखना तो एक बार इज डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या हो गया जल्दी से बताइए जल्दी 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 सर वो हो गया रूट डी अपॉन ए और इस पे लगा दिया मॉड। तो ये तीन फॉर्मूले जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आई वॉन्ट की ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए प्लीज ठीक है कौन से फॉर्मूले सर ये वाले ये तीनों फॉर्मूले वाह सर, ये क्या जादू है ये ही तो जादू है ठीक है आई होप आप इनको याद कर लोगे वन इज समर इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ द रूट नाउ एक इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात अभी मैं कमेंट्स की तरफ देख भी नहीं रहा हूं तो आपको कमेंट करने की जरूरत भी नहीं है होल्ड कर लो उसको सर अगर मान लो एक तो इक्वेशन दे रखी और हमसे कोई पूछे कि रूट्स बताओ तब हम इस रास्ते पे जाएंगे अगर पूछने वाले ने यह बोला कि डायरेक्टली सम ऑफ द रूट्स बता दो आप तो रूट्स मत बताओ डायरेक्टली सम ऑफ द रूट्स बता दो तो क्या आप इक्वेशन देखते डायरेक्टली यहां आ सकते हो या फिर इस रास्ते को फॉलो करोगे मतलब इस रास्ते को फॉलो करने का मतलब कि भैया किसी बच्चे ने ये इक्वेशन देखी उसने रूट्स निकाले फिर वो सम निकाल रहा है तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर ये फॉर्मूले लिखवाने का कोई फायदा नहीं है ठीक है अगर वो कभी बोले कि डायरेक्टली सम ऑफ द रूट्स बताओ अल्फा प्लस बीटा की कंबाइंड वैल्यू पूछे ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा अल्फा इंटू बीटा पूछे तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा और अगर डिफरेंस ऑफ द रूट्स पूछे तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ठीक है इतनी ही इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी इस पर बेस्ड अब हम करते हैं जेई मेंस का सवाल ठीक है कुछ लोग बोलेंगे इधर उधर देख के सर जेई मेंस <laughs> इतनी जल्दी आपको अभी आए हुए पांच मिनट तो हुई नहीं और आप बोल रहे हो जेई मेंस <laughs> देखो ठीक है बस थोड़ी सी नजरें स्क्रीन पर रखिएगा और जो जो बोलता जा रहा हूं उसको फॉलो जरूर कीजिएगा ठीक है जी लो भैया आई होप एंड बिलीव आपको यह सवाल दिखाई दे रहा है बाकी सब बाद में देखिएगा पहले इधर देखो ये सवाल पूछा गया है जे मेन्स 2020 में मतलब सर हाल फिलहाल ही या फिर आप इसको लेटेस्ट बोल सकते हो ठीक है ना ऊपर ही ऊपर अगर आप देखोगे तो मैंने एक शब्द या फिर एक क्या देख के बताओ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाली चीज इस्तेमाल की है सर ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जल्दी से बता दीजिए बिकॉज जो जो आप बोर्ड में लिखो उसका मतलब समझा देना जरूर जी बिल्कुल सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है बेटा वो वाला एक्सप्रेशन कौन से वाला वो वाला एक्सप्रेशन जिसमें सामने देखिएगा प्लीज ठीक है जिसमें अल्फा एंड बीटा की अगर जगह बदल दी जाए जगह बदल दी जाए तो ठीक है तो वो वो एक्सप्रेशन सेम रहता है वो एक्सप्रेशन सेम रहता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ठीक है जी अल्फा और बीटा मतलब रूट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं किस एक्सप्रेशन को सिमेट्रिक बोलते हैं जिसमें अल्फा और बीटा की जगह बदल दो तो वो एक्सप्रेशन जैसा आपको पहले दिख रहा था वैसा ही अब दिखेगा एक बार मन की आंखों से ध्यान से सुनना अगर मैं इस एक्सप्रेशन में अल्फा और बीटा की अगर जगह बदल दू तो क्या ये मुझे ऐसा ही दिखने वाला है क्या तो आंसर इज यस नाउ अब एक ज्ञान की बात ठीक है बहुत सारे लोगों ने आंसर भी छाप दिया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड पर एक बात सुन लो ठीक है वो ये ना मैं भी घर से सीख के आया हूं तो मेरे को भी बताने दो बहुत सही बहुत सारे लोगों ने आंसर दे भी दिया है कि सर ये वाला आंसर होगा ना ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे जिसमें अल्फा और बीटा का सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया जाए तो सबसे चीज ऐसे सवालों में ध्यान रखने वाली बात नो नीड टू कैलकुलेट नो नीड टू कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा सेपरेटली अल्फा और बीटा को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है ठीक है ऐसा मत बोल देना कि सर हमें ये दिखाई दे रही क्वाड्रेटिक और आपने वो रूट वाला फॉर्मूला सिखाया था हम रूट्स निकाल लेते हैं और यहां पटक देंगे तुम अपनी समस्याएं खुद बढ़ा लोगे अगर आपने ऐसा किया तो तो जो भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिखे बॉटम लाइन जो जो बोलता जा रहा हूं आपको अल्फा और बीटा अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है तो फिर सर कैसे करें हां जी नजरें स्क्रीन पर यह जो एक्सप्रेशन है जरा बोलना क्या, so, क्या है सर दिस इज अल्फा क्यूब अपॉन बीटा की पावर फाइव होल पावर वन अपॉन एट ठीक है ना दूसरे वाला क्या है सर बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर फाइव

ठीक है और सर एलसीएम 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 मतलब LCM मतलब LCM. ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा ये जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा जरा बोलना सर हमें बचपन में मैडम ने सिखाया था कौन सी मैडम ने सर हम सभी बचपन में किसी ना किसी मैडम से पढ़े हैं उन्होंने हमें सिखाया था कि भैया जब सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर्स को जोड़ देना चाहिए जब सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर्स को जोड़ देना चाहिए एक बार बताओ जरा

या फिर चाहे आप इसको ऐसा लिखो कैसा सामने अल्फा इंटू बीटा की पावर फाइव बाई एट समझ में आया ना इस एक्सप्रेशन तक लाकर मैंने आपको छोड़ दिया इसके आगे का जवाब आप मुझे बता दीजिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुछ लोग अब लिख रहे हैं कि सर आप लेट आए हो वाह शायद आपको मन में समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इनको चलिए फटाफट यहां बताओ सर अल्फा प्लस बीटा कहां से निकालें होप आपको ये वाली क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही होगी ठीक है? इसमें A दिखाई दे दे रहा रहा है है, है है है? क्या? क्या? क्या सर, सर, का दिखाई दिखाई या और आपको ये क्वाड्रेटिक दिखते, ये दिखाई दिया ना फटाफट वैल्यू पुट करते हैं से आता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए That इज सिक्सटी फोर अपॉन वन डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा हुआ है सर ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होता है सी अपॉन ए सी कितना है टू फिफ्टी सिक्स अपॉन ए की होल पावर फाइव अपॉन एट मेरे ख्याल से बात समझ में आती है जवाब से कुछ दूर कुछ दूर मतलब जस्ट फ्यू सेकेंड्स अवे तो सर हमें पता चला जो एक्सप्रेशन था वो क्या आया जरा देखना माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा सर माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस सिक्सटी फोर ठीक है जी थोड़ी सी मदद कीजिएगा मेरी गणित थोड़ी सी कमजोर है ठीक है और ये टू फिफ्टी सिक्स की पावर कितनी लिखी हुई है नजरें तो स्क्रीन पर ही होंगी जी बिल्कुल सर मम्मी हमें बाहर से आवाज दे रही है कि बेटा एक बार इधर आना मम्मी को बोल दो एक बार रुको भैया यहां पर खतरनाक चीजें शुरू हो चुकी हैं जेई मेंस का सवाल भिड़ते ही लो भैया 256 किसकी और कितनी पावर होती है जल्दी से बताओ फिफ्टी सिक्स और अगर मैं ध्यान से पूछू तो ये टू की कितनी वाली पावर होती है जल्दी बता दीजिए प्लीज की कौन सी पावर टू फिफ्टी सिक्स होती है जवाब दो टू की कौन सी पावर टू फिफ्टी सिक्स होती है वो पूछ रहा हूं आंसर मत बताओ टू की कौन सी पावर टू फिफ्टी सिक्स होती है तुम्हारे कमेंट की तरफ ध्यान है जी बिल्कुल <laughs> सर हमारा नाम चिल्ला दो जो सही जवाब देगा उसका चिल्ला देंगे नाम क्या बड़ी बात है हाँ एट एट एक ने दिया था नाम सॉरी भूल गया प्रणव ने नाम जवाब दिया है जॉय ने दिया है अमित ने दिया है और फिर अरुण राज ओमकार बहुत सही मोहित हाँ इफ यू वांट टू से कि मैं आपका नाम लू तो फटाफट पड़ कमेंट करो जतिन अदिति चैतन्य अरे वाह बस बस इतना बहुत है ठीक है सर आप तो पता चला उधर ही फ्लो में चले गए नाम लेने वाले में टू फिफ्टी सिक्स टू की पावर फाइव सॉरी टू की पावर एट कौन सी पावर टू की पावर एट और होल पावर एट तो भैया एक बात बताओ ये पीछे क्या बचा सर टू की पावर फाइव टू की पावर फाइव कितनों हो तो है थर्टी टू फाइनली सर इसको कैंसिल करोगे तो जवाब क्या आएगा दैट इज टू कोई ऑप्शन दिख रहा है का? हाँ सर ठीक है ऑप्शन इज बी बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमने पहले ही बता दिया था जिन लोगों ने पहले बता दिया वो वैज्ञानिक लोग हैं बहुत बढ़िया बट जो समझने आए हैं जो सीखने आए हैं उन्होंने ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया और सर इसमें आपने एक चीज वो बताई ठीक है जो तुम्हारे सभी के मन का डाउट रहता है कि सर ऐसा ही क्यों किया हमें कैसे पता चलेगा तो भैया सिंपल सी कहानी है देखो ठीक है अगर आप इसमें अल्फा और बीटा अलग अलग निकालते तो आप खुद देख सकते हो कि आपका पेन थोड़ा बढ़ जाएगा और ये वाली बात याद रखना जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे उसमें अल्फा बीटा कभी अलग अलग नहीं निकालते ठीक है चलो एक और सवाल देता हूं फटाफट जवाब बताइएगा सर ये तो चलो ठीक था हमने इसमें लर्निंग की अब ये वाला देखते हैं लो भैया ठीक है ये फिर से पहले यहां देख लो <laughs> सर क्या बात कर रहे हो आप जी मेंस का एक और सवाल जी बिल्कुल और उतनी ही नॉलेज पे जितना हमने अभी बताया जी बिल्कुल फटाफट 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 क्वाड्रेटिक जो दे रखी है वो मैं लिख देता हूं सेवन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस टू बराबर जीरो आई होप आप सभी लोगों ने हेलो हेलो नजरे स्क्रीन पर आप सभी लोगों ने आई बिलीव ये क्वाड्रेटिक देख ली और वो बोल रहा है अल्फा बीटा इसके रूट्स है बहुत बढ़िया सर जो जो बोल रहा है सुनते जाओ देन द वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है सबके मन में डाउट आया सर ये सिमेट्रिक है क्या जी है रफ कॉपी है ना आपके पास तसल्ली से घर पे जब ये लेक्चर खत्म हो जाए तो इसमें अल्फा और बीटा की जगह बदल के देखना जहां जहां पे अल्फा लिखा है वहां वहां पे बीटा लिख देना जहां जहां पे बीटा लिखा है वहां वहां पे अल्फा लिख देना आपको ये एक्सप्रेशन ऐसा ही दिखाई देगा कुछ महान लोग बोलेंगे सर ये बीटा वाली टर्म पहले आ जाएगी अल्फा वाली बाद में आ जाएगी इतना डिटेल में मत जाइए प्लीज ठीक है वो एडिशन में है तो सेम ही तो है भैया ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आती है अब जल्दी से आप मुझे इसका जवाब बता दो और इसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी क्या है सर ये? सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ये बता दो और मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं जरा देखना सर उससे पहले ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है सेवन बी वो कितना है माइनस थ्री और सी दैट इज कांस्टेंट टर्म वो है सर माइनस टू जल्दी से बताओ यार सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा और फिर मुझे बता दो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सर उसमें एक माइनस साइन पहले से आता है हम आपको बता दें आप गलती मत कर देना ठीक है भाई मैं ध्यान रखूंगा माइनस ऑफ बी अपॉन ए बी की वैल्यू ये रही और ए ये रहा ये आता है थ्री अपॉन सेवन सर आपकी हैंडराइटिंग तो जबरदस्त है हाँ सर फिर आप खुद की तारीफ खुद ही कर ले रहे हो अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें कुछ समझाया था आई होप समझ में आती है सर अल्फा प्लस बीटा भी आ गया अल्फा इंटू बीटा भी आ गया जवाब यह नहीं पूछा है जवाब तो कुछ और पूछ रहा है जल्दी से बताओ भाई इसकी वैल्यू बतानी है आराम से अल्फा बीटा अलग अलग सॉल्व करके इस सवाल को मत सॉल्व कीजिएगा ठीक है फटाफट 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 फटा बहुत सारे लोगों ने जवाब भी छाप दिया है लो भैया सर किस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहे हो अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा स्क्वायर ठीक है जो थोड़े से एल्सियम वेल्सियम से परेशान होने वाले लोग हैं नजरें सटीक तरीके से सामने रखिएगा प्लीज चलो कैसे सॉल्व करें सर कुछ नहीं एल्सियम ले लो आराम से ठीक है सर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा ध्यान सुनना अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर आ जाएगा अब बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर ये बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में सर सर माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर स्क्वायर बीटा आ जाएगा हमें समझ में आ रहा है आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो चिल्लाओ मत हमें प्यार से भी समझ में आता है ठीक है भाई नहीं चिल्लाएंगे तो फटाफट जवाब बताओ अब इसका क्या जवाब होने वाला है एक जैसी टर्म से एक साथ इकट्ठी कर लो सर समझ गए समझ गए और समझ गए जरा बताना पहले लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा किस किस को क्लब किया इन दोनों को माइनस वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ कौन कौन सी टर्म्स ये वाली और ये वाली कछु कॉमन दिखाई दे रो है क्या हाँ सर अल्फा बीटा तो माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लो सर ये बीच बीच में कौन सी भाषा बोलने लग जाते हो आप बस ठीक है ना सर नीचे वाले को आराम आराम से प्यार प्यार से मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी सर वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू वन माइनस अल्फा स्क्वायर Square, square, मेरी बात समझ में आती है कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आंसर एट है एट तो बेटा ऑप्शन में नहीं है <laughs> ऐसे मत करो यार ठीक है मतलब इतना ज्यादा इंटेलिजेंट इतना ज्यादा भी पांच दस मिनट में मत सीख लो कि सर हम ऑप्शन से बाहर ही चले जा रहे हैं ठीक है नाउ

अरे भाई टाइम पास नहीं है बताना मेरा फर्ज है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा होता है तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो सर वो हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये वाली जो टर्म है उसको लेफ्ट में लेके जाओ माइनस टू अल्फा बीटा चलिए फाइनली हमें ये बात भी समझ में आ गई ठीक है जवाब निकालेगा नजरे स्क्रीन पर ही रखिएगा जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं थोड़ी सी गणित मेरी कमजोर है ठीक है तो मैं कोई एरर नहीं कर दू उसका आप ध्यान रखेंगे जी सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे और हम तो इसी ताक में बैठे हैं <laughs> कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो बैठे ही इसलिए कि आप कोई एरर करो और फिर हम सीटी बजा दें चलो भैया अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा थ्री बाय सेवन ठीक है अल्फा प्लस बीटा थ्री बाय सेवन बहुत बढ़िया माइनस अल्फा इंटू बीटा विद साइन वैल्यू पुट करनी है माइनस टू बाय सेवन एंड अल्फा प्लस बीटा अगेन इज सर थ्री बाय सेवन बहुत बढ़िया सर वन माइनस के बाद में यहां पर जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे ये क्या बोल रहा है ये क्या लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मतलब इस चीज का स्क्वायर सर वो होता है फोर अपॉन अब तुम मुझे यहां पर क्या लिखना है वो बताओ कमेंट करके केवल ये बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हां ऑप्शन डी आ गया है आंसर बहुत सारे लोगों का बट जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए प्लीज ऑप्शन डी तो आ गया है वो ठीक है बट जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो तो, जल्दी 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 ठीक है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हो सर आप ठीक है भैया तो अल्फा प्लस बीटा इज थ्री बाय माइनस टू अल्फा इंटू बीटा कितना है अल्फा इंटू बीटा कितना है सर अल्फा इंटू बीटा माइनस टू बाई सेवन है ठीक है देख लेना मैं कोई गड़बड़ नहीं करूं लो 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 सर ये कितना आ जाएगा ये जितना भी आएगा जरा देखना दिस इज नाइन अपॉन फोर्टी नाइन नाइन अपॉन फोर्टी नाइन प्लस फोर अपॉन सेवन दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक बार सिंप्लीफाई करके बताना यार सर ये आ गया 49 नाइन यहां पर जाएगा 28 28 ट्वेंटी एट प्लस नाइन आई बिलीव थर्टी होता है ठीक है जी आई होप एंड बिलीव हा बहुत सारे लोग 37 सेवन अपॉन फोर्टी नाइन थर्टी सेवन अपॉन फोर्टी लिख रहे हैं तो फाइनल जवाब पे चल सकता हूं क्या सर आप फाइनल जवाब पे ही थे तो यहां पर लिखा जाएगा 37 सेवन अपॉन फोर्टी चलो भाई इसको सिंप्लीफाई करके बताओ और गणित में सर जवाब में कैलकुलेशन एरर का भी पॉसिबिलिटी बहुत रहती है तो इसका मुझे फाइनली सभी लोग सिंप्लीफाई करके जवाब बताएंगे एलसीएम ध्यान से लेके ठीक है है बिकॉज आसान और हम जवाब बता दे रहे हैं जल्दी 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 जल्दी, जल्दी बहुत बढ़िया थम्स अप ये वाला ये वाला और दिल वाला जो भी तुम्हें अच्छा लगे फटाफट भेज दीजिए भेज दीजिए कमेंट बहुत सारे ठीक है तुम्हारे कमेंट देखकर ही एनर्जी मिलेगी मुझे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर डी आ गया सर ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्सटीन क्या आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया गया इसको आई लव यू सर आई ऑल्सो लव यू बेटा ठीक है तो मैं क्या डायरेक्टली आंसर लिख दूं बिकॉज बहुत सारे लोग आंसर लिख दे रहे हैं और कुछ लोग तो सर ऑप्शन से बाहर जाके ही आंसर लिख दे रहे हैं <laughs> इतना ज्यादा ज्ञान ठीक नहीं है बेटा यहीं से ही कोई आंसर बताओ इनमें से ही ऑप्शन ठीक लिखे हुए हैं 27/16 27/16 27/16 ठीक है सर ठीक है और जिन लोगों का ये 27/16 नहीं आया तो ये चिल्लाने की बजाय कि सर हमें समझ नहीं आया मैं बताता हूं आपको क्या करना है अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो वीडियो आपको मिलने ही वाली है youtube पे फाइनली क्या करना फिर इस पार्ट पे फिर से आना यहां पर वीडियो को पॉज करना रफ कॉपी में तब तक इसको सॉल्व करना जब तक ट्वेंटी नहीं आ जाए ठीक है सर ये क्या मतलब है मतलब हम सॉल्व भी करते रहेंगे जी बिल्कुल आपसे कुछ छोटा मोटा एरर हो रहा 27 upon बहुत सही बहुत सही आई बिलीव यहां तक की कहानी क्लियर है सर दो सवाल बता दिया आपने <laughs> दो के बाद में ये भी लो चलिए अब ये जब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाली बात चली तो इसी के ही कॉन्टिन्यूटी में एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन फॉर्मूला ठीक है सर ये न्यूटन फॉर्मूला क्या होता है समझाऊंगा ध्यान से आराम से सुनो आराम समझाऊंगा बट इससे पहले बता देता हूं ये जो न्यूटन फॉर्मूला है ना इस पे सवाल ऐसे समझो कि जेई वालों के सामने क्वालिटी चैप्टर आता है तो वो उनको लगता है कि भैया न्यूटन फॉर्मूला से सवाल पूछ लो ठीक है अभी बताऊंगा ठीक है 2011 में पूछा गया सवाल फिर 2015 में पूछा गया 2020 में पूछा गया 2021 में भी पूछा गया सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है पूरी कहानी और वो लगाते कैसे हैं वो समझाया जाएगा और सर अगर इतना आसान सा ही है तो फिर आप हमें सवाल करवा के दिखाओ जी बिल्कुल पहले समझ लेते हैं और फिर देखते हैं आई होप मजे आ रहे होंगे जल्दी से सभी लोग अप भेज दीजिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से <laughs> कुछ लोग यहां पर सर इज हैंडसम थैंक यू मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे वरना मैं भी तुम्हारे बारे में हैंडसम वाली बात ही बोलता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाँ जी बिल्कुल मैं तो मानता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ लोग बोलते हैं लोकेशन ऑफ द रूट मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया लोकेशन ऑफ रूट में सर आठ दस कंडीशन याद रखो फिर एक सवाल होता है फिर उसमें कंडीशन हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो गलती गलत भी हो सकती है सर इसमें इतनी बार सवाल पूछा गया है अभी आपको सवाल भी दिखाएंगे और ये है भी आसान सा चुटकियों में जवाब लाने वाला तो आप क्या सभी लोग तैयार हो चुटकी बजाने के लिए हाँ सर वी ऑल आर रेडी 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 बहुत सही बहुत सही थोड़ी कमेंट की स्पीड बढ़ाओ ना यार कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैं तो कभी कमेंट करता ही नहीं करो अब करो पॉजिटिव वाला करो सर नेगेटिव वाला वो मन में ही रखो ठीक है वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं जल्दी 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 बहुत सही बहुत सही बहुत सही चलो अब देखते हैं इधर आ जाओ भैया न्यूटन फॉर्मूला क्या होता है सुनना जरा कहानी की तरह कि कहानी कहां से शुरुआत हुई कहानी की शुरुआत हुई ऐसे कि एक थी क्वाड्रेटिक बहुत बढ़िया फिर सर एक थी क्वाड्रेटिक उसके दो रूट्स थे उसके कितने रूट्स थे बेटा बहुत पुराने टाइम की बात है ठीक है एक थी क्वाड्रेटिक उसके दो रूट्स थे अल्फा और बीटा ठीक है नाउ उसके बाद में एक एक्सप्रेशन आपको दिखेगा और उस एक्सप्रेशन को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूं ए एन से डिनोट कर देते हैं चलो ठीक है इस क्वाड्रेटिक के रिस्पेक्ट में रूट्स को मिलाते हुए एक एक्सप्रेशन बनाया गया एक थी क्वाड्रेटिक उसके दो रूट्स थे और इसके रिस्पेक्ट में एक एक्सप्रेशन बनाया गया जिसको ए एन से डिनोट करते हैं ठीक है अभी मत पूछने लग जाना सर ए एन के क्या मायने हैं तसल्ली रखो थोड़ा सा उसमें क्या किया गया अल्फा की पावर एन जो भी रूट है उसकी पावर एन लगा दी और जो भी दूसरा रूट है उसकी भी पावर एन लगा दी या तो दोनों को जोड़ दो या फिर मैं और करके लिख रहा हूं सब्ट्रैक्शन वाला भी हो सकता है ठीक है या फिर क्या हो सकता है बेटा सब वाला भी हो सकता है ना वो जो तुम्हारे मन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूटन फॉर्मूला लगाना है तो भैया जिस भी सवाल में जेई के या फिर किसी भी सवाल में आपको ऐसा दिखाई दे कि अल्फा बीटा दो रूट्स हैं और उनकी पावर एन एन लग के दोनों का या तो एडिशन या दोनों का सब दिखाई दे समझ लेना कि वो न्यूटन फॉर्मूला की तरफ ही जा रहा है तो हमने ये वाला और फिर ये बोला ठीक है ना न्यूटन फॉर्मूला का जो रिजल्ट है वो सुनो ध्यान से न्यूटन फॉर्मूला क्या बोलता है अकॉर्डिंग सामने देखिएगा प्लीज नजरे स्क्रीन पर बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस पर और मैं नहीं चाहता कि 2021 का जब भी आने वाला अटेम्प्ट हो और इससे कोई सवाल पूछ ले और तुम फिर इधर उधर देखो दूसरे की कॉपी में कि भाई उस दिन मैं तो कमेंट करने में बिजी था तू शायद समझ के पढ़ के गया था तो तू ही बता दे क्या करना है तो आप भी समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला क्या करो आप ठीक है एक डायरेक्ट मैं आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूं प्रूफ बहुत आसान सा है बता भी दिया जाएगा सर इस क्वाड्रेटिक में जो एक्स स्क्वायर होगा ना क्वाड्रेटिक में जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह सबसे बड़े वाला रख दो मतलब एक्स स्क्वायर की जगह आप ए एन रख दो ठीक है और जो एक्स है उसकी जगह ए कम कर दो ठीक है ए एन मैंने एक्स स्क्वायर की जगह रखा एक्स की जगह ए एन माइनस वन रखना है और सर जो कांस्टेंट टर्म है मतलब कांस्टेंट टर्म के साथ ठीक है मतलब जो वन आपको दिखाई दे रहा है ना यहां पर क्या आप सभी लोगों को यहां पर वन दिखाई दे रहा है कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो सी के साथ मल्टीप्लीकेशन में किसको रखना है वो बता रहा हूं सर वहां पर पर आप क्या करो यहां माइनस वन आ गया यहां पर आएगा एन माइनस टू अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहूं कि हम क्या कर रहे हैं तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह किसको रख रहा हूं एन को एक्स की जगह ए एन माइनस वन को मैंने ये नहीं बोला कि कांस्टेंट टर्म की जगह ये रख देना नहीं जी कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक और कम कर दो एन की वैल्यू एन एन माइनस वन एन माइनस टू ये तीन भी हो सकते हैं और सर ऐसा भी हो सकता है 5, 4, 3. सर ऐसा भी हो सकता है ध्यान से सुनना कंफ्यूज मत होइएगा सर यहां पर क्या ऐसा भी हो सकता है ए एन प्लस वन ए एन ए एन माइनस वन जी बिल्कुल हो सकता है समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आया ठीक है मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आया ना सर फिर क्या करें बस रख दो और जवाब पाओ तो न्यूटन माइनस वन ठीक है जी प्लस बी एक्स की जगह क्या रखना है, है सर ए अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ए एन माइनस वन नहीं ओनली एन बिकॉज एक्स स्क्वायर की जगह ए एन रख रहे हैं और x की जगह सर क्या रख रहे हैं ए एन माइनस वन और कांस्टेंट टर्म के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है ए एन माइनस टू ना न्यूटन फॉर्मूला बोलता है ठीक है जी ये वाली बात सत्य है समझ में आएगी नहीं समझ में आई बात प्रूफ पे आएंगे घबराइए नहीं प्रूफ भी बता दिया जाएगा बहुत आसान सा प्रूफ है पहले आप क्या ये लिखना सीखे कि नहीं सीखे जी सर बिल्कुल सीख गए और ये एन ए एन माइनस वन सर एन माइनस टू ये लोग कौन है ये थोड़ा कम समझ में आया एक बार बताओ यहां पर ये डिफाइन कर रखा है ए एन सामने देखोगे तो सब बताया जाएगा ध्यान रखना अगर ये डिफाइन कर रखा है ए मैं आपसे इज इस इसका मतलब सर अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर या माइनस वाला भी ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर अगर मैं आपसे पूछू वट इज ए थ्री या फिर से ए सेवन तो ए सेवन क्या है जहां जहां पर एन दिख रहा है वहां वहां पे सेवन लगा दो अल सेवन प्लस बीटा सेवन ठीक है ऐसे ही सिमिलरली मैंने पूछा ए एन माइनस वन क्या हो जाएगा सर जहां पर एन दिखाई दे रहा है अब तो किचन से मम्मी की भी आवाज आ गई कि बेटा N की जगह N -1 रख दे इतना तो मम्मी को भी समझ में आ गया सर आप इतना तेज पढ़ा रहे हो मैंने यहां पे सारे प्लस वाले लिए हैं माइनस वाले हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है माइनस वाले हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है ठीक है मेरे ख्याल से ये बात समझ में आती है नाउ दिस रिजल्ट इज ट्रू और यही न्यूटन फॉर्मूला है जल्दी से देख लो सर फिर इसको कैसे इस पे या सवाल कैसा बनेगा वापिस बताता हूं ध्यान सुनना कॉन्क्लूड कर रहा हूं ये क्वाड्रेटिक दो रूट अल्फा और बीटा पावर एन एन है बीच में प्लस साइन भी हो सकता है माइनस साइन भी हो सकता है दोनों के लिए एप्लीकेबल है मैंने यहां प्लस लगाया है आप इरेज करके माइनस लगा लीजिए दैट इज आल्सो ट्रू ठीक है नाउ सर यहां पर रिप्लेसमेंट करते हैं कुछ एक्स हैं एक्स की जगह ये लिखते हैं है, और टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में ये लिखते हैं एक एक कम करते जाओ जहां से भी आपने शुरू किया है अगर आपने A7 से शुरू किया है तो एक्स स्क्वन इसकी जगह ए सिक्स और इसकी जगह ए फाइव सर समझ में आ गया आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पे आओ ठीक है भैया लो तो एप्लीकेशन देखना फाइनली मूविंग अहेड मतलब मेन सवाल पे आने से पहले थोड़ा एप्लीकेशन करके दिखाता हूं मान लो आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे टू एक्स स्क्स माइनस सेवन बराबर जीरो इसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा ठीक है एंड इज टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन तब कौन सा रिलेशन ट्रू होगा तो सर कुछ नहीं ये वाला ट्रू होगा न्यूटन फॉर्मूला क्या बोलता है जरा देखना सर टू को एज इट इज एक्स स्क्वायर की जगह किसको ले आओ एन को सर एक्स की जगह ए एन माइनस वन को और जो भी कांस्टेंट टर्म है मैंने ए बी और सी को नहीं छेड़ा उनके जो साइन थे वो रहेंगे अब सर इसमें एन क्या है एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है एन क्या हो सकता है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है तो मान लो कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो इसमें एन फाइव रखूंगा मैं क्या करूंगा इसमें एन की वैल्यू फाइव रखूंगा जरा बोलना ये कितना आ जाएगा दिस इज टू ए फाइव प्लस फाइव ए फोर एन की जगह फाइव रख रहा हूं मेरे ख्याल से बात समझ में भी आती है यहां पर आ जाएगा सर थ्री दिस थिंग इज ट्रू कोई परेशानी नहीं है बोलो ना क्या आपको न्यूटन फॉर्मूला लगाना आया हाँ सर बिल्कुल लगाना आया और इसमें कोई परेशानी नहीं है ठीक है आई होप मेरी बात समझ में आती है चलो भैया ये वाले सवाल का जवाब दो इस वाले सवाल का जवाब दो और ये सर आई आई टी टू थाउजेंड इलेवन का पूछा हुआ सवाल है यही सवाल फिर से रिपीट हुआ था जेई मेन्स ठीक है यही सवाल फिर से रिपीट हुआ है जेई मेन्स टू थाउजेंड फिफ्टीन में एज इट इज सेम रिपीट होता है जो भी आईआईटी पूछ चुकी है सिंगल करेक्ट वाले सवाल वो मेंस में कई बार रिपीट हो जाते हैं नाउ फटाफट फड़ इसका जवाब दे दीजिए आई होप एंड बिलीव इनमें से कौन सा सही आंसर है वो सभी पढ़ने वाले लोग कमेंट में अब लिखेंगे जल्दी 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 जल्दी, जल्दी बहुत सही आंसर आने भी स्टार्ट हो गए सवाल देखा नहीं उससे पहले ही आंसर आना स्टार्ट हो गया प्लीज थोड़ा सा जवाब कमेंट पे ध्यान दीजिए सर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्या कुछ भी पे नहीं जाते हैं आप ये समझो कि एन कोई नेचुरल नंबर होगा ठीक है एन शुड बी ए नेचुरल नंबर ठीक है जल्दी 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 कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी ठीक है ठीक है? है मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि क्या आप इस पे न्यूटन फॉर्मूला देख पा रहे हो हां सर देख पा रहे हैं क्या यहां पर आपको ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू बराबर जीरो हाँ सर अल्फा और बीटा इसके रूट दे रखे हैं जैसा जैसा आपने बताया वही कहानी सर सवाल में लिखी हुई है और एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया है ए एन अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन बोल रहा है एन वन या वन से बड़ा कुछ होगा बहुत बढ़िया ना एक बात बताओ व्हाट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला क्या बोलता है न्यूटन्स फॉर्मूला एन एफ सर एक्स स्क्वायर की जगह आपने बोला ए एन रख दो माइनस सिक्स को नहीं छेड़ना है एक्स की जगह एक कम कर दो एन माइनस वन माइनस टू जो कि एक और कम कर दो मल्टीप्लीकेशन में तो ए एन माइनस टू बराबर जीरो अब ये जो बात है ना अब चाहे इसमें आप एन की वैल्यू थाउजेंड रखो हंड्रेड रखो टू थाउजेंड रखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बहुत सही आंसर लिख रहे हैं बहुत सारे लोग तो अब एक बार बताओ जो सवाल में पूछा है वो कब बनेगा जो सवाल में पूछा है वो कब बनेगा तो एक बार वहां देख के बताओ यार एन की सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर ये छोटे वाली जगह पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है ए के पैरो में मतलब उस जगह को बोलते हैं लोअर सफिक्स सबसे बड़ा सर हमें टेन लिखा हुआ दिख रहा है तो एक काम करो सर ये एन की हर वैल्यू के लिए ट्रू है तो हमने इसको टेन रख दिया तो जैसे ही टेन रखूंगा ए टेन माइनस माइनस टू ए एट बरोबर जीरो बहुत सही नाउ सर ए टेन और माइनस टू ए एट को उसने एक साथ रखा है हम भी रख लेते हैं हेलो हेलो नजरे <laughs> हाँ सर स्क्रीन पर ही है आप चाहे बार बार मत बोलिए सिक्स ए नाइन क्या यह बात सही है क्या जी बिल्कुल सही है सर वो कितने पार्ट को डिनोमिनेटर में लेके गया है टू ए नाइन को डिनोमिनेटर में ले गया तो अगर मैं इसमें से टू एक टू सिक्स में से और ए नाइन को डिनोमिनेटर में भेजू तो मुझे एक बात बताओ पीछे बचेगा क्या सर टू ले गए आप और ए नाइन भी ले गए तो पीछे बचा यहां पर थ्री और यही हमारा आंसर हो तो है ठीक है हो तो है <laughs> हां जी दिस इज द आंसर दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट बहुत सारे ज्ञानी विज्ञानी लोग पहले ही बता दे रहे थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कोई परेशानी नहीं है आई होप एंड बिलीव आपको न्यूटन्स फॉर्मूला समझ में आया होगा एक सवाल और मैं आपको न्यूटन्स फॉर्मूला पे करवाना चाह रहा हूं ठीक है लो भैया ठीक है ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि सवाल आते हैं लो ये देख लो ये है जेई मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी का सवाल सर आपको अभी करीबन करीबन आधा घंटा हुआ है पढ़ाते हुए और हमसे तुरंत जेई मेन्स के सवाल हो जा रहे हैं वी कांट बिलीव अवर सेल्फ बिलीव करो घबराओ नहीं सर आप फिर अपनी तारीफ कर रहे हो जल्दी 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 इसका आंसर बता दो यार सारे ऑप्शन आपके सामने है क्या किया गया है सब दिखाई दे रहा है और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये लो सर आपने तो ए एन बताया था ये एस एन आ गया अरे भैया तुम्हें ए एन एस एन से क्या करना है रूट की पावर एन प्लस दूसरे रूट की पावर एन बस न्यूटन फॉर्मूला तुरंत एक रूट की पावर एन फिर दूसरे रूट की पावर एन कुछ लोग बोल रहे हैं सर यहां पे स्पैमिंग हो रही है, तो स्पैमिंग जो मुझसे पढ़ते हैं आप इग्नोर मत करें ठीक है स्पैमर्स मतलब जो उलझुल बातें यहां लिखते हैं और जिनको अपना ही मैसेज बार बार भेजने में, में मजा आता है उनको स्पैमर्स बोलते हैं शायद ठीक है कोई बात नहीं ये वही लोग है जिनके अंदर थोड़ा गुस्सा इकट्ठा हो गया है कि सर हमारी बात कहीं सुनी नहीं जा रही इसलिए हमें यहां मौका मिला हम यहां लिखेंगे लिखने दो कोई बात नहीं इनके घर पे जो है इनको कभी बाहर घूमने जाते हैं तो फ्रंट सीट पे नहीं बिठाते ठीक है तो ये थोड़े डर जाते हैं कि मुझे फ्रंट सीट पे क्यों नहीं बिठाया ठीक है और ए वाले कमरे में इनको नहीं सुलाते मम्मी इनसे कभी पूछकर फेवरेट सब्जी नहीं बनाती ठीक है तो ऐसे कर करके छोटी छोटी बातों से थोड़ा सा क्या है गुस्सा अंदर इकट्ठा हो गया इनके इनको पता चला यहां लिखेंगे कोई कुछ कहेगा नहीं तो लिख देते हैं बोले ठीक है तो यू कोई बात नहीं घबराओ नहीं इनको लिखने दो आप लोग जो पढ़ने वाले हैं आप लोग जो पढ़ने वाले हैं इसका जवाब बताओ बहुत सारे लोगों ने आंसर लिख दिया है ऑप्शन ए ऑप्शन ए, ए तो सर ये बिल्कुल एक बार बताओ चंद सेकंडों का सवाल है या नहीं जी बिल्कुल है सर कैसे करना है जरा बताना कैसे करना है लो भैया ऐसे फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू बराबर जीरो सर, दी गई जानकारी के हिसाब से आपने बोला था अब हमें समझ में आ गया है आप पीछे हट जाओ अब हम बताएंगे क्या बताओगे भैया की की जगह है, n, X की जगह वन एक कम करते हुए चलो आपने यही बताया तो लो भैया ठीक है ना फिर आपने बोला सर कोई सी भी एन की वैल्यू पुट कर दो एक बार बताओ ऑप्शन देख के क्या आपको यह समझ में आ रहा है उसने एन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या रखी है मतलब एन क्या रखा होगा सर कम वाला तो ठीक है सबसे बड़ा उसने एन रखा होगा सिक्स अगर मैं इसमें एन की वैल्यू सिक्स रख दू तो दिस इज फाइव एस सिक्स प्लस सिक्स एस फाइव माइनस टू एस फोर बरोबर जीरो ठीक है जी और अगर इस टर्म को इस तरफ ले आऊं ठीक है ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ना ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ये वाली इसको इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा सर ये प्लस का हो जाएगा बहुत बढ़िया तो दिस इज इक्विज टू तो टू एस फोर थर्टी सेकंड का काम था सर ये और आपको कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या हाँ जी ये रहा बहुत आसान है बोलिए या है इज दिस इजी और नॉट जल्दी 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 कमेंट के अंदर बताइए वेरी इजी सर वेरी इजी वेरी इजी बहुत सही ठीक है अब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं आंसर कोई बोल रहा है सिक्स अच्छा एन की वैल्यू बोल रहे हैं कि सिक्स आप थोड़ा लेट चल रहे हो सर दिस इज माई फर्स्ट क्लास एंड आई एम इन लव विद योर टीचिंग थैंक यू सर आप जान के वही कमेंट पढ़ रहे हो जिसमें आपकी तारीफ की गई है भैया आंसर और तारीफ दो ही कमेंट चल रहे हैं <laughs> मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ठीक है एक और सवाल करेंगे अभी थोड़ी देर में न्यूटन फॉर्मूला का ही बट उससे पहले एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन पर यह लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सर ये क्या है फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटिक इक्वेशन अब तक सर हम ये काम करते आए थे

इसीलिए बोला जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक व्हेन रूट्स इज गिवन व्हेन रूट्स आर गिवन ठीक है जब रूट दे रखे हों तो क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं वो देखो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है उसमें वैल्यू पुट करनी होती है लो भैया आप क्या करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये वाला इसमें लाकर वैल्यू पटक दो किस किस की वैल्यू पटकनी है हेलो हेलो नजरे स्क्रीन पर इधर उधर देखने की तो कोई जरूरत है ही नहीं ठीक है सर यहां पे लिखना होता है एस यहां पर लिखना होता है पी सर एक बार बता दो जरा वैसे तो हमें समझ में आ गया इतना हम समझते हैं सर एस क्या होता है सम ऑफ द रूट्स पी क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चलिए आपको अब थोड़ा सा टीचर बना देते हैं टीचर कैसे सर <laughs> क्या आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो रूट्स किसी अपने दोस्त को देने हो तो क्वाड्रेटिक इसके रूट्स वो निकाल पाएगा कि नहीं हाँ सर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको ये वाली क्वाड्रेटिक बनाने के लिए बोलूं फॉर्म ए क्वाड्रेटिक फॉर्म ए क्वाड्रेटिक एक ऐसी क्वाड्रेटिक हिंदी में इसको दुई घात समीकरण बोलते हैं ऐसी दुई घात समीकरण बनाए रूट्स आर चलो आसान वाला थ्री एंड फोर बाई थ्री है सर ये काहे का आसान है ये तो बड़ा मुश्किल है आप सिंपल सिंपल देते ना थ्री और फाइव नाइन और टेन ऐसा कुछ तो वो तुम खुद बना सकते हो अगर ये किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हो तो वो क्वाड्रेटिक कैसी दिखाई देगी सर इसको फिल करने के लिए आपने दो चीजें बताई एक सम और एक प्रोडक्ट क्या आप मुझे फटाफट सम बता सकते हो क्या जी बिल्कुल सर इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं सम क्या हो जाएगा सर दोनों का जोड़ दोनों का जोड़ ये इधर गया कितना आ गया भैया नाइन प्लस फोर थर्टीन अपॉन थ्री मेरे ख्याल से बात समझ में आती है सर पी का मतलब क्या है प्रोडक्ट जो दोनों रूट्स है उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन सर वो आएगा फोर थ्री इंटू फोर बाई थ्री इज फोर तो हेंस जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी जरा देखना सामने जल्दी 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 एक्स स्क्वायर माइनस सर सम की जगह थर्टीन अपॉन थ्री सर ये माइनस क्यों लगाया बाय डिफॉल्ट माइनस साइन पहले से होता है वहां याद रखिएगा प्लीज ठीक है तो माइनस साइन पहले से है सर हमने तो कुछ नहीं चेंज किया हमने सिर्फ एस की जगह थर्टीन अपॉन थ्री रख दिया और प्रोडक्ट की जगह फोर रख दिया ठीक है सर इसको थोड़ी सी साफ सुथरी बना लेते हैं एलसीएम ले दो तो आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर थर्टीन एक्स इधर जाएगा थ्री और इधर जाएगा थ्री तो ये हो जाएगा ट्वेल्व ठीक है ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट थ्री और दूसरा फोर अपॉन थ्री है मेरे ख्याल से बात समझ में आती है बहुत सही बहुत सही सर आप कमेंट की तरफ देख नहीं रहे हो बच्चे जमा जम कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड मजे आ रहे हैं कमेंट देख के तुम लोग क्या आपको अगर रूट्स दिए जाएं तो आप क्या क्वाड्रेटिक बना सकते हो हाँ सर रूट्स देगा क्या थोड़ी देर बाद में जब हम और नॉलेज ले लेंगे तो वो रूट्स के बारे में कोई ना कोई जानकारी देगा वहां से हम रूट्स निकालेंगे रूट से क्वाड्रेटिक निकालेंगे क्या आप इतनी बात पे एग्री करते हो और अगर एग्री करते हो तो थम्स भेज भेजना 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 जल्दी, जल्दी 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 अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं नाम भी थोड़े बता देता हूं नितिन राहुल वंशिका लड्डू गोपाल <laughs> बहुत सही नाम है अभय कुमार ठीक है चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन फास्ट <laughs> लोग फास्ट दे देते हैं एक्सप्लेनेशन फिर तुम इधर उधर देखोगे <laughs> सर ये क्या हो गया इतनी तेज काहे चल पड़े <laughs> बहुत सही बहुत सही तन्मय कोलकाता <laughs> संचित जोशी अंकित राज ध्रुव जोशी ये हाँ ये वाला भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है जो भी आपको अच्छा लगे वो भेजो अंगूठे टूटे हुए नहीं होने चाहिए ढोलकपुर <laughs> अभी तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं भाई ठीक है अब आप स्क्रीन पे द्याएं, आ, द्याएं, ध्यान 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 दें और ये लो भैया एकदम ताजा ताजा अभी अभी बना के भेजा है जेई वालों ने लॉकडाउन लगने से पहले फ़रवरी में ये सवाल पूछा गया था इसी साल 2021 में और ये है सवाल <laughs> इसी साल ये है सवाल सर वैसे तो आप अलग से सुनाओगे नहीं बीच बीच में इसी से ही काम चला लेंगे हम ठीक है भैया एक बार पढ़ लो जो भी समझ में आ रहा है उस हिसाब से रिएक्ट करो और फिर मुझे जवाब बताओ जल्दी प्लीज इंटीजर टाइप सवाल था तभी उसने बोला है, Then PN square is. मतलब कि यहां पर कितना आएगा ये आपको बताना है ठीक है आई होप सभी लोग देख पा रहे हैं बहुत सही बहुत सही प्रयास चौधरी कुछ लोग हंस भी रहे हैं बहुत बढ़िया हंसने के साथ साथ कुछ सीखे भी जाइएगा प्लीज ठीक है हाँ मम्मी को बोल दो अभी ब्रेक में टाइम है चाय की आवाज मार दी जाएगी कि भैया आप चाय बना दो या फिर बॉर्नविटा वाला दूध पीना है हमें चलो जल्दी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो मैं पढ़ के बता देता हूं बिकॉज देखो इस सवाल का आप थोड़ा सा बोल सकते हो अपीरियंस जो है वो टाइप है आपको देखते ही सवाल में क्या पूछा गया थोड़ा कंफ्यूज करेगा सर ये रंग बिरंगे लोग यहाँ बीटा उनका सम प्रोडक्ट बताया है तो देखो ध्यान से सुनो ऐसा पढ़ना स्टार्ट किया अल्फा एंड बीटा आर द टू रियल नंबर्स उन दोनों का सम दे रखा है और उन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है फटाफट ये जानकारी मैंने अलग से लिख ली देखना जरा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट वन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस वन कोई परेशानी ठीक है सर क्योंकि उसने बोला आर द टू रियल नंबर रूट वूट्स की बात उसने नहीं की ठीक है बट जब मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा तो मुझे अल्फा की पावर एन मतलब वो बोल रहा है स्मॉल पी इस्तेमाल किया सर, ऐसे वो पी एस ए कुछ भी यूज कर सकता है जी बिल्कुल और उसने यहां पर जैसा आपने अभी हमें ऑब्जर्व करना सिखाया एक रूट की पावर एन प्लस दूसरे रूट की भी पावर एन दिखी यह देखते ही तुरंत दिमाग में क्या चमकना चाहिए कौन सी चीज सर न्यूटन्स फॉर्मूला चमकना चाहिए आपने हमें यही बताया था थोड़ी देर पहले कि जहां पर यह लिखा हुआ दिखे वहां पर न्यूटन्स फॉर्मूला की बात आप करोगे परंतु सर न्यूटन्स फॉर्मूला में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो जो सवाल उसने नहीं पूछा बट उसका यूज हो रहा है इसमें क्या आप मुझे वो वाली क्वाड्रेटिक बता सकते हो quadratic जिसके अल्फा एंड बीटा है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है बता सकते हो क्या हां सर बहुत आसान है दोनों ने खुद ही मतलब दोनों ने नहीं सवाल बनाने ने खुद ही बता दिया कि एस क्या है और पी क्या है सामने देखना जरा एक्स स्क्वायर माइनस सर यहां पर आता है सम ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स क्या है वन और यहां पर क्या आता है sir? Product of the roots. वो कितना है माइनस वन ठीक है तो अगर मैं आपको बोलूं कि वो क्वाड्रेटिक जो हमें देना चाह रहा है वो ये वाली है ठीक है और सर जब आपने ये वाली चीज एक्सप्लेन की तो आपने कहीं पर भी अब तक के किसी भी सवाल में अल्फा और बीटा सेपरेटली कैलकुलेट नहीं किया है यह ध्यान देने वाली बात है और सीखने वाली बात है ध्यान रखना ठीक है ना अब तुम मुझे एक हो गया सर उसने कुछ जानकारी दे रखी है एक वो इस्तेमाल कर रहा है पीएन एक पीएन माइनस वन और एक पीएन प्लस वन ठीक है कौन कौन से यूज कर रहा है जरा बताना सर एक तो पीएन एक एन प्लस वन तो वो इससे ज्यादा होता है क्या हाँ, सर मतलब ऊपर कैटेगरी में और सर फिर एक एन माइनस वन तो सबसे बड़े वाला ये है उससे छोटा ये ये और फिर उससे छोटा अब अगर मैं इस पे आपको formula, जो न्यूटन भैया ने हमें फॉर्मूला दिया वो लगाने के लिए बोलू तो लगा सकते हो क्या हाँ सर लगा सकते हैं बस आप थोड़ा चिल्लाइए कम लो भैया एक बार बताओ एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा कुछ लोग बोलेंगे PN. वो गड़बड़ वाली बात है यार ठीक है x स्क्वायर की जगह pn नहीं आपने बोला था सबसे बड़े वाला तो सबसे बड़ा लोअर सफिक्स किसका है <laughs> बड़े वाला उस पे मत जाओ यहां पे आ जाओ लोअर सफिक्स सबसे बड़ा किसका है सर n+1 तो x स्क्वायर की जगह किस पे आ जाओ किसको रखोगे सर pn+1 को माइनस x की जगह किसको रखोगे सर pn को और जो कांस्टेंट टर्म है minus -1 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन आएगा pn-1 आएगा कोई परेशानी है क्या नो सर कोई परेशानी नहीं है ठीक है ना भैया ने हमें कुछ जानकारी दे रखी है वो जानकारी फिल कर देते हैं कौन कौन सी जानकारी दे रखी है सर इसकी वैल्यू भैया भैया लेके आए हैं कौन से भाईया? जिन्होंने सवाल बनाया है और पीएन माइनस वन की वैल्यू इलेवन बोल रहा है और वो पीएन का स्क्वायर पूछ रहा है <laughs> सर ये तो निहायती फर्जी टाइप का सवाल है फर्जी नहीं बोलते होते बेटा सवाल को ठीक है नहीं बोलेंगे सर पी एन को इस तरफ ले आया यहां पर क्या बचा ट्वेंटी नाइन माइनस इलेवन तो एक बार बताओ यार पी एन है कितना uh, 18. सर 18 है पीएन तो पीएन का स्क्वायर क्या हो जाएगा पीएन का स्क्वायर थोड़ी सी मदद कीजिएगा मेरे को एटीन का स्क्वायर नहीं पता है जल्दी से कैलकुलेट करके बताना एटीन का स्क्वायर कितना है 18 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से मैं तुम्हारे कमेंट की बात कर रहा हूं कुछ लोग बोल रहे हैं 18 का स्क्वायर इतना ज्यादा भी सीखने की जरूरत नहीं है ठीक है एटी या फिर 40 का स्क्वायर थोड़ी पूछ रहा हूं जो तुम 1600 पे कूद रहे हो 18 का स्क्वायर पूछ रहा हूं जल्दी से कमेंट करो जल्दी जल्दी 25 ये कौन है 25 कुछ लोग लिख रहे हैं सर मजे आ रहे हैं मजे तो आ रहे हैं वो ठीक है आंसर आ रहा है कि नहीं <laughs> क्योंकि वहां पे जाके ये थोड़ी लिख के आओगे आई के पेपर में कि सर हमें तो मजे आ रहे थे आंसर हमारा कभी नहीं आया फटाफट बताओ जल्दी 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 पीएन प्लस वन होगा कोई पूछ रहा है तो बेटा मैंने एक्सक्वायर की जगह पीएन प्लस वन ही लिखा है थोड़ा इधर खड़ा होकर देखता हूं अभी भी वो पीएन प्लस वन ही दिख रहा है सही लिखा है हां जी जल्दी बता दो सर थ्री ट्वेंटी फोर आ गया ठीक है और थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा घर पे बिना कैलकुलेटर के तो फाइनल आंसर इज 324 बिकॉज इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा पी का स्क्वायर विल बी 324 आसान बहुत आसान और इसमें दो चीजें लगी पहले हमने क्वाड्रेटिक बनाई फिर हमने न्यूटन फॉर्मूला लगाया समझ में आता है कि नहीं आता है? जल्दी से थम्सअप वाले भेज दीजिए सर भेज दिए हमने बहुत सारे

थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव पार्ट है कुछ लोग बोल रहे हैं सर प्रूफ ऑफ फॉर्मूला आपने स्किप कर दिया बातों ही बातों में चलाक बनने की कोशिश कर रहे हो बच्चों के सामने और वो भी इतने सारे लियो भैया नहीं बनेंगे सर बच के नहीं जाने देंगे आप बोल तो रहे थे ठीक है जितना हमें पढ़ाया जा रहा है सर वो आपने शायद चुपके चुपके मूवी देखी होगी उसमें राजपाल यादव का एक डायलॉग आता है वो डायलॉग मुझे तुम्हारे कमेंट्स देख के समझ में आने लगा उसमें वो बोलता है ना वो पूछता है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं वो बोलता है कि इतने सारे बहुत सारे तो फिर वो बोलता है कि सर इसको आप घर क्यों बोलते हो इसको जिला क्यों नहीं घोषित कर देते सेम आप लोगों की फीलिंग भी यही होगी सर हमारी फीलिंग भी आप ही बता दे रहे हो जी बिल्कुल क्या सर आप इसको क्रैश कोर्स क्यों बोल रहे हो इसको आप फुल कोर्स क्यों नहीं घोषित कर देते इतना तो हमें रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता सर फिर खुद की तारीफ जी लो भैया आ जाओ

तो वापस उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं हां बिल्कुल करेगा अगर आपने बोला अल्फा इसका रूट है तो अल्फा विल सेटिस्फाई अल्फा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा को उठाकर इसमें रखो और ये बताओ ये कैसा दिखाई देगा सर ये दिखाई देगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी कैन से सर बीटा भी रूट है इसका तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर जीरो ठीक है ऑब्वियसली ये जो बात मैंने लिखी है दिस इज प्योर कॉमन सेंस ठीक है अगर आप बोलते हो कि ये दोनों इसके रूट्स हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं हाँ सर आप ऐसे उत्तेजित मत हो ठीक है भैया नहीं होते हैं नाउ जो प्रूफ में या फिर जो मैं कहानी यूज कर रहा था उसमें मैंने x स्क्वायर की जगह क्या रखा आपने सर an रखा तो लो भैया ए एन का क्या मतलब है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन फिर बी के साथ मल्टीप्लीकेशन में एक्स की जगह आपने क्या रखा ए एन माइनस वन सर ए एन माइनस वन कैसे निकालें सर मत खुजाओ यहां पे समझ में आ जाएगा ए एन माइनस वन कैसे निकालें सर जहां जहां पे आपको एन दिखाई दे रहा है वहां पर एन माइनस रख दो तो दिस इज ए एन माइनस टर्म के साथ किसको रखा था ए एन तो वो हो जाएगा ये मैंने इसी चीज को तो बोला था कि ये सही लिखा हुआ है बोलो है हाँ ना हा सर ये वाला है ए एन माइनस टू ये वाला है ए एन माइनस वन और ये वाला है ए अब प्रूफ मांगा है तो थोड़ी सी तो बोरियत झेलनी पड़ेगी ठीक है आई होप मेरी बात समझ में आ रही है चलिए ना सर अब इसको कैसे प्रूफ करें मतलब वो चाहता है कि ये वाली चीज हमेशा जीरो होगी अब इसको मैं लेफ्ट साइड को दिखा देता हूं कि ये जीरो कैसे है इन दोनों टर्म्स को एक साथ क्लब करो इन दोनों टर्म्स को एक साथ क्लब करो और इन दोनों टर्म्स को एक साथ क्लब करो ये लिखा हुआ है ए अल्फा की पावर एन अंदर भेजकर ये लिखा यहां पर सर यहां से आएगा बी अल्फा की पावर एन माइनस वन और यहां से आएगा सी अल्फा की पावर एन माइनस टू ये सारी टर्म्स एक साथ आ गई सर ये जो ए है ये यहां भी जाएगा ये बी यहां भी जाएगा और ये सी यहां भी जाएगा ठीक है आगे से मत पूछिएगा कोई भी प्रूफ ए इंटू बीटा की पावर एन वहां से इससे क्या आएगा बी इंटू बीटा की पावर एन माइनस वन और सी इंटू बीटा की पावर एन माइनस टू ठीक है यहां पर बराबर जीरो नहीं लिख रहा हूं बिकॉज वो तो प्रूव करना है ना फटाफट देखिएगा जवाब आ चुका है इनमें से कोई अल्फा की पावर कॉमन आ रही है क्या हाँ सर अल्फा की पावर एन माइनस टू कॉमन निकालो पीछे बचेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी खुद सोचिएगा कि पीछे यही क्यों बचा वापिस अंदर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो बात समझ में आएगी नजरें स्क्रीन पर रखिएगा बेटा इधर उधर ध्यान दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बीटा की पावर एन माइनस टू सर पीछे बचेगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी ठीक है नाउ ऊपर बताई गई जानकारी के हिसाब से सर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो है और ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो है ये हुआ तो इस पूरे की वैल्यू जीरो इस पूरे की वैल्यू जीरो

कहानी भी कंप्लीट करनी है ठीक है और वैसे भी सर पिछले लेक्चर्स का ड्यूरेशन देखकर हम कम से कम चार या पांच घंटे के लिए तो मन में सोच के बैठे हैं ब्रेक मिलेगा घबराइए नहीं पर अभी हम पढ़ रहे हैं ना अगली जो चीज है वो क्या है सर नेचर ऑफ द रूट्स कुछ लोग बोल रहे हैं सर प्लीज ब्रेक <laughs> अरे रुक जा भाई रुको तसल्ली से रुको अभी तुम भी कहीं नहीं जा रहे हो मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं यहीं बैठे आराम से ब्रेक भी मिलेगा ठीक है खाने को भी कुछ मिलेगा वो मम्मी से ठीक है मेरे से तो मत एक्सपेक्ट कीजिएगा ठीक है दिस नेचर ऑफ के बारे में जानकारी किस किस के रिस्पेक्ट में <laughs> कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो कि बाद में काम आती हैं इंफॉर्मेशन नंबर वन ठीक है ध्यान सुनिएगा प्लीज और इन्फोर्मे इन्फॉर्मेटिव पार्ट है ध्यान रखना आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक ये वाली है स्टैंडर्ड वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हेलो हेलो नजरे स्क्रीन पर ऑब्वियसली सर अगर आप इसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हो तो ए जीरो नहीं होना चाहिए साथ साथ में बस इतना बहुत है साथ साथ में और कुछ नहीं इतना बहुत है ना पहली इंफॉर्मेशन जो निकल के आती है विद रिस्पेक्ट टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी डी के रिस्पेक्ट में कुछ बातें बताई जाएंगी सर ये डी कौन सा है मेरे ख्याल से आप सभी लोग स्क्रीन पे ही देख रहे हैं सर डी वही डी स्क् माइनस फोर ए सी और जब आपने रूट निकाले थे तो ये डी रूट के अंदर बैठा था ठीक है ये जो है ये डी रूट के अंदर बैठा था ठीक है बहुत सही ना सर इसमें क्या बोला जाता है ध्यान सुनना और ऐसे ही आपको याद रखना है अगर डी आता है पॉजिटिव ठीक है डी आता है पॉजिटिव एंड ए बी एंड सी आर रियल चलो एक काम कर रहा हूं यहीं पर ही लिख दे रहा हूं एक और कंडीशन ए बी और सी वो जो है बिलोंग्स टू आर आर मतलब सर सारे के सारे रियल नंबर्स हैं ध्यान सुनिएगा सर रियल नंबर्स क्यों बिकॉज कुछ इक्वेशंस ऐसी भी बनती हैं जिसमें ए बी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो आयोटा वायोटा आ जाए तो अभी वहां नहीं जा रहे हैं और वो हमें अभी सोचना भी नहीं है बिकॉज अगला ही चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा की बातें करने के लिए गणित में पूरा एक निर्धारित स्थान है फिक्स प्लेस दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर वहां करेंगे ठीक है अभी हम ये बोल रहे हैं एबीसी बिलोंग्स टू आर एबीसी जो है वो क्या है आर चलो ये समझ में आया सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। इसके बाद में अगर आपको पता चले d इज पॉजिटिव मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर positive है root के अंदर लिखी हुई चीज पॉजिटिव है तो आप बोलोगे रूट एंड रूट एंड मतलब उनकी वैल्यू भी आएगी और वो दोनों अलग अलग भी होंगे ठीक है अगर आपको डी पॉजिटिव दिखाई देता है तो ठीक है दूसरी जानकारी अगर मान लो डी की वैल्यू आ जाए जीरो तो फिर आप क्या बोलोगे सर फिर हम ये बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल ठीक है मैं ये भी बताऊंगा कि ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं बट फटाफट पहले तीनों केस लिख लेते हैं सर अगला केस जो है मान लो डी की वैल्यू कभी आ जाए नेगेटिव ठीक है डी की वैल्यू आ जाए नेगेटिव तो आप बोलोगे रूट्स आर इमेजिनरी कैसे रूट्स हैं इमेजिनरी रूट्स हैं ठीक है इसी बात को ऐसे भी लिखते हैं रूट्स आर नॉन रियल नॉन रियल मतलब कि सर उनमें मतलब तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही उनमें आपको आयोटा दिखाई देगा ठीक है इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हो गिवन क्वाड्रेटिक एज नॉन फैक्ट्राइजेबल क्वाड्रेटिक एज नॉन फैक्ट्राइजेबल ठीक है ये तीन केसेज लिखे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी अगर आपको कोई क्वाडिटी दिखाई दे ध्यान सुनना मेरी बात अगर आपको कोई क्वारिटी दिखाई दे जिसके सारे कोफिशंट रियल होने चाहिए उसके बाद में आप उसका डी कैलकुलेट करो डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर डी आता है पॉजिटिव तो रूट्स आर रियल एंड रूटलंट दोनों अलग अलग रूट्स मिलेंगे आपको एक रूट अलग होगा दूसरा उससे दिखने में अलग होगा फिर सर अगर डी आ जाता है जीरो तो दोनों रूट्स होंगे इक्वल ठीक है दोनों रूट्स क्या होंगे रियल एंड इक्वल और अगर मान लो सर डी नेगेटिव आ जाए तो हम बोलेंगे रूट जो है वो इमेजिनरी है मतलब जो वैल्यू निकल रही है वो इमेजिनरी है उसमें आयोटा आएगा नॉन रियल रूट्स भी बोल बोल सकते सकते हो हो या फिर आप बोल सकते हो, जो आपने क्वालिटी दी है वो नॉन है है इन टर्म्स ऑफ रियल फैक्टर्स जो आपने दी है, वो क्या है वो इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम रियल में फैक्टराइज नहीं कर सकते ठीक है ये हुआ विद रिस्पेक्ट टू डी एक और जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं जल्दी से स्क्रीन पे देखना फिर हम सवालों पे चलेंगे बिकॉज सर इंफॉर्मेटिव पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लगता है हमें चलो इफ ये वाली बात इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इफ कोफिशंट इफ कोफिशंट्स आर रैशनल कोफिशियंट्स आर रैशनल ये वाली बात इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कोफिशियंट आर रैशनल मतलब सर ये बात तो आपने इंग्लिश में लिख दी इसको हिंदी में या फिर गणित की लैंग्वेज में वो ऐसा लिखेगा ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू क्यू किसका सिंबल होता है बेटा रैशनल रैशनल नंबर्स का सिंबल होता है rational मतलब रूट वाले वो जो होते हैं ना हो हो गया e हो गया ई इेशनल उनको छोड़कर रैशनल रूट रैशनल कोफिशियंट हो रैशनल कोफिशियंट मतलब पी अपॉन क्यू पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए क्यू नॉन जीरो होना चाहिए सेवन अपॉन फाइव इलेवन अपॉन एट फाइव अपॉन वन वन अपॉन फाइव ये सब रैशनल में आते हैं ठीक है इफ कोफिश आर रैशनल एंड इसके बाद में देखना जरा एंड के साथ ये साथ साथ होने के साथ साथ डी जो है वो जीरो से बड़ा हो देन ठीक है डी जो है वो पॉजिटिव हो ठीक है और पॉजिटिव होने के साथ साथ डी इज पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर उसके साथ साथ भी क्या हो सर पॉजिटिव तो हो परंतु परफेक्ट स्क्वायर ना हो इतनी सारी बातें होने के बाद में यू कैन से जो जिस भी क्वाड्रेटिक में यह चीज सेटिस्फाई हो रही होगी आप बोलोगे बोथ रूट्स आर इेशनल ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड सर यह बात अब हमारे ऊपर से जानी स्टार्ट हो गई अभी समझाता हूं बोथ रूट्स आर इन एंड इसके आगे की जानकारी इन रूट्स रेशनल रूट एग्जिस्ट इन पेयर ठीक है जो इन रेशनल रूट है वो किसमें एग्जिस्ट करते हैं पेयर में क्या मतलब है सामने देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा अगर एक रूट ऐसा हुआ p प्लस रूट क्यू टाइप का देन अदर रूट जो होगा 100 परसेंट वो p माइनस रूट क्यू टाइप का होगा ठीक है पूरी बात ध्यान से पढ़ो बिकॉज इसमें बहुत सारी कंडीशन इंक्लूडेड हैं ठीक है इसमें बहुत सारी कंडीशन इंक्लूडेड है ठीक है क्या बोला सर आपने एक क्वांटिटी को जिसके सारे को रेशनल कौन से होते हैं जिनकी वैल्यू डेसिमल के बाद में या तो रिपीटिंग हो या टर्मिनेट हो जाए वो वाले ठीक है सारे रैशनल हो डी पॉजिटिव होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए उसके बाद में आप बोलोगे कि रूट्स आएंगे इरेशनल और अगर इरेशनल रूट्स हैं तो वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं एक रूट अगर ऐसा है तो दूसरा रूट ऐसा होगा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर होती हैं। आप हमें फटाफट एग्जाम्पल बता दो लो भैया। मैंने बोला एक्स स्क्स थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो ठीक है पहली चीज क्या इसके सारे कोफिशंट आपको रैशनल दिखाई दे रहे हैं हाँ सर सारे कोफिशियंट जो हैं वो रेशनल हैं ठीक है बहुत बढ़िया मतलब ए बी और सी की वैल्यू हाँ सर और फिर सर उसके बाद में क्या था ये वाली बात क्लियर होगी उसके बाद में डी पॉजिटिव होना चाहिए तो एक बार बताना सर इसका डी कितना आएगा डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर माइनस फोर ए इज वन सी इज माइनस फोर नौ प्लस सोलह ठीक है जी आई होप मैं ठीक कर रहा हूं और नौ और सोलह कितना आ गया सर ये आ गया पच्चीस ठीक है अच्छा तो सर ये आ गए 25 एक और चीज सर ये जो 25 है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है तो यहां तक तो कहानी ठीक थी आपने बोला नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए ठीक है तो थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज है ये वाली बात समझाने के लिए एग्जाम्पल आप बोल सकते हो थोड़ा सा आपने गड़बड़ ले लिया सर ये लो फोर की जगह कुछ और कर देते हैं सर क्यों चेंज किया मैं लॉजिक भी बता रहा हूं ध्यान सुनना क्योंकि वो जो आंसर आ रहा था ना डी की वैल्यू वो परफेक्ट स्क्वायर आ जा रही है यह बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए ठीक है सर अब बताओ फिर डी कितना आएगा जल्दी से स्क्रीन पर देखकर थोड़ा सा सर बोरिंग है वी कैन अंडरस्टैंड बट इससे सवाल उठते हैं भैया जिनको यह जानकारी होती है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे अटैक कर सकते हैं अभी बताता हूं कौन सा सवाल अब मैंने डी फिर से निकाला बी स्क्वायर माइनस फोर ए इज अगेन वन सी है माइनस सेवन सर ये हो गया कितना नाइन और ये हो गया ट्वेंटी एट ना नाइन प्लस ट्वेंटी एट जल्दी से बताना जरा कितना होता है थर्टी सिक्स तो नहीं हो जाता ना कहीं कहीं सर फिर गड़बड़ हो जाती ठीक है तो दिस इज थर्टी सेवन ये बात समझ में आती है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है सर ये पॉजिटिव तो है बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये सारी चीजें होने के बाद में अब यहां देखो क्या बोला गया है इसके रूट पहली चीज इेशनल आएंगे ठीक है मतलब इसके रूट जो है वो सारे कैसे आएंगे इशनल और सर अगर एक रूट ऐसा होगा तो दूसरा रूट ऐसा होगा और आप ये बात कैसे चेक कर सकते हो <laughs> सर हमारे पास और क्या इलाज है श्री धरा चाह रही है ले देखे तो लो भैया क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट अंडर यहां क्या लिखते हो सर डी वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है ये लो तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है सर दिखाई दे रहा है और ये रहा ठीक है एक रूट जिसमें रूट वाले साइन के आगे पॉजिटिव साइन है तो दूसरे वाला जो सॉल्यूशन है उसमें रूट के आगे नेगेटिव साइन है दोनों ही रूट्स इरेशनल हैं और एक में पॉजिटिव साइन आएगा रूट के बाहर एक में रूट के बाहर नेगेटिव साइन आएगा इनको आप बोल सकते हो ये पेयर में आते हैं समझ गए कि नहीं समझे ये कब आते हैं पेयर में तो सर इस जानकारी को लगाना कब है वो समझा दो थोड़ा सा ज्यादा होगी ये ये जानकारी। ये इतनी जानकारी इतनी को लगाना कब है अगर आपको कभी बोला जाए ध्यान ठीक है अगर आपको बोला जाए कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाओ लो एग्जाम्पल देखो फटाफट ठीक है ये जेई में पुराने टाइम पे पूछा हुआ सवाल है जेई मेंस में फॉर्म ए क्वाड्रेटिक फॉर्म ए quadratic विद रैशनल कोफिशियंट्स विद रैशनल कोफिशियंट्स सामने देखना जरा ये सवाल है आपके लिए और मेरे ख्याल से आप सभी लोग सॉल्व कर सके हैं कर सकते हैं फॉर्म ए क्वाडेटिक विद रैशनल कोफिशियंट हुन रूट इज हुई ठीक है ये सवाल है सवाल और इस सवाल से आपको तो क्वाड्रेटिक बनानी है सर आपने तो हमें बताया था सर आपने तो बताया था हां बेटा ब्रेक जरूर लेंगे इसके बाद में ब्रेक चाहिए आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा वेट कीजिए पहले यह सवाल समझ लेते हैं फिर ब्रेक लेंगे घबराइए नहीं ब्रेक बहुत जरूरी है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट <laughs> सर वो तो दो मिनट का होता है घबराइए नहीं अपने थोड़ा सा लंबा ब्रेक लेंगे पांच बार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ठीक है लगातार दैट मीन दस मिनट का ब्रेक बता रहे हो आप हाँ सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते फिर या देखो आपको एक एक क्वाड्रेटिक बनानी है है जिसमें रैशनल हो और उसका एक रूट ये ये हो सर ये तो चीटिंग है। थोड़ी देर पहले आपने बोला था अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक बनानी हो तो उसमें दो रूट्स आपको देगा उसका हम सम निकाल लेंगे फटाफट और प्रोडक्ट निकाल लेंगे ठीक है जी उसमें हम क्या निकाल लेंगे सम निकाल लेंगे और प्रोडक्ट निकाल लेंगे रूट बना देंगे मतलब क्वाड्रेटिक बना देंगे सर यहां तो एक ही रूट दिया है दूसरा रूट कैसे बनाएं? तो भैया अब जो पिछले पेज पे जानकारी बताई उसको इस्तेमाल करने का टाइम सर उस क्वालिटी के सारे कोफिशंट रैशनल होनी चाहिए ये लिखा हुआ है बात अगर सारे कोफिशियंट रेशनल हैं और एक रूट ऐसा आया है तो कॉमन सेंस क्या बोलता है इसको देखकर अब ये वाली जो ग्रीन कलर से बात लिख रहा हूं ये हमारे मन में आई देन अगर एक रूट ये है और रैशनल कोफिशंट हैं देन अदर रूट विल बी सर में एग्जिस्ट करेगा आपने बोला था रूट वाले के आगे अगर एक जगह प्लस साइन लगा हो तो दूसरी जगह माइनस साइन लगा दीजिएगा तो बहुत आसान होगी कहानी ये जो आपने आधी इंफॉर्मेशन दी थी इनफैक्ट आधी नहीं है पूरी ही है एक रूट दिया दूसरा हमने खुद निकाल दिया कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए या फिर पिछली बात को यूज करते हुए तो लो सर ऐसा करते हैं कैसा करते हैं ऐसा ठीक है भैया एक बार बताओ यहां क्या लिखा जाता है इसकी जगह है। सर सम ऑफ द समूट तो बता सकते हो सम कितना आएगा इन दोनों का सम हा सर बहुत आसान है दोनों को अगर जोड़ोगे रूट फाइव रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा टू प्लस टू फोर आएगा अगर मैं आपसे पूछू कि इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा hearing hearing सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए का स्क्वायर ए है टू टू का स्क्वायर फोर 5 का 5 का स्क्वायर, स्क्वायर होता है 5. तो 4 5 कितना आ गया? 1. <laughs> कुछ लोग बोलेंगे सर क्या कर रहे हो आप समझ नहीं माइनस वन एंड फाइनली यू कैन ये वाली ये वो क्वाड्रेटिक रेशनल कोफिशिएंट्स हैं और इसका एक रूट टू प्लस रूट फाइव है इसका एक रूट क्या है बेटा टू प्लस रूट फाइव मेरे ख्याल से आई बिलीव मेरी बात समझ में आती है कुछ लोग बोल रहे हैं सर ब्रेक 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 ठीक है किटकेट ब्रेक ले ही लेते हैं ठीक है जी फटाफट ब्रेक ले, ले लेते हैं फिर वापस से आ जाएंगे एक बार और सवालों को सॉल्व करने और क्वाड्रेटिक की कहानी आगे बताने ठीक है क्वाड्रेटिक में अभी सर हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं मैं बता दूं ठीक है ताकि जो लोग गायब होने वाले हैं वो रुक जाइएगा प्लीज हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं फिर सर और क्या पढ़ेंगे ग्राफ के बाद में फिर लोकेशन ऑफ रूट्स आएगा वेवी कर्व मेथड आने वाला है फिर क्यूबिक इक्वेशन पे भी जाएंगे और फाइनली कुछ छोटे छोटे सवाल भी और करेंगे ठीक है जी जरूर हम मिलने वाले हैं जल्दी से नाउ लो भाई ये एक और थोड़ी दिन पहले मैंने एक जादू सीखा है कि इसमें टाइमर भी लग जाता है लो भैया ठीक है दस मिनट का ब्रेक मेरे ख्याल से बहुत होगा दस मिनट का ब्रेक जो है वो मेरे ख्याल से बहुत होगा ठीक है जी चलो रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है और नीचे मैं लिख देता हूं ब्रेक टाइमिंग नीचे क्या लिख दे रहा हूं अच्छा अभी कुछ लिखा नहीं जाएगा ठीक है जी जैसे ही ये जीरो जीरो हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा आप भी हल्के भारी हो सकते हो जिनको हल्का होना है हल्का हो लीजिएगा जिनको कुछ खा पी के और भारी होना है वो भारी हो जाइएगा ठीक है आई बिलीव तब तक के लिए बहुत है आई होप मेरी आवाज आ रही होगी जल्दी से कमेंट करके बताइए प्लीज सर प्लीज कमेंट करके बताइए क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं क्या जल्दी से अब ये हटेगा कैसे यहां से हट जाएगा चलिए जी आई होप मेरी आवाज आ रही होगी फटाफट कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से थम्स अप वाला भेजिए क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं कि नहीं जल्दी से जल्दी 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 प्लीज हां जी स्टार्ट करते हैं फटाफट मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं फटाफट मुझे बता दीजिए कि क्या मैं आपको फिर से दिखाई दे रहा हूं क्या सचिन सर इज बेस्ट थैंक यू यू आर आल्सो वेरी बेस्ट ठीक है जल्दी 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 प्लीज थम्स अप भेजना है ताकि मुझे पता चल जाए हाँ आवाज आ रही है और मैं आपको फिर से दिखाई देने लगा हूं जल्दी ऑडियो इज ओके थम्स अप यस 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 चलिए ठीक है तो अभी हमने जो ये इंफॉर्मेशन पढ़ी अभी हमने जो ये इंफॉर्मेशन पढ़ी मेरे ख्याल से आपको ये वाली इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी और आप इस बात को याद रखिएगा प्लीज क्योंकि ऐसा सवाल बन सकता है सर कैसा सवाल ये वाला सवाल जिसमें वो बोले कि एक रूट के बारे में जानकारी दे रही है और आपसे तो इसका मतलब सर दूसरा रूट वो हमसे खुद डिसाइड डिसाइड करवाना चाह रहा है है जो कि इस बात से हो जाएगा ठीक उससे पहले दी। दी पॉजिटिव होगा तो, दी अगर हो तो रियल एंड तो इक्वल और अगर डी नेगेटिव होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी जिसको आप दूसरी भाषा में नॉन रियल रूट्स भी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो इज नॉन फैक्टराइजेबल जल्दी से जल्दी से जल्दी से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही कमेंट ही कमेंट आ रहे हैं बहुत सही बहुत सही आई ऑल्सो लव यू कुछ लोग लिख रहे हैं सर वी लव यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू इतना ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है चलिए स्टार्ट करें आगे की कहानी जी सर बिल्कुल स्टार्ट करनी चाहिए चलो भैया लो एक सवाल लीजिए और ये थोड़ा सा जबरदस्त सवाल है और इसकी हम जानकारी ले लेते हैं या फिर ये कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इन जनरल प्रॉब्लम आती है ठीक है एक बार सवाल पढ़ते हैं फटाफट स्क्रीन पर समझ में आया फिर से अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग आ रही है सर वो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में लाइट चलती है ना सारी की सारी लाइट कंप्यूटर स्क्रीन पे हो जाती है वैसे ही दिमाग की सारी लाइटें कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आप जिसमें पढ़ रहे हो उस वाली स्क्रीन पर क्या है सर इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन लिख देता हूं ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर जीरो सर बड़ी खतरनाक सी दिखने वाली इक्वेशन है समझ में आना चाहिए ठीक है ऑलवेज रिमेंबर जो चीजें दिखने में खतरनाक होती है जेई मेन या एडवांस में उसमें अगर थोड़ी सी आप उसको बारीकी से ऑब्जर्व करो तो उसमें से कुछ आसान सा नन्ना मुन्ना सा चिंटू कैंडी टाइप्स कुछ निकल के आता है वही मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जल्दी से देखिएगा प्लीज कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप सारे चैप्टर पढ़ाएंगे क्या जी बिल्कुल आपको यहां पर सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो मिलने वाले हैं और इनका नाम वन शॉट है बेटा यहां पर जो थ्योरी दी जा रही है आपको ये कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी है यू कैन डायरेक्टली वेरीफाई आप यहां पढ़कर डायरेक्टली वेरीफाई करो ना यार किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कैसे वेरीफाई करें सर आपसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं बस काम खत्म ठीक <laughs> है चलिए ना ये equation है बिलोंग्स टू क्यू और सर क्यू का मतलब आपने हमें बताया था दैट मीनस दीज क्यू जो होता है वो रैशनल नंबर के लिए यूज किया जाता है ठीक है भैया आर इक्वल इसके जो रूट्स हैं वो कैसे बोले गए इक्वल बोले गए इसके जो रूट हैं वो कैसे बोले गए इक्वल बोले गए उसके बाद में आपको ये दर्शाना है आपको ये शो करना है क्या कि टू अपॉन बी इज इक्वे प्लस वन अपॉन सी मैं लिख देता हूं क्या आपको शो करना है टू शो देखना जरा सामने सर टू अपॉन बी बराबर वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने अच्छा इसी बात को एबीसी एचपी में हो वो यही रिलेशन होता है ए बी और सी अगर एचपी में हो जिन लोगों ने एचपी का नाम नहीं सुना है तो वो इस नीचे वाली लाइन को इग्नोर कर सकते हैं सिर्फ ऊपर वाली रिलेशन को ध्यान दें बस ठीक है अगर एबीसी एचपी में होंगे तो ये वाली बात सत्य होती है ये सीक्वेंस एंड सीरीज का जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा

तो एक तरीका तो यह है जो कि लंबा तरीका है उस पर हम नहीं जाएंगे इस क्वालिटी का डी निकालो उसको जीरो के बराबर करो उस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके यहां पहुंच जाओ ठीक है उस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके यहां पहुंच जाओ मेरे ख्याल से बात समझ में आती है परंतु सर वो जो डी वी निकालेंगे मेरे ख्याल से आप इमेजिन कर सकते हो ए ये पूरा ए है ये पूरा एक्स का ये बी है और ये पूरा सी है तो निकालेंगे तो जो बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा बिल्कुल सही ठीक है Now, अब मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता लिखा हुआ आप क्या ऑब्जर्व करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, हमें कैसे पता चलेगा ये ऑब्जर्व करना है ये दिमाग में छोटे बच्चों के क्लास ज्यादा डाउट आता है सर हमें कैसे पता चलेगा अरे भैया इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको अब सिखा रहा हूं इसको सीख लो और फिर इसको याद रखिएगा ठीक है क्या है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ठीक है जी लो सामने देखना जरा और इसको याद रखना जो बता रहा हूं इफ इफ ये है ऑब्जर्वेशन देखना जरा इफ सम ऑल कोफिशियंट सम ऑल कोफिशियंट दी गई क्वाडिटिक में सारे कोफिशियंट का सम अगर जीरो आए इसका मतलब होता है एक्स इक्विज इज ए रूट ऑफ इक्वेशन बिल्कुल सही सर सही 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 इसमें क्या बड़ी बात है दिस इज वेरी इजी एंड वेरी बेसिक कैसे सर इसको थोड़ा इधर पता ना लो देखो एग्जाम्पल 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 मैंने आपको ये वाली क्वाटिटिक दी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स 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 सॉरी स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू बराबर जीरो ठीक है और फिर मैंने एक ये वाली क्वाडिटिक दी सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और माइनस टू बराबर जीरो फिर मैंने एक ये वाली क्वाटिटिक और लिख दी जल्दी से देखना जरा Square plus, या फिर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स बराबर हाँ जीरो करके हजारों करोड़ों खुद लिख सकते हो इन सभी में coefficients का सम देखो, coefficients का का देखो सर क्या होता है ये sum समिशियंट मतलब आपको ये चेक करना है ए प्लस बी प्लस सी एन बी कितना है है तो और ये कितना आ गया जीरो सर यहां चेक करना जरा ए है सेवन बी कितना है माइनस फाइव सी कितना है माइनस टू ये भी जीरो सर ए कितना है इलेवन बी है माइनस फाइव सी है माइनस सिक्स ये भी कितना आ रहा है जीरो तो पिछली बात जो मैंने बोली अब मैं बताता हूं दोबारा से क्या बोल रहा हूं कि जिस जिस क्वाड्रेटिक में सारे कोफिशियंट का सम जीरो आ जाए उसका एक रूट वन होता है आप इनको सॉल्व करके देखो इन तीनों क्वाड्रेटिक को ठीक है एक रूट की बात कर रहा हूं दूसरा रूट आप खुद पहचान लेना इसका पक्का एक रूट वन है इसका भी एक रूट वन है। इसका भी भी एक एक रूट 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 है है दूसरा रूट क्या होगा वो आप फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं ठीक है तो ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है और कॉमन सेंस वाली बात है मेरे ख्याल से बात समझ में आती है और कोफिशंस का सम सबको समझ में भी आया कि हमें कौन से कोफिशंस को जोड़ना है इसी चीज को यहां जरा अप्लाई करना ठीक है अब मैंने सर यही ऑब्जर्वेशन यहां लगाई ठीक है थोड़ी सी अच्छी चीज है ध्यान से सुनना बट सम ऑफ कोफिशिएंट्स हियर सर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है बेटा a into b c ठीक है शॉर्टकट तरीके से जिसको आप बोल सकते हो वैसे कोई शॉर्टकट नहीं है ऑब्जर्वेशन बेस्ड है आंखों के कमाल से मन की आंखों से देखकर हम जवाब लिख रहे हैं b c a क्योंकि इसका कोफिशियंट ये रहा इसका कोफिशियंट ये रहा और कॉन्स्टेंट टर्म ये रही जरा बोलना ये कितना आ जाएगा सर दिस इज ए बी माइनस ए सी दिस इज बी सी माइनस ए बी दिस इज सी ए माइनस बी सी क्या ये जीरो आ रहा है क्या हां जी सर कैसे ये बी सी ये बी सी गया ये ए सी और ये ए सी गया ये ए बी और ये ए बी गया तो सर इसके तो कोफिशियंट का सम जीरो आ गया बहुत बढ़िया और आपने अभी हमें सिखाया कि जिस भी क्वाडिटिक में का सम जीरो आ जाए उसका एक रूट कौन होता है वन अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज तो सर हमें क्या हम ये बोल सकते हैं जो क्वारिटिक आपने दी कौन सी ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू क्या था जरा देख लेते हैं ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर जीरो इस क्वानिटी के सारे कोफिशियंट का सम आया जीरो तो क्या आप इसका एक रूट वन बोल सकते हो क्या हाँ सर अब एक और ज्ञान की बात इसका दूसरा रूट भी वन ही है आए सर ये कैसे चीटिंग है ये तो आपने आधा बताया दूसरा वन खुद ही लिख दे रहे हो सर दूसरा वन कैसे हो गया वापिस चलो सवाल पे देखो ध्यान से उसने क्या बोला ये जो क्वाडिटिक है ना इसके दोनों रूट बराबर है।, ये जानकारी उसने सवाल में दी है मैंने खुद नहीं कॉपी की है। एक रूट वन मैंने निकाला दूसरा रूट भी वन होगा, ये उसने दे रखा है। बस फिर काम दूसरा रूट भी तो लिए अब देखो उस रिलेशन तक पहुंचने का तरीका क्या आप मुझे यहां से सम ऑफ रूट बता सकते हो हाँ समूट होता है माइनस टाइम्स कोफिशियंट ऑफ एक्स जो कि ये है डिवाइडेड बाय कोफिशंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है हमारे हिसाब से सम ऑफ द रूट्स ये होगा और दोनों रूट्स अगर वन वन है तो धीरे से मन में सोचिएगा वन प्लस वन होता क्या है सर वो होता है टू क्या ये बात सही लिखी हुई है क्या जी सर बिल्कुल सही लिखी हुई है कोई परेशानी नहीं है यही वो रिलेशन है जो आपसे प्रूव करवाना चाह रहा है सर ये वाला रिलेशन कैसे लो भैया देखना जरा फटाफट इसको अंदर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस बी सी प्लस ए बी इसको अंदर भेजो और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से आएगा ए बी और मल्टीप्लाइड बाई टू तो ये हो जाएगा टू ए बी यहां से आएगा माइनस ए सी मल्टीप्लाइड बाई टू तो दिस इज माइनस टू ए सी ठीक है ना इसको इधर ले आइए और एक काम करो इसको इधर लेके जाओ ठीक है सर ये बचा माइनस बी सी ये हो गया माइनस ए बी यहां पर हो जाएगा माइनस टू ए सी कोई परेशानी सर कोई परेशानी नहीं है ना अब क्या करें सर इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर आप ऐसा बोल सकते हो ध्यान सुनना सर हमें समझ में आ गया आप क्या कह रहे हो इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया यहां प्लस हो गया और यहां पर माइनस साइन है ये माइनस और ये माइनस उड़ा दो तो ये लिखा हुआ है बीसी प्लस ए बी बराबर टू ए सी अब आप इसको उस रूप में देखने के लिए जैसा वो आपसे सवाल में बनवाना चाहता है पूरी इक्वेशन को एबीसी से डिवाइड कर दो तो सर ये आ जाएगा बी सी अपॉन एबीसी प्लस ये आ जाएगा ए बी अपॉन एबीसी और ये आ जाएगा टू ए सी अपॉन ए बी सी ऐसा लिख सकता हूं जी बिल्कुल नाउ अब जरा नजरे स्क्रीन पर रखते हुए बोलना क्या हम रिजल्ट तक पहुंच गए हाँ सर ये ये गया ये ये गया और ये ये और ये गया क्या बचा जरा बोलना सर यहां पर बचा अपॉन ए यहां पर बचा सर वन अपॉन सी ऊपर एक टू बच गया और नीचे बचा बी यही वो हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा था और फाइनली यू कैन से हिमाचल प्रदेश मतलब ये प्रूफ हो गया हेंस प्रूफ ठीक है जी हिमाचल प्रदेश बोल सकते हो कुछ लोग हैरी पॉटर हैरी पॉटर भी चला रहे हैं तो हैरी पॉटर भी बोल सकते हो सर ये बात हो गई क्लियर समझ में आया मैंने इसमें डी नहीं निकाला मैंने मैंने इसमें एक ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया क्या किया एक ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ठीक है ना एक सिंपल सा लॉजिक सर आपने सम ऑफ द रूट्स निकाला क्या हम इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी कर सकते हैं क्या जी बिल्कुल तो आपका घर के लिए कार्य समझ में आ कुछ चीजें आपको सिखा दी जाती है और कुछ आपको खुद सीखनी है इस केस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला हो जाएगा सी अपॉन ए सी क्या है सी है सर सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी माइनस सी और इसको कर दो वन के बराबर यहां से भी यही रिजल्ट आएगा खुद कोशिश कीजिएगा इस वाली कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करते हुए कैसी कैलकुलेशन को इस वाली कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करते हुए जल्दी से ठीक है ये आपको खुद चेक करना है कि से ठीक है? याद रखना और जो ये मैंने सिखाई है कुछ लोग मुझसे फिर ये पूछते हैं कि सर ये कहां लगाना है ठीक है ये हमें कहां लगानी है एक क्वालिटी आपको दिखे आपको कितना टाइम लगेगा उसके सारे कोफिशेंट जोड़ के देखने में सर अगर मनी मन में अगर हमें किसी को बताना नहीं हो तो हमें सर ज्यादा से ज्यादा नौ सेकेंड लगेंगे सर नौ का क्या कैलकुलेशन है आठ और दस क्यों नहीं वो तुम अपने हिसाब से देख लेना तो मेरे ख्याल से नौ सेकेंड में अगर हमें कोई जवाब मिले या हमें कोई अच्छी चीज पकड़ में आए तो लगा के देख लेनी चाहिए आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती है इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा ना अब आ जाते हैं बेटा अगले टॉपिक पे दैट इज कॉमन रूट कंडीशन ठीक है जी क्या होगी सर इसकी कहानी सामने देखना <coughs> देखो इसके दो केस हैं मतलब सर थोड़ा पहले बता दीजिए कि क्या होने वाला है आपको दो अलग अलग क्वाड्रेटिक दी जाएगी आपको दो अलग अलग क्वाड्रेटिक दी जाएगी इस पे सवाल आते हैं ध्यान रखिएगा प्लीज और जो मैं सवाल आपको करवाऊंगा वो के पूछे हुए हैं ठीक है आराम से फटाफट देखो सर दो क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट्स की वो बात करेगा ठीक है केस वन केस वन आप बोल सकते हो बोथ रूट्स आर कॉमन दो क्वाड्रेटिक में दोनों ही रूट कॉमन हो बोथ रूट आर कॉमन ठीक है दो अलग अलग क्वाड्रेटिक लिखी गई और उनके लिए यह बात बोली गई कि उसके दोनों रूट कॉमन है तो लो सर फटाफट आप हमें बता दो क्या समझाना चाह रहे हो एक क्वाड्रेटिक है ए वन एक्स स्क्वायर बी वन एक्स प्लस सी वन बराबर जीरो हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर सर दूसरी क्वाड्रेटिक है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू बराबर जीरो ठीक है अगर इसके दोनों रूट्स कॉमन है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी वो देखो कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी कॉमन बोथ रूट्स टू बी कॉमन दोनों रूट्स कॉमन होने की कंडीशन क्या है बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं मैं फटाफट लिख देता हूं कि अगर आप चाहते हो इन दोनों में दोनों रूट कॉमन हो तो कंडीशन आती है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट का रेशियो उसमें ए वन है नीचे वाली में ए टू है तो ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू क्या होना चाहिए बराबर दिस इज द कंडीशन दैट यू आर सपोज टू मेमोराइज सर इस बात का क्या मतलब है कि दोनों रूट कॉमन हो मतलब अगर इसके रूट टू और थ्री है तो इसके भी रूट टू और थ्री होंगे ठीक है मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ये कंडीशन याद रखोगे हां सर ना अब चलो अगली चीज पे। ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है That is case two. ठीक है case two. तो ये स्क्रीन पर है, मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूं तो कमेंट करने का कोई एसच फायदा भी अभी नहीं है ठीक है सर ओनली वन रूट इज कॉमन ओनली वन रूट इज कॉमन जब आपको यह पता चले कि दी गई क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है ठीक है या तो दोनों कॉमन होंगे मतलब दोनों सेम होंगे या एक सेम होगा ठीक है जी इसके अलावा तो कोई और केस बनता नहीं नो no, सर जब आपको यह पता चले कि एक रूट कॉमन है तब तो इसके लिए कंडीशन लिखी होती है बहुत सारी किताबों में ठीक है एक बड़ी सी कंडीशन है ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू को लेकर वो बहुत मोटी जाड़ी कंडीशन है वो कंडीशन मत याद करो प्रोसेस याद करो कि आपको क्या करना है ठीक है तो सर प्रोसेस कैसे लो भैया स्टेप्स बता दे रहा हूं आपको पहले क्या करना है स्टेप वन मेक कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम इन बोथ क्वाड्रेटिक दोनों क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या कर लो सेम बना लो सेम बनाने के लिए हो सकता है आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े हो सकता है वो जो दो क्वाड्रेटिक दे उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही सेम हो तो फिर आपको नहीं छेड़ना है ठीक है स्टेप टू स्टेप टू सब्ट्रैक्ट बोथ दोनों को घटा दो सब्ट्रैक्ट बोथ एंड गेट वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है जी फिर क्या करो आप दोनों इक्वेशनस को घटा दीजिए ठीक है जी फिर क्या करो आप दोनों इक्वेशंस को घटा दीजिए बहुत बढ़िया सर घटा देंगे और हमें एक x की वैल्यू मिलेगी ये करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा और ये जो आपको x की वैल्यू मिलती है दिस इज द कॉमन रूट दिस इज कॉमन रूट यही वो कॉमन रूट होगा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जी बिल्कुल और फिर स्टेप 3 जो कि बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं वैल्यू ऑफ एक्स नजरें स्क्रीन पर बेटा जी ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं और अभी हम आईआईटी एडवांस का ही सवाल करेंगे सिर्फ इन तीन स्टेप्स के बेसिस पर प्लीज फोकस ठीक है नाउ दिस वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई विल सेटिस्फाई बोथ क्वाड्रेटिक ठीक है ये जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है ये दोनों क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगी ठीक है बस तो मैं वापस से एक बार रिकॉल कर देता हूं स्टेप्स को और फिर मैं यहां पे आपको लगा के दिखाता हूं सर दोनों रूट कॉमन हो बहुत आसान सी कंडीशन है A2, बराबर B2, बराबर जो जो होते होते हैं जो formula होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं मतलब वो इंफॉर्मेटिव पार्ट है सर याद रखोगे बहुत भला होगा सर कभी बोले कि एक रूट कॉमन है दोनों क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट सेम बना लो किसका दोनों क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बना लो फिर दोनों को घटा दो एक दूसरे के नीचे रख के घटा दीजिए वहां से आपको एक एक्स की वैल्यू मिलेगी और ये जो एक्स की वैल्यू होगी वही कॉमन रूट होगा ठीक है नाउ दिस वैल्यू ऑफ विल सेटिस्फाई बोथ द क्वाड्रेटिक ये जो आपने एक्स निकाला है ये दोनों क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली सर कॉमन सेंस क्योंकि ये कॉमन रूट है तो ये ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाई करेगा और ये नीचे वाली क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाई करेगा ठीक है सर चिल्लाओ मत ठीक है इतनी बात समझ में आई ये काम आपको इसके लिए करना है ये काम आपको इसके लिए करना है ठीक है सर इसके इसके तो ठीक है लो ये वाला सवाल देख लीजिए प्लीज ठीक है पहले बता दू कुछ लोग बोल रहे थे सर एडवांस के सवाल नहीं करवा रहे आई आई टी जेई दो हजार ग्यारह ठीक है जय एडवांस का टैग जो है वो पुराने टाइम पे अब जय एडवांस वर्ड यूज किया जा रहा है पुराने यही टैग यूज होता था आई आई टी जेई वाला ठीक है और सवाल आ चुका है कॉमन रूट पे लो भैया क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी बी की वैल्यू बतानी है और दो क्वाड्रेटिक दे रखी है कौन कौन सी क्वाड्रेटिक? सर बहुत सारे लोगों ने तो रफ कॉपी उठा ली है जी बिल्कुल जो सीख रहे हैं वो तो ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट में है ही एक क्वाड्रेटिक ये वाली और दूसरी क्वाड्रेटिक ये वाली इसमें उसने खुद बोला है खुद बोला है क्या बोल रहा है मतलब वन रूट इन कॉमन ठीक है वन रूट इन कॉमन आपसे बी की वैल्यू पूछी है आप तो भूल जाओ तुम तो सिर्फ इतना याद रखो एक रूट कॉमन दिखते ही आपको क्या करना होता है फटाफट करना स्टार्ट कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को घटाओ एक्स की वैल्यू निकालो वो जो एक्स की वैल्यू आएगी किसी भी एक इक्वेशन में फिर से पटक दो अपने आप b निकल आएगा ऑप्शन टिक करो और अगले सवाल का इंतजार करो मैं आपको दो मिनट दे रहा हूं मैं यहीं पे हूं घबराए नहीं ब्रेक नहीं दिया है मैं फिर से आ रहा हूं ठीक है सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज एज सुन एज पॉसिबल हाँ जी आई होप मेरी आवाज आ रही होगी ऑब्वियसली सर आ ही रही है कहां थी ठीक है हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए ठीक है चलिए 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 ठीक है रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन कहां से हो गया भाई चलो स्टार्ट करें सर दोनों को डिफरेंस लेने के लिए आपने बोला है दोनों का आपने डिफरेंस लेने के लिए बोला है तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रेक्ट कर सकते हो क्या दोनों इक्वेशंस को सब्टैक्ट कर सकते हो क्या ठीक <laughs> है सर कर देते हैं ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर गया ऊपर लिखा हुआ है बी एक्स ये लिखा हुआ है माइनस एक्स ये हो जाएगा बेटा माइनस बी ये माइनस वन बराबर जीरो से देखना इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में भेज दिया तो ये आ जाएगा बी प्लस वन इसमें से हमने एक्स कॉमन लिया ये आ गया बी माइनस वन यहां से आपने बोला था सर सब्ट करने के बाद में एक एक्स की वैल्यू मिलेगी बहुत बढ़िया और वो एक्स की वैल्यू आ गई बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन आप दी गई जानकारी से ये बोल सकते हैं दिस इज द कॉमन रूट दिस इज कॉमन रूट परंतु अगर सर हम सवाल की तरफ ध्यान से ध्यान दें उसने ये तो पूछा ही नहीं कि कॉमन रूट कौन सा है वो तो बोल रहे बी की वैल्यू बताओ बी की वैल्यू बताओ ठीक है सर बी की वैल्यू निकालने के लिए अभी हमारा स्टेप थ्री बाकी है इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए ठीक है जी किसी भी एक इक्वेशन में रख दो अब ये डाउट आएगा सर मैं तो ऊपर वाले में रखूंगा कुछ लोग बोलेंगे नीचे वाले में कुछ फर्क नहीं पड़ता तो मैंने क्या किया इसको सेकेंड इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दिया ठीक है पुट इन इक्वेशन टू ठीक है जी इक्वेशन टू और नजरें स्क्रीन पर सर लोग यहां पर एक्स स्क्वायर हो रहा है तो बी प्लस वन एक्स की जगह रखना है ध्यान रखना बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन प्लस यहां पर रखना है सर बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन एक्स की जगह एक्स का स्क्वायर और ये एक्स और बी पहले से था बस इसको सिंप्लीफाई करो और बी का जवाब बताओ सामने देखिएगा फटाफट 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 फटा और यू वॉन्ट बिलीव आपको विश्वास होगा कि नहीं मुझे नहीं पता बट आप जय एडवांस का ही सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना सर क्या करें एक चीज ध्यान से देखिएगा प्लीज और इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए दिस इज कॉमन सेंस वाला पार्ट इसके नीचे लिखा हुआ है b 1 का स्क्वायर इसके नीचे b 1 है एलसीएम आएगा b 1 का स्क्वायर ऊपर यहां क्या बचेगा b 1 स्क्वायर सर यहां पे b 1 था इसके साथ एक और जाएगा b 1 और सर इस b के साथ कौन चला जाएगा b 1 का स्क्वायर ठीक है ये न्यूमेरेटर पे बनेगा सिंपलीफाई करना है और इस स्टेप में मैक्सिमम लोगों से एरर होता है इस स्टेप में मैक्सिमम लोगों से एरर <laughs> हो जाता है सर चलिए देखो इसको लिखने की तो जरूरत है नहीं ये तो बेचारा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जीरो के साथ गुणा हुआ ये निपट गया इसको ओपन करना बी प्लस वन के स्क्वायर को सर दिसर प्लस वन प्लस टू बी बहुत बढ़िया सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बी प्लस वन इंटू बी माइनस वन सर ये होता है बी स्क्वायर माइनस वन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला और सर ये क्या लिखा हुआ है ये भैया बी माइनस वन के स्क्वायर को ओपन करो और बी अंदर भेजते जाओ तो पहली टर्म आएगी सर बी स्क्वायर उसको बी से मल्टीप्लाई किया बी क्यूब दूसरी टर्म आएगी माइनस वन का स्क्वायर वो होता है लिखा है हाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर आंसर बी आ गया मतलब आंसर बी मतलब ऑप्शन बी ठीक है चलो देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन जरा देखना सामने नजरें रखते हुए कुछ जा रहा है क्या हां सर माइनस टू बी स्क्वायर और ये और ये प्लस प्लस के दो बी स्क्वायर है और एक माइनस का तो गया तो कौन बचा जरा बोलना सर यहां से बचा एक क्यूब ठीक है जी और ये वाला माइनस वन और ये प्लस वन भी गया और यहां पर बचा एक बी और एक टू बी तो ये कितना आ गया बी क्यू प्लस थ्री बी बराबर जीरो बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया वेरी इंप्रेसिव खुद ही बोल दे रहे हो हाँ जी फाइनली स्टेप क्या बना बी क्यू प्लस थ्री बी बराबर जीरो लो कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत थी ना कि सर हमें थोड़ा सा आयोटा वायोटा भी देखना है लो यहां आ जाओ सर यहां से क्या क्या आंसर आएगा एक वैल्यू आएगी बी की जीरो एक आ जाएगा बी स्क्वायर को जब आप बी स्क्वायर प्लस थ्री को जीरो करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर माइनस थ्री बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री का रूट और आगे प्लस माइनस और सर माइनस वन को ही जब अंदर बन जाता ना ये माइनस वन रूट के अंदर उसी को ही आयोटा बोलते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है वैसे ही देख लो तो सर ये क्या लिखा हुआ है रूट थ्री को अलग कर लो और माइनस वन का रूट उसको आप आयोटा बोल रहे हो तो दो वैल्यूज यहां से आ गई प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा और एक जीरो अब चलते हैं ऑप्शन पे ठीक है अच्छा इसका आंसर बहुत सारे लोग पता नहीं कैसे कौन सी गणित से प्लस माइनस रूट थ्री केवल निकाल देते हैं प्लस माइनस रूट थ्री केवल निकाल देते हैं वो गलत है ठीक है ना जो आपका जवाब आया उनमें से कोई मैच कर रहा है क्या नहीं सर ये नहीं मैच कर रहा ये कर रहा है ठीक है बाकी जो दो आंसर आए सर उसने ऑप्शन में ही नहीं दे रखे तो हम क्या करें आंसर इज बी मेरे ख्याल से बात समझ में आती है बोलो हाँ ना मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ठीक है चलो अब आईआईटी के अगले सवाल पे जाने से पहले चलो सर ज्यादा वेट नहीं करते हैं फटाफट इस सवाल को और देखो इफ थ्री फटाफट पढ़ लीजिए प्लीज दिस इज ऑल्सो कौन सा सवाल जेई मीन टू का क्वेश्चन सर आप तो बहुत सारे जय के सवाल उठा लाए जी बिल्कुल बहुत सारे जेई के सवाल उठा लाए जी बिल्कुल ठीक है फटाफट इसका जवाब दीजिए और आगे बढ़ जाइए और ये कॉन्फिडेंस फील कीजिए कि सर ये चमत्कार अगर आप पढ़ा रहे हो और फटाफट सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं तो अगर मान लो सर लग के हमें पढ़ाई करवा दी जाए लग के मतलब थ्रू आउट द ईयर तो हम पता नहीं सर कौन सी रैंक ले आएंगे जी बिल्कुल ठीक है तो फटाफट फोकस करो बेटा इस पर क्या दे रखा है फटाफट देखो थ्री ए बी सी आर इन जीपी नाउ कुछ लोग यहां पर ग्यारहवीं के भी होंगे जिनको नहीं मतलब होता कि सर जिनको नहीं पता कि एबीसी जीपी का क्या मतलब है वैसे तो सर दूसरा या तीसरा चैप्टर ही है अगला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर फिर सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा तो हम ये पढ़ेंगे कि जीपी में हो तो क्या मतलब है बट बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें पता है एबीसी अगर जीपी में दे रखी हो इसका मतलब बेटा बी अपॉन ए और सी अपॉन बी बराबर है इस रिलेशन का ये मतलब है मैं ये आपको इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूं इसलिए प्लीज इसको याद रखिएगा मतलब सर एबीसी जीपी में होने का मतलब है कि बी स्क्वायर जो है वो एसी के बराबर है वो आपको ये जानकारी देना चाह रहा है ठीक है नजर स्क्रीन पर और पेन चल रहा है सर रफ कॉपी में मजा आ रहा है ध्यान रखिएगा प्लीज तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर एसी के ठीक है एक क्वाड्रेटिक दी है उसने देख पा रहे हो आप क्वाड्रेटिक क्वाडिटिक जी सर ये रही ये सिंपल वाली क्वाड्रेटिक नहीं है ये ये वाली क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो एक क्वाड्रेटिक ये रही और एक और क्वाड्रेटिक दी ये वाली डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स, एक्स प्लस एफ बराबर जीरो ठीक है पहली बात जो उसने हमें बोली वो ये बोली कि भैया एबीसी जीपी में है समझ में आ गई सर बात आगे बताओ एबीसी जीपी का मतलब ये ये दोनों क्वाड्रेटिक में बोल रहा है रूट इन कॉमन रूट इन कॉमन इनके बीच में सर वो बोल रहा है कि एक रूट कॉमन है ठीक है इसके बीच में क्या बोल रहा है ठीक है कौन सी बात सही लिखी हुई है ठीक है इनमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है ठीक है? है? है कुछ लोग बोल रहे हैं सर मजा आ रहा है मजा आना ठीक है समझ में आने के साथ सवाल सोल्व हो रहा है कि नहीं नाउ सर एक तरीका वापस लंबे वाला या बड़े वाला तरीका कौन सा सर कॉमन रूट का आपने तरीका सिखाया कि कोफिशियंट सेम बनाओ घटा दो जैसे अगर मैं कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का सेम बनाने की बात करूं तो ऊपर वाले को डी से मल्टीप्लाई करो नीचे वाले को ए से मल्टीप्लाई करो और घटा दो वहां से एक एक्स की वैल्यू निकल के आएगी उसको वापस से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो और वो जो रिलेशन आएगा उसको सिंप्लीफाई करके इनमें से कोई ऑप्शन को टिक कर दो बट सर ये बोलने में ही आपको इतना टाइम लगा है तो हम करेंगे तो पागल से ही हो जाएंगे जी बिल्कुल अब आती है बात ऑब्जर्वेशन की ठीक है जी अब किसकी बात आती है वापस से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कुछ लोग बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा सबसे पहली बात तो यही समझ में आती है बच्चों के कि सर आप ये ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन बता तो देते हो ये हमें कैसे पता चलेगा भाई तो तुम्हारे सामने ये सवाल लाने का लॉजिक ही ये है कि तुम्हें आज के बाद ये चीज ध्यान रहे ठीक है

ये आ गया फोर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी सर अगर आप फोर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा बी स्क्वाइनस एसी और अगर ये बी स्क्वायर माइनस ए सी आ रहा है वैल्यू है जीरो क्योंकि बी स्क्वायर और एसी बराबर दे रखे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ गई जीरो है? कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है तो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक के लिए एक चीज देखना जरा सर इस क्वाड्रेटिक का डी क्या आया डी क्या आया जीरो so, जिस क्वांटिटी का डी जीरो होता है मन ही मन में जवाब दीजिएगा मेरे तक पहुंच जाएगा कोई दिक्कत नहीं है जिस क्वांटिटी का डी जीरो होता है उसके लिए आपने हमें एक जानकारी बताई थी उसके रूट्स कैसे होते हैं उसके रूट्स होते हैं रूट्स आर इक्वल मतलब उसके दोनों रूट्स ही बराबर हैं बहुत बढ़िया क्या आप मुझे वो बराबर रूट्स बता सकते हो कि इसका डी जीरो है इसके दोनों रूट्स बराबर होंगे तो बताओ इस ऊपर वाली क्वांटिटी के दोनों रूट्स होंगे कौन कौन से दिस इज द क्वेश्चन वो कौन सी वैल्यू है एक्स की जो इसका रूट है सर श्री धराचार्य लगा देंगे हाँ जी रफ कॉपी आप लोगों के पास है फटाफट देखना सर इस पर श्री धराचार्य लगाया एक्स की वैल्यू यहां देखो एक्स का कोफिशंट कितना है माइनस टू बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आता है डी और डी कितना है जीरो डिवाइडेड बाय टू ए डिवाइडेड बाय टू ए तो सर ये वाला पार्ट जब जीरो ही हो गया तो इसको मत लिखो मैं रूट निकाल रहा हूं ध्यान रखना क्या आपको रूट दिखाई दे रहा है हाँ सर ये लो क्या ये बात समझ में आई पूरा एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप समझिए प्लीज ठीक है जी मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ठीक है एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए सर ये क्या आया है ये इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स की वैल्यू है चलो ठीक है वापिस से देखो इधर फटाफट देखिएगा प्लीज सर आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा रहे हो अरे भैया समझाना भी तो तसल्ली से है बाद में ताकि ये ना बोलते कोई कि सर आप फटाफट बता के निकल गए हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया हूं डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ बराबर जीरो अभी अभी गुप्त जानकारी से पता चला कि इसके दोनों ही रूट्स माइनस बी अपॉन ए है और वो सर हमें पता चला ऑब्जर्वेशन से ठीक है आज के बाद हम भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ है ना अब उसने सवाल में बोला है कि इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है <laughs> सर ये ये तो बात जमी नहीं। इसके दोनों ही रूट हैं और इनमें से कोई एक रूट इसका है तो क्या आपको ये समझ मतलब में आया मतलब इनमें से कोई एक नंबर इधर भी रूट है तो क्या आपको ये पता चला कि माइनस बी ए इसका भी रूट होगा जी उसने खुद बोला है सवाल में कॉमन है रूट अगर माइनस बी बाई ए इसका रूट है तो इसको करवा दो दोफाई क्या करवा दीजिए सेटिसफाई जरा देखना जरा सटिस्फाई का मतलब सर माइनस बी बाई ए इसका रूट मिल गया आप इसमें रख दो माइनस तो बी a एक्स की जगह रखना है ध्यान रखना तो लो सर टू ई माइनस बी अपॉन ए और एफ एज इट इज ये वाला रिलेशन सिंप्लीफाई करके वहां पहुंचाओ ऑप्शन तक उसने ऑप्शन में कुछ दे रखा है ठीक है सर देख लेते हैं ये वाली पूरी टर्म नेगेटिव है इसको लेके जाओ राइट साइड में तो इधर क्या बचेगा टू बी ई अपॉन ए यहां बचेगा एफ और यहां बचेगा सर डी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ठीक है मेरे ख्याल से बात समझ में आती आती और आती है ठीक है मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है नाउ अब एक बार बताओ सर ये जो ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं ना D अपॉन ए है E अपॉन बी है और F अपॉन सी है ऑप्शन से पता चलेगा ठीक है तो D अपॉन ए बनाते हैं F अपॉन सी बनाते हैं और B अपॉन क्या है ऑप्शन से देखो B के साथ E है ठीक है सर तो एक काम करें ध्यान सुनना ये सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट है सिंप्लीफिकेशन वाला क्या मैं इस बी स्क्वायर की जगह ए लिख सकता हूं क्या ठीक है कुछ लोग बोलेंगे सर ये बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल है डिफिकल्ट नहीं है बेटा बहुत आसान है और अगर आप जेई के लिए एम कर रहे हो तो भैया ये डिफिकल्ट नहीं है आपको समझाया जा रहा है एक एक स्टेप क्या मैं वापिस से बी AC लिख सकता हूं हाँ सर उसकी वैल्यू उसने यही दी थी सवाल में तो ये लो कोई परेशानी नो सर कोई परेशानी नहीं है ये ए और ये उड़ा दीजिए तो एक बार देखो वापस से ऑप्शन में डी अपॉन ए बनाना था ई अपन बी बनाना था एफ अपॉन सी बनाना था रुको भाई हाँ तो सर डी अपन ए तो बन गया यहां पर सी है ठीक है अब एक चीज और देखना सर आपने यहां पर बी की जगह बी स्क्वायर की जगह ए सी रखा तो यहां क्या रखोगे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की कोई गड़बड़ नहीं की ठीक चल रहा है ठीक है ठीक है एक काम करो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दू मुझे एफ के नीचे सी चाहिए मुझे एफ के नीचे सी चाहिए ठीक है भाई लो डी अपॉन ए हो गया डिवाइड कर रहा हूं सी से देखना जरा थोड़ी मेरी मदद कीजिएगा सर आप तो थोड़ा अटक गए तो फटाफट मदद करो डिवाइड कर दिया पूरे सी से तो ये हो गया डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी और इधर कितना आ गया सर इधर आ जाएगा टू बी अपॉन ए सी जरा देखना यहां से यहां आते वक्त क्या किया मैंने c से डिवाइड किया बहुत बढ़िया अब एक और सिंप्लीफिकेशन <laughs> सर ये क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है जहां पर ac लिखा हुआ दिख रहा है वहां पे क्या आपको b स्क्वायर दिखाई दे रहा है हाँ सर ac और b स्क्वायर सवाल में बराबर दे रखे हैं तो ये ये उड़ा दो तो, सर ये थोड़ा सा सच में डिफिकल्ट सवाल है डिफिकल्ट नहीं है दिस इज सिंप्लीफिकेशन अब चलो ऊपर सर डी अपॉन ए एफ अपॉन सी बराबर यहां बोलना जरा ये कितना आ गया टू और बी और बी आपने उड़ा दिया ऊपर ई e बचा नीचे बचा बी आ गया जवाब ठीक है ना एक चीज नोट करने वाली ठीक है मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसको जानते हैं कभी आपको पता चले कि तीन नंबर्स अल्फा बीटा गामा एपी में हो तीन नंबर्स अगर एपी में हो क्या मतलब होता है उसका हेलो हेलो स्क्रीन पर नजरें सर उसका मतलब होता है बीटा में से अल्फा घटाओगे और गामा में से बीटा घटाओगे जवाब बराबर आएगा ठीक है जी इसका फर्दर क्या मतलब है अल्फा को राइट में बीटा को लेफ्ट में टू बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा ठीक है समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा चलिए तो यहां पर जो मैंने आपको समझाया इस तरफ कोने में वो ये समझाया कि अगर तीन नंबर्स एपी में हो तो क्या होता है बीच वाले का दुगना बाकी दो के सम के बराबर होता है आप यहां से यहां आए और अगर कभी ये रिलेशन दिखा हुआ दिखे तो आप ये बोल सकते हो ठीक है इसी चीज को यहां पर इस्तेमाल कीजिए कर सकते हो जी सर बिल्कुल ये रहा सर दुगना और इन दोनों का सम क्या मैं इसी बात को यह लिख सकता हूं सर ये बीच में लिखा जाएगा क्योंकि जिसके आगे टू लगा होता है वो बीच में जाता है ठीक है अब चाहो तो डी अपॉन ए को पहले लिख दो और चाहे तो एफ अपॉन सी को पहले लिख दो ये तीनों नंबर इस इंफॉर्मेशन से पता चलता है किसमें है एपी में ये तीनों नंबर किसमें है और ये में कुछ लोग बोल रहे हैं सर रिपीट जी बिल्कुल कर दिया जाएगा घबराओ नहीं डी अपॉन एन बी और एफ अपॉन सी आर इन एपी ठीक है मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ऑप्शन सी इज करेक्ट ध्यान से वापस से सुनो पूरा रिपीट कर रहा हूं है। मैंने यहां पर देखा, तीन अलग -अलग जीपी में, में, मतलब मतलब तो में पढ़ाई जाएगी या फिर सीरीज वन में पढ़ाया जाएगा तब ठीक है सर ये हो गया उसके बाद में ऑब्जर्वेशन से पता चला अगर हम इसका डी कैलकुलेट करें तो डी की वैल्यू आती है जीरो आने का मतलब है ये ऊपर वाली जो क्वालिटिक है इसके दोनों रूट्स बराबर होंगे सर हाँ अब तो मम्मी भी चिल्ला रही है किचन से कि बेटा बराबर होंगे अगर d 0 होता है तो इतना तो मुझे भी समझ में आ गया तुझे क्यों नहीं आ रहा सर हमें भी आता है d 0 हुआ तो रूट्स आर इक्वल अच्छा वो इक्वल रूट्स कैसे निकाले आपने यहां पे बताया था आपने इस पे श्रीधराचार्य लगाओ अपने आप जवाब पाओ ठीक है श्रीधराचार्य लगाओ रूट की वैल्यू यही आ जाएगी नाउ इस इक्वेशन के यहां पे आपने बताया

जवाब आप यहीं पर बोल सकते हो यही आपका जवाब है परंतु सर जो जवाब की शक्ल है वो वैसी नहीं है जैसा वो हमसे ऑप्शन में चाहता है तो शक्ल बदलने के लिए जहां जहां पर मुझे एक जगह बी स्क्वायर दिखा मैंने उसकी जगह ए सी रखा उसके बाद में मैंने सी से डिवाइड किया ठीक है सी से डिवाइड करने के बाद में एक जगह फिर से ए सी बना मैंने उसकी जगह बी स्क्वायर रख दिया यहां पहुंच गए इस रिलेशन का मतलब होता है ये तीनों लोग एपी में हैं ठीक है और ये इसका मतलब सर एपी में क्यों होता है वो ऊपर लिखा हुआ इसका मतलब एपी में क्यों होता है वो ऊपर लिखा हुआ है ठीक है आई होप एंड बिलीव समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है आई अंडरस्टैंड बट आप इसको दोबारा से देखिएगा प्लीज ठीक है एक बार और देखिएगा आपको अपने आप बात समझ में आ जाएगी ठीक है चलिए फटाफट एक वो वाली पॉलिटिक देख लेते हैं जेई मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा गया है ये वाला सवाल जिसमें कौन इन्वॉल्व होता है मॉड Mod मतलब मॉड्यूलस फंक्शन जिनको मॉड्यूल की प्रॉपर्टी नहीं पता फटाफट एक छोटी सी पहले प्रॉपर्टी बताता हूं और फिर याद रखिएगा बराबर कभी आपको अल्फा दिखाई दे यहां से x की दो वैल्यूज आती हैं प्लस और माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस अल्फा इस सवाल का जवाब दे दीजिए यह वाली क्वाड्रेटिक बहुत कॉमन है और इसमें बच्चे जो हैं वो अटक भी जाते हैं कि सर ये क्या पूछ रहा है ठीक है मॉड वाली क्वाड्रेटिक ठीक है क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग मॉड मतलब सर ये कौन सी क्वाड्रेटिक है मॉड वाली क्वाड्रेटिक कौन सी क्वाड्रेटिक है बे भैया थोड़ी सी एनर्जी मेंटेन करो चैट में ठीक है फटाफट कौन से वाले सर थम्स अप भेजो फटाफट थम्स अप या फिर आजकल ओपी बहुत ज्यादा चल रहा है ओपी 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 ओपी, ओपी एंड थम्स अप जल्दी जल्दी भेजो ठीक है सर खुद के लिए ही भिजवा ले रहे हो आप ओपी <laughs> जी बिल्कुल ठीक है क्या करें जमाना बड़ा कंजूस है आपको कोई और आके ना बोले तो खुद के लिए ही बोल लेना चाहिए जल्दी से भेजिए प्लीज ताकि मैं ये पता कर सकूं कि कितने लोग अभी सुन रहे हैं मुझे आंसर नहीं भेजना है इसका भाई आंसर नहीं भेजना है उसके लिए टाइम है कुछ वैज्ञानिक लोग बैठे हैं बहुत ज्यादा जल्दी, जल्दी 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 ओपी और थम्सअप ओपी बहुत सही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब मैं नाम पढ़ना स्टार्ट करता हूं ताकि तुम्हारी कमेंट की स्पीड तेज हो जाए अनुराग प्रथा इप्सा और गौरांग कॉमेडी की चला गया आदर्श सिद्धि राज सुमित बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया <laughs> बहुत बहुत सही सुजाता साहिल सौरभ दिव्यांशी कॉमेडी मस्त अच्छा कॉमेडी मस्त मुझे लगा कॉमेडी की मस्ती ठीक है ठीक है ठीक है ना मॉड वाली क्वाड्रेटिक में आपने थोड़ी सी जानकारी दी मॉड के बारे में सर पूरी जानकारी कब दोगे जब फंक्शंस का वन शॉट वीडियो आएगा तब ठीक है इतनी चाहिए तो इतनी बहुत है सर एक और इसके बाद में जानकारी देखिए प्लीज चाहे आप एक्स स्क्वायर लिखो चाहे आप मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो चाहे मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखो बेसिकली सर ज्यादा आप हमसे छुपाओ नहीं बताई दो आप क्या बताना चाह रहे हो तो मॉड का काम क्या होता है पता है है क्या वो उसके अंदर कोई भी नंबर रखो उसको पॉजिटिव कर देता है। जैसे मॉड ऑफ टू पूछू तो वो टू आएगा मॉड मॉडल टू पूछू तो वो भी टू आएगा ठीक है तो भैया एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर रखा हो तो वो उसको पॉजिटिव क्या करेगा सर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है समझ में आया तो जो मॉड के अंदर कोई भी नंबर आप ऐसा रख दो जो पहले से पॉजिटिव हो तो वो क्या करता है उसको मतलब मॉड हट जाता है और उसको खुला छोड़ देता है ठीक है हाँ अगर कोई नेगेटिव नंबर रखोगे तो वो उसको फिर पॉजिटिव बना के छोड़ेगा तो एक बार बताओ एक्स पॉजिटिव है क्या हाँ, सर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है कैसे क्योंकि एक्स की चाहे कोई सी भी वैल्यू ले लो उसका स्क्वायर हो गया ना तो वो तो पॉजिटिव ही है तो इसने इसको खुला छोड़ दिया और मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर भी सर वही होता है ना इसमें बहुत सिंपल सी कहानी है जरा देखना इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी आप क्या करो मॉड ऑफ एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या बोल दीजिए टी बोल दीजिए सामने देखिएगा प्लीज ठीक है सर ये जो पहले वाली इक्वेशन है ना मतलब पहले वाली जो टर्म है नजरे स्क्रीन पर ही होंगी आई बिलीव इस X को आप ऐसा भी लिख मॉड ऑफ एक्स का स्क्वाइनस एटीन मॉड ऑफ एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो इस पूरी इक्वेशन में मुझे मॉड ऑफ एक्स दिख रहा है जब भी मॉड वाली क्वांटिटी का आएगी तो आपको मॉड एक्स को क्या बोलना है टी ठीक है जैसे ही टी बोलोगे तो अब आपको ये वाली इक्वेशन कैसी दिखाई देने लगी सर नाइन टी स्क्स एटीन टी प्लस बराबर और सर बीच में एटीन है हम समझ गए क्या जादूगरी कर रहा है वो क्या यही फैक्टर्स होंगे क्या हाँ सर आप तो सही बोल रहे हो नाउ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है जी बिल्कुल थ्री टी यह आ जाएगा थ्री टी माइनस फाइव इसमें से माइनस वन थ्री टी माइनस फाइव सर दो वैल्यूज आ गई या दो फैक्टर्स आ थ्री टी माइनस वन और दूसरा फैक्टर आ गया थ्री टी माइनस फाइव बराबर जीरो चलिए 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 सर अगर आप पहले फैक्टर को जीरो करोगे तो टी की वैल्यू आएगी वन बाई थ्री और दूसरे फैक्टर को जीरो करोगे तो टी की वैल्यू आएगी फाइव अपॉन थ्री ठीक है पहले वाले फैक्टर को जीरो करोगे तो क्या वैल्यू आएगी वन अपॉन थ्री दूसरे वाले की आएगी फाइव अपॉइंट थ्री क्या आपसे टी पूछा है क्या नो सर एक्स पूछा है ठीक है वापिस ले आओ. टी कौन था Mod of X. लो भैया देखना जरा सामने सामने देखना जरा <laughs> सर आपने वो गलती से दूसरी स्लाइड चला दी लो भैया t बराबर वन अपॉइंट थ्री सर t की जगह वापस से मॉड एक्स सर बड़ा ही हलवा सवाल है आप टाइम ज्यादा लगा रहे हो और दूसरे वाले में क्या आया t बराबर फाइव बाई थ्री ऐसे सवाल भी दिखाने जरूरी हैं ताकि आपको यह विश्वास रहे कि मेंस जो है वो केवल आसान-आसान सवाल पूछता है ठीक है Now, यहां से आपको क्या आ जाएगी सर प्लस एंड माइनस फाइव अपॉन थ्री ठीक है क्या पूछा है सवाल में सर वो बोल रहा है प्रोडक्ट इसके जितने भी रूट्स आए प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन क्या मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन गुणा कर दो सभी को जल्दी बताना <laughs> सर गुणा करना है जी बिल्कुल जी बिल्कुल फाइनल आंसर देखिएगा ठीक है सर एक रूट आया वन बाई थ्री दूसरा रूट आया माइनस वन बाई थ्री एक फाइव बाई थ्री एक माइनस फाइव बाई थ्री ऊपर लिखा हुआ है सर दो बार माइनस मतलब प्लस और पच्चीस बटे इक्यासी ट्वेंटी फाइव अपॉन एटी वन सर हम तो बहुत पहले से ही लिख के बैठे हैं कि आंसर जो है वो बी है आपको अब पता चला <laughs> बहुत सही बहुत सही बहुत बढ़िया फाइव अपॉन नाइन कुछ लोग लिख दे रहे हैं वो गलत है जल्दी 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 प्लीज 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 बहुत बढ़िया मेरे ख्याल से जवाब समझ में आता है एंड वेरी इजी वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड चलो भैया ये वाला थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है इसमें मजे आएंगे और इस टॉपिक से जे एडवांस सवाल पूछ चुका है जल्दी से देखते हैं सर व्हाट इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक ठीक है सामने देखिएगा ठीक <coughs> है ग्राफ मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा ठीक है क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं और फिर उसके बेसिस पे क्या क्या रिजल्ट आप याद रख सकते हैं या फिर कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए नाउ पहली बात सर हम किसका ग्राफ बनाना सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक का हेलो हेलो जरे स्क्रीन पर है आप तो बताओ क्या बताना चाहते हो ये होता है बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ठीक है इसका हमें ग्राफ बनाना है इससे पहले ग्राफ बनाए दो तीन छोटी छोटी चीजें देख लो तीन सिंपल पॉइंट्स बताता हूं तीन सिंपल पॉइंट्स पहली अगर पॉजिटिव हुआ और ए नेगेटिव हुआ। अच्छा सर जो पहली बात थी वो तो रहेगी इसका जो ग्राफ आएगा वो पैराबोलिक शेप का होता है बेटा ग्राफ किस शेप का होता है ग्राफ इज ऑफ पैराबोलिक शेप कौन सा शेप का होता है पैराबोलिक शेप का होता है ठीक है जी पैराबोलिक शेप मतलब पैराबोला तो देखा होगा आपने हाँ सर फिजिक्स में केमिस्ट्री में आई जाता है जो ए है ना मतलब ए का रोल बता रहा हूं अगर ए पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और अगर ए नेगेटिव हुआ तो पैराबोलिक पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड ठीक है कि वो ऊपर की तरफ बनने वाला है कि नीचे की तरफ ठीक है कुछ लोगों के दिमाग में फिर से एक डाउट आया सर पॉजिटिव नेगेटिव तो ठीक है अगर ए जीरो हो गया तो भैया ए जीरो हो गया तो ये क्वालिटी की नहीं बची फिर हम इस बात को तुरंत बंद कर देंगे रद्द कर देंगे ठीक है तो ए का रोल प्ले यार ए का रोल समझ में आया मनी मन में बोल दीजिए यस सर हाँ हाँ हा। समझ में आ गया बोलो हाँ, ना? हाँ या ना? जल्दी, जल्दी 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 प्लीज, प्लीज। कमेंट्स की स्पीड्स बढ़ा दीजिए हाँ सर यह समझ में आ गया ए का क्या रोल है उसके बाद में आ जाओ दूसरी चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है वर्टेक्स वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता देता हूं भैया बहुत आसान से होते हैं x माइनस बी अपॉन टू ए वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी अपॉन टू ए वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस डी अपॉन फोर ए ए बी और डी जो आपने यहां पर इस्तेमाल किए हैं सर उसका मतलब हम जान गए हैं ठीक है सर ये वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है वर्टेक्स होता है बेटा ये वाला चोटी वाला बिंदु ओपनिंग डाउनवर्ड होगा तो सबसे ऊपर वाला ओपनिंग अपवर्ड होगा तो सबसे नीचे वाला ठीक है एक और ज्ञान की बात <laughs> सर आप ऐसे एक एक करके बहुत सारी बताते रहे हो तो बढ़िया है ना भैया <laughs> एक एक करके सारी बता दे रहा हूं ये जो पैराबोला होता है ना इस वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है मतलब जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में ठीक है तो आप क्या करो तुरंत वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो इसमें सर x और y मतलब ये वाला x कोऑर्डिनेट है और ये वाला y कोऑर्डिनेट है ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ए बी सी की वैल्यू जाननी जरूरी है जो कि वो आपको क्वेश्चन में देगा जैसे ही आप वर्टेक्स कैलकुलेट कर लो बस इसको ले जाकर पैराबोला को ले जाकर इस वर्टेक्स पे रख दीजिएगा हमने टॉप मोस्ट पॉइंट कैलकुलेट कर लिया ठीक है बस इतने से काम चल जाता है बट फिर भी एक और पॉइंट देख लो तीसरा पॉइंट ग्राफ कट y एक्सेस ठीक है y एक्सेस ग्राफ जो है वो y एक्स को कट करेगा एट पॉइंट जीरो कॉमा सी जीरो कॉमा सी पर सर वो y एक्सेस को काटेगा और ये सी कहां से उठा के लाए हो इसकी कांस्टेंट टर्म इसकी कांस्टेंट टर्म मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आती है बस सर ये तीन सिंपल सी स्टेप्स और क्या हम ग्राफ बना पाएंगे जी बिल्कुल क्या करना है आपको वापस से देख लो कि ऊपर की तरफ बनेगा कि नीचे की तरफ बस इतना सा रोल है वो ध्यान से कैलकुलेट करना ठीक है? है, है सर समझ गए उसमें पहले से दो दो माइनस साइन है माइनस बी अपॉन टू एंड माइनस डी अपॉन फोर ए सर और ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को जीरो सी पे काटेगा ये सब बातें फुलफिल करते हुए शेप रखनी है पैराबोलिक ग्राफ बन गया है <laughs> सर आपने तो एक भी एग्जाम्पल नहीं करवाया ग्राफ बन भी गया जी बिल्कुल लो पहला एग्जाम्पल ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वे टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इसका ग्राफ बनाना है जल्दी से जल्दी से शुरू हो जाओ मैं आपको सोचने का तरीका भी बता रहा हूं ठीक है मैं आपको सोचने का तरीका भी बता रहा हूं कैसे कैसे सर हमें आगे प्रोसीड करना है मैं बना के दिखाऊंगा यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी ठीक है सर सर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर बात है आप एबीसी को सही से लिख ले बिकॉज अगर उनमें गड़बड़ हुई तो फिर पूरा ग्राफ भी पलट सकता है ए है वन बी है माइनस टू सी है फोर सर ये इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है ठीक है फटाफट क्या करूं? सर इस वाली चीज का कहां पर यूज होगा ग्राफ बनाते बग। तो अभी इसको होल्ड पे रखो। वर्टेक्स कैलकुलेट करो बेटा, क्या कैलकुलेट करो? वर्टेक्स अब देखना जरा वर्टेक्स में एरर जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस बी माइनस साइन एक पहले से है बी की जो खुद की वैल्यू होगी वो विद साइन पुट होगी माइनस बी अपॉन <laughs> टू ए सर हंस किस लिए रहे हो कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं कि सर इतनी आसान चीजें थी तो नहीं <laughs> आज कैसे लग रही है पता नहीं सर फिर खुद की तारीफ <laughs> आप लगता है मानोगे नहीं जी बिल्कुल किस लिए मानना है सर ये तो हो गया माइनस बी अपॉइंट टू ए यहां आ जाओ ये क्या करना है सर फिर से एक माइनस साइन है डी की वैल्यू बताओ सर डी हम जानते हैं रुक जाओ बताओ भैया बताओ बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी डिवाइडेड बाय फोर ए कितना है सर वो है वन आराम आराम से ध्यान ध्यान से सिंप्लीफाई कीजिएगा एरर नहीं होना चाहिए ध्यान रखना एरर नहीं होना चाहिए कुछ लोग बोल रहे हैं सर लोकेशन ऑफ रूट तो भैया एक बात बताओ छोड़ो सर कौन सी बात <laughs> इतनी काहे चलती है जब तसल्ली से पढ़ाया जा रहा है तो तसल्ली से पढ़ो ना ठीक है ना सर क्या करो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर लिखा हुआ है टू अपॉन टू ये आ जाएगा वन यहां जरा देखना कैलकुलेशन थोड़ी सी सर माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर बाहर एक और माइनस साइन है ऊपर लिखा हुआ है माइनस ट्वेल्व ठीक है देखते रहना इसको काटेंगे तो सर ये आ जाएगा थ्री और एक और माइनस साइन तो वर्टेक्स आ गया वन कौ थ्री आराम से देख लीजिए क्या वर्टेक्स मैंने सही से कैलकुलेट किया है क्या जो जो लोग एग्री करते हैं फटाफट थम्स अप अरे वाह सर आपने कमेंट की तरफ तो देखा ही नहीं वन कौमा थ्री वन कौ थ्री वन कौ थ्री ही हुआ पड़ा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सचिन सर ओपी <laughs> बहुत बढ़िया ठीक है अब क्या करें सर एक ये वाला पॉइंट और लिख लेना चाहिए इसका तो इस्तेमाल होगा बनाते वक्त एक ये वाला पॉइंट ग्राफ कहां काटेगा एकस को।, एकस को नहीं वाई एक्सिस को सर वाई एक्सिस को कट करेगा कट करेगा एट कौन से पॉइंट पे सर पहला वाला तो जीरो ही रहेगा हमेशा C की वैल्यू कितनी आ रही है फोर तो y एक्सिस को वो 0, 4 पे काटेगा अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं लो भैया अब मेन इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है ठीक है ये रही x ये रही रही x y ठीक है जी लो ठीक है ये x एक्सेस ये y एक्स मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं वो तो सारी चीजें हमें कैलकुलेट करके रखनी थी सर अब बनाते कैसे वर्टेक्स उठा लाओ वर्टेक्स कितना है <laughs> वक्स है सर वन कॉमा थ्री क्या आप वन कामा थ्री लोकेट कर पा रहे हो हाँ सर वन यहां और थ्री लगभग यहां तो ये रहा वन कॉमा थ्री ये है वट एक्स वक्स लोकेट कर लिया तरीका बता रहा हूं ध्यान रखना हाँ सर कर लिया अब अब आ जाओ इस बात पे कि मुझे ये सोचना है कि ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड तो ए की वैल्यू देखी ए की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव पॉजिटिव है ना वन है तो सर ओपनिंग अपवर्ड बनेगा ठीक है ओपनिंग अपवर्ड वाला पैराबोला उठाओ जस्ट इमेजिन दिस इमेजिनेशन बड़ी काम की है यहां से उठाया इसको एज इट इज यही ऐसे हाथ में पकड़ के <laughs> सर गिरा मत देना नहीं गिराऊंगा लो भैया यहां ला के रख दो तो सर वो एज इट इज लाकर आपने यहां रख दिया लो ठीक है ये वाला पॉइंट है दिस इज वन दिस इज थ्री ठीक है लो सर बन गया ग्राफ काम खत्म <laughs> सर ये बन भी गया जी बिल्कुल सर फिर वो ये वाला पॉइंट तो रह गया कौन से वाला ये सॉरी 0,4 वाला ये y एक्सिस को ये कट करेगा 0,4 पे तो आपको क्या ये y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करता हुआ दिख रहा है क्या हां जी इस पॉइंट पे कट करता हुआ दिख रहा है दिस पॉइंट इज 0,4 ये वाला पॉइंट कौन सा है ये पॉइंट है 0,4 कोई परेशानी सर कोई परेशानी नहीं है बस दिस इज द ग्राफ कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत हमें नहीं है क्या आप इसी तरीके से फटाफट खुद भी ग्राफ बना सकते हैं जी बिल्कुल बना सकते हैं लो फिर एक और देखोगे क्या जी बिल्कुल अच्छा <coughs> सर आपने एक वर्ड यूज किया रेंज लो फिर रेंज भी बता रहा हूं और इसी तरीके से समझना है ध्यान रखना रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे लिखते हैं ठीक है पहले चुनो और इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो अगर आपको पता चले कि ए पॉजिटिव है मतलब इफ ए इज पॉजिटिव तब जो रेंज आती है वो आती है क्लोज ब्रैकेट माइनस डी अपॉन फोर ए से लेके इंफिनिटी एक्सप्लेन करेंगे अभी और अगर आपको पता चले कि ए नेगेटिव है तो जो रेंज आती है वो आती है माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस डी अपॉन फोर ए दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द थिंग विच यू आर सपोज टू मेमोराइज़. अपनी मेमोरी में फिट करो और राइज कर जाओ <laughs> सर ये कहां से आया तो सिंपल शब्दों में सुनो रेंज का मतलब होता है क्वालिटी की वैल्यूज क्या क्या आएंगी ठीक है क्वालिटी की वैल्यूज क्या क्या आएंगी मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया है आप इसको आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं बट मैं थोड़ा सा मतलब समझा देता हूं कवर मतलब कर रहा है वो होती है रेंज और जब नीचे वाला पैराबोला बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड वाला तब वो वाई एक्सिस की कितनी वैल्यूज या वाई एक्सिस में कितना पार्ट कवर करेगा वो होती है रेंज अब ये सब भूल के तुम तो यहां आ जाओ ये पैराबोला वाई एक्सिस का कितना पोर्शन कवर कर रहा है यहां देख के बताओ बिकॉज वही रेंज होती है सर वाई एक्सिस का पोर्शन ये इस पॉइंट से कभी नीचे नहीं आया तो सर ये यहां से स्टार्ट हुआ उसके बाद में ऊपर की तरफ चलता ही जा रहा है ठीक है ऊपर की तरफ चलता ही जा रहा है तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो आंसर आएगा क्लोज ब्रैकेट थ्री से लेके इंफिनिटी द पोर्शन ऑफ वाई एक्सेस कवर्ड बाय द ग्राफ ठीक है हां जी बिल्कुल सही और सर ये आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे कैसे यहां आ जाओ माइनस डी अपॉन फोर ए की वैल्यू कितनी आई थ्री सर ए पॉजिटिव है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस पूरे की वैल्यू आई थ्री थ्री से लेके इंफिनिटी ग्राफिकल मतलब ये है मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं एंड दिस इज वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड कोई दिक्कत नहीं है चलिए फिर सर क्या करें फिर एक ग्राफ बनाओगे क्या जल्दी से बताओ हाँ सर बना देंगे लो देखना जरा क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा हूं ठीक है एक और चीज थोड़ा सा पलट देते हैं इसको क्योंकि वो ए पॉजिटिव वाला ले लिया ना तो सर लो फिर ए नेगेटिव वाला ले लीजिए ये ठीक है इसका ग्राफ बनाइए जल्दी से एवरीबडी सर हम लोग सीख रहे हैं मम्मी किचन से आवाज लगा रही है बेटा खाना कब खाएगा बोलो एक बार रुक जाओ खाना खा खा के तो इतने बड़े हो गए हैं ठीक है खाना खा लेंगे बाद में आज बड़ी ही इंटेंस डिस्कशन चल रही है ठीक है गुरुजी आए हैं हमें पढ़ाने तो हम पढ़ रहे हैं डिस्टर्ब ना कीजिए जल्दी 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 इसका ग्राफ बनाइए बेटा रफ कॉपी में कमेंट बाद में कर लेना ठीक है तब तक मैं कमेंट पढ़ लेता हूं सर आप एनर्जेटिक नहीं लग रहे <laughs> कैसे अनर्जेटिक लगू ये बताओ रुको एक सेकेंड रुकना <coughs> अब लग रहा हूं क्या <laughs> नहीं सर अब नहीं लग रहे कुछ लोग बोल रहे डिनर ब्रेक अरे भाई डिनर ब्रेक अगला जो ब्रेक होगा वो पंद्रह मिनट का होगा बट उसमें अभी टाइम है फास्ट सचिन सर ओपी नाइन थर्टी सर हाँ अभी टाइम है बेटा ब्रेक में ठीक है हम लोग पढ़ने वाले हैं और सर यहां पर हम ग्राफ बना रहे हैं समझदार लोग जल्दी से ठीक है भैया लो फटाफट फड़ सर क्या क्या कैलकुलेट करना था हमने इसमें ए निकाल लिया ए आया माइनस वन बी आया फाइव सी आया माइनस सिक्स ठीक है सर बाकी तो सब ठीक है आप चिल्लाते बहुत ठीक है, हाँ। है भैया धीरे धीरे सुनो <laughs> ना <laughs> इधर देखो ये ठीक है क्या ए माइनस वन बी फाइव और सी माइनस सिक्स ठीक है हाँ सर ठीक है क्या कैलकुलेट करना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर वर्टेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्टेक्स। क्या होगा जरा बोला माइनस बी अपॉन टू ए आपने बोला था वैल्यू साइन के साथ पुट की जाएगी कर दिया माइनस बी बी की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी डिवाइडेड बाय फोर ए जो जो मैंने रखा है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो विद साइन रखा है आपके भी कैलकुलेशन एरर बच जाएगा लो सर ठीक है ये तो काम खत्म ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा प्लस फाइव अपॉन टू देखना जरा सामने और सर ये नेगेटिव साइन ये नेगेटिव साइन उड़ा दो सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर तीन नेगेटिव साइन ध्यान रखना प्लस तो मतलब माइनस 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 तीन नेगेटिव मतलब माइनस पच्चीस माइनस चौबीस एक और ये आ गया सर एक बटे चार ये इसका वर्टेक्स आ गया बस काम खत्म और सर एक ही वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब ये बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड <laughs> सर ग्राफ समझ में आ गया क्या जी बिल्कुल आ गया लेओ। सामने देख रहे हैं ना ये रही एक्स एक्सेस ये रही वाई एक्सेस ग्राफ बनाने का तरीका सर आपने बड़ा सिंपल सा बताया कि वर्टेक्स को लोकेट कर लो वन टू फाइव बाई टू यहां कहीं होगा और वन बाय फोर यहां कहीं होगा दिस इज वन बाय फोर और ये वाली वैल्यू है फाइव बाई टू दिस इज टू दिस इज वन और यहां कहा है थ्री ना सर वर्टेक्स आपने एक बार लोकेट कर लिया उसके बाद में आपको देखना है एक ही तरफ ए नेगेटिव है ओपनिंग डाउनवर्ड और अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो क्या करें <laughs> सर ये ओपनिंग डाउनवर्ड वाला पैराबोला उठा लो जस्ट इमेजिन सर ये उठा लिया वापस वही ये लाके यहां रख दिया तो जब आपने यहां रखा तो मुझे एक बात बताओ यार ठीक है मुझे एक बात बताओ थोड़ा सा ना सेटिंग चेंज कर लेते हैं सर किस लिए क्योंकि कुछ और चमत्कारी बातें भी बतानी है ठीक है टू को यहां कहीं ले लिया ओपनिंग डाउनवर्ड वाला पैराबोला इस वर्टेक्स पे लाके रखा तो लो सर ठीक है अरे सर ये तो अजीब शक्ल का है लो भैया अब ठीक है क्या हाँ सर ठीक लग रहा है ओपनिंग डाउनवर्ड वाला पैराबोला कोई दिक्कत? कोई दिक्कत c, c की वैल्यू है माइनस सिक्स और सर ये वाला जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट जीरो माइनस सिक्स ठीक है ऑब्वियसली वाई एक्सिस को नीचे की तरफ काट रहा है तो नेगेटिव ही वैल्यू आएगी आई बिलीव बात समझ में आती है नाउ एक और ज्ञान की बात एक और ज्ञान की बात विद रिस्पेक्ट टू डी ठीक है जी फटाफट पड़ देखना ए के रिस्पेक्ट में तो आपने बताया डी के रिस्पेक्ट में क्या होता है अगर डी पॉजिटिव हो और अगर डी जीरो हो और अगर डी नेगेटिव हो ध्यान सुनना मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के समझ में आ गया कि सर डी का कैसे पता चलेगा डी का कैसे पता चलेगा वैसे आप मेरे ख्याल से इधर से ही बता सकते हो यार एक ग्राफिकल डेफिनेशन सुनो, सुनो जीरोज की या रूट्स की सर जीरोज की या रूट्स की ग्राफिकल डेफिनेशन क्या होती है वो सुनना कुछ लोग बोल रहे हैं रॉन्ग 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 कौन सी चीज रॉन्ग है भाई फाइव बाई टू वन बाई फोर टू और थ्री ठीक ही तो लग रहा है जल्दी से जिन लोगों को समझ में आ गया थम्स अप भेज दो जल्दी 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 एवरी वन आई बिलीव आपको बात समझ में आती है हां जी सर आती है आती है आती है हाँ आप डी के बारे में कुछ चर्चा बता रहे थे उससे पहले एक छोटी सी बात सुनी जहां पर क्वाड्रेटिक का ग्राफ आराम से सुनिएगा मैं लिख नहीं रहा हूं आप लिख सकते हो जहां पर क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है कौन सी एक्सिस को एक्स एक्सिस को को वो वाला जगह है, या फिर वो वाले पॉइंट होते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक वो दोनों क्या होते हैं सर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक समझ में आया तो अगर मैं पूछूं कि इसके रूट्स कौन कौन से हैं तो एक है टू और एक है थ्री आप इसको आराम से जीरो के बराबर इक्वेट करके रूट्स निकाल सकते हो ठीक है नाउ सर ये रूट्स हमें पता चल गए जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा वो रूट्स होंगे एक सेकंड सर फिर ये तो कभी एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा अगर ये कभी एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा तो इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं रूट्स आर इमेजिनरी कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को नहीं काटे तो इसका मतलब उसके रूट है ही नहीं ठीक है तो इसके रूट क्या है इमेजिनरी बात समझ में आई कि नहीं आई सर ये दो अलग अलग जगह काट रहा है तो इसके रूट जो हैं वो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं इन्हीं बातों को मैं यहां पर एक्यूमुलेट कर रहा हूं अगर d पॉजिटिव हो तो भैया ग्राफ जो है वो x एक्सिस को पक्का दो जगह काटेगा या तो ऐसा ओपनिंग अपवर्ड बना तो या ऐसा अगर ओपनिंग डाउनवर्ड बना तो और अगर सर d हुआ जीरो के बराबर डी हुआ जीरो के बराबर इसका क्या मतलब सिखाया था ये बताओ जल्दी से सर आपने बताया था कि इक्वल डी पॉजिटिव होने का मतलब है आर इक्वल जब रूट्स इक्वल होते हैं तो ये एक्स एक्सिस को काटता नहीं है टच करके निकल जाता है ऐसे ठीक है और सर ओपनिंग डाउनवर्ड हुआ तो ऐसे सिर्फ एक्स एक्सिस बनाई जा रही है और ग्राफ के रिस्पेक्ट में बातें की जा रही है दीज ऑल आर एक्स एक्सिस और अगर डी नेगेटिव हुआ तो सर तो बता दो तो ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा या तो पूरा का पूरा ऊपर या पूरा का पूरा नीचे ठीक है समझ में आया कुछ लोग जो है सर ये लो ऐसा भी तो हो सकता है <laughs> नहीं भैया ये नहीं चलेगा क्योंकि पैराबोला इतना ही नहीं होता ये आगे बढ़ेगा तो ये एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली बात हो गई ऑलवेज रिमेंबर कम सोचना है ज्यादा नहीं पूरा सोचना है आधा नहीं समझ में आया ये ज्यादा सोचने वाले लोग कि सर इसको उठा के नीचे ले आए ऐसा नहीं होता है पैराबोला बढ़ता है समझगा तो फटाफट डी का रोल समझ में आया ग्राफ पे क्या होता है हाँ सर इसको कॉमन सेंस से भी रिलेट कर सकते हैं अगर डी पॉजिटिव आ रहा है मतलब दो अलग अलग रूट होंगे वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह काटेगा सर डी जीरो आ रहा है मतलब इक्वल होंगे तो वो ग्राफ सिर्फ टच करके निकल जाएगा और डी नेगेटिव आ रहा है तो रूट कैसे होंगे इमेजिनरी तो वो कभी ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं चलिए भैया इतना ज्ञान देने के बाद में और ग्राफ समझाने के बाद में ये लो आईआईटी में इस वेराइटी का सवाल पूछा जा चुका है सवाल क्या है जरा सामने देखिएगा प्लीज क्या है सर कमेंट ऑन द साइन ऑफ ए बी सी एंड कैपिटल डी फॉर द फॉलोइंग और सर ये बात किसके लिए पूछ रहे हो फॉर दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको दिया गया है आपको ए का साइन बताना है वैल्यू नहीं साइन मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव बी का साइन बताना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव और सी का साइन बताना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव और डी का साइन बताना है पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो ठीक है फटाफट 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 जल्दी से ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और इसका जवाब मुझे दे दीजिए प्लीज घबराइए नहीं यहीं पर यूं थोड़ा सा पानी पीने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है फटाफट जवाब बता दीजिए प्लीज कुछ लोग बोल रहे हैं सर हंगरी हाँ ये एक देश होता है शायद फीलिंग बता रहे हो कि देश बता रहे हो सर फीलिंग बता रहे हैं भूख लग रही है हमें आप पता नहीं कहां जाके बोले जा रहे हो लो भैया ठीक है जल्दी से आई होप एंड बिलीव बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया ए बी सी डी ठीक है डी कैपिटल है ठीक है सर लो 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 जल्दी से देखो सबसे आसान कौन से साइन होते हैं सबसे आसान जो सिंबल्स हैं सबसे पहले मैंने पूछा ए कैसा होगा सर हमने ये देखा ए का रोल होता है ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड ये बन रहा है ओपनिंग डाउनवर्ड तो ए होगा बेटा नेगेटिव नेगेटिव होगा बिकॉज ओपनिंग डाउनवर्ड है अगर ओपनिंग अपवर्ड होता तो पॉजिटिव होता ठीक है जी फिर उसके बाद में बी सबसे मुश्किल है या बी को सबसे लास्ट में जज करना चाहिए फिर आ जाओ डी पर मेरी बात अगर आप तसल्ली से सुन रहे हैं तो बिल्कुल डाउट नहीं आएगा डी कैसे जज करें डी आप सिर्फ ये देखो क्या ग्राफ एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह काट रहा है क्या हाँ सर एक्स एक्सिस को अगर वो दो अलग अलग जगह काट रहा है तो ऐसा तो केवल तभी होता है जब डी पॉजिटिव हो तो डी का साइन आपको पता चला हाँ जी सर डी होगा पॉजिटिव फिर सर सी को भी आप एक ही झटके में देख के बता सकते हो ए डी और सी जहां पर ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है जहां पर ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को देखो अगर वो पॉइंट ओरिजिन के ऊपर हो तो सी पॉजिटिव अगर वो पॉइंट ओरिजिन के नीचे हो तो फट मन हां जी सर बिल्कुल नेगेटिव। ओपनिंग डाउनवर्ड की वजह से डी पॉजिटिव क्योंकि दो अलग अलग जगह काट रहा है हर एक को देखने का तरीका अलग है ध्यान रखना किसी एक को दूसरे के साथ मिक्स मत करना ठीक है ए का अलग रोल है डी का अलग सी का अलग यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ना बी को जज करने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको देखनी पड़ेगी और फिर वो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी देखकर आपको क्या पता चल रहा है इसका वर्टेक्स कहां लाया कर रहा है सर ये रहा वर्टेक्स और ये कौन से क्वाड्रेंट में है सर ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में है भैया दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एक बार बताओ इसका आपने हमें एक्स कॉर्डिनेट बताया था केवल वर्टेक्स का एक्स कॉर्डिनेट देखो ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है ट्रिकी मतलब इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो सर बी को जज करने के लिए आप चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब मतलब आप चलो वर्टेक्स के एक्स कॉर्डिनेट पे दिए गए ग्राफ में वर्टेक्स का एक्स कॉर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है देख के पता चल रहा है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कॉर्डिनेट कैसा होता है सर पॉजिटिव दिस साइन इज ऑलरेडी फिक्स्ड साइन इज ऑलरेडी फिक्स माइनस बी अपॉन टू ए की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए अच्छा, रुको, रुको, रुको. बोला शायद सही था और लिख गलत दिया सी की जो वैल्यू है सर वो सी तो ऊपर लाई कर रहा है ना तो सी की वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव ठीक है जी धन्यवाद यही फायदा है लाइव क्लास का कि मैं कोई गलती करूं तो तुम बता देना और तुम कोई गलती करो तो मैं बता दूंगा ठीक है चलिए सर सी पॉजिटिव बिकॉज वो ऊपर लाइक आ जाओ सर यहां देखा ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए इसमें से आपको किस किस का साइन पता है सर का पता है ये वाला जो ए है ये नेगेटिव है पहले ही डिसाइड कर चुके हैं ए इज नेगेटिव ठीक है ए नेगेटिव है? है और ये एक और नेगेटिव साइन है तो बी का कौन सा साइन मैं लू बी का कौन सा साइन लू

सिर्फ थम्सअप भेज दो की बात समझ में आती है कि नहीं हाँ बी है पॉजिटिव बी है पॉजिटिव बी है पॉजिटिव बी पॉजिटिव हाँ सर ये ब्लड ग्रुप भी हो गया और ये एक ज्ञान की बात भी हो गई कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए इसको पेल मत देना भैया इधर हमेशा कि हाँ सर बी हमेशा पॉजिटिव ही होगा हमें तो बोला गया बी पॉजिटिव तो हम हमेशा बी को पॉजिटिव ही कर देते हैं ऐसा नहीं है वो सब बकवास बातें हैं ये देखो क्या ये बात समझ में आती है जी लो भैया जो भी समझ में आया वो इस पे लगा दो जल्दी से ठीक है इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बता दू जो वर्टेक्स है ना वो यहां है दिस इज द वर्टेक्स ठीक है वर्टेक्स आपको दिया जाएगा पूरा पूरा बहुत सही बहुत सही कुछ लोग बोल रहे हैं सर रिपीट वाला। रिपीट बी बी वाला वाला चलिए इस पे समझा दे रहा हूं फिर खुद सीख लेना एक बार पीछे जाके ठीक है रिपीट बोलने की जगह ध्यान से सुनोगे तो ज्यादा समझ में आएगा चलो सर अब फटाफट -भट देखना स्टार्ट करते हैं अब हमें बात समझ में आ गई देखना जरा ए का साइन सर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो नेगेटिव बी का साइन सर ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा कभी भी तो पक्का डी नेगेटिव रहा होगा ठीक है जो मैं बोल रहा हूं उसको तसल्ली से सुनोगे तो बात समझ में आएगा सर सी का साइन सी कहां पर है भैया सर जहां पर ये वाई एक्सिस को कट करता है ना वो वाला पॉइंट देखने के लिए बोला था और अब की बार वो वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन के नीचे लाया करता है तो ये भी नेगेटिव सारे नेगेटिव सर व्हाट अबाउट बी बी को जज करने के लिए आपने हमें एक कहानी सुनाई वो कहानी फिर से सुना रहा हूं और कोऑर्डिनेट क्या होगा कहां प्रेजेंट है अब की बार वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहां प्रेजेंट है? है सर ये कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट सेकंड, थर्ड सर ये वाला है थर्ड क्वाड्रेंट में केवल वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखना है ठीक है पूरे ग्राफ को कुछ लोग बोलेंगे सर थर्ड और फोर्थ मैं यह नहीं पूछ रहा पूरा ग्राफ किस में केवल वर्टेक्स किसमें है सर थर्ड में. थर्ड में, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है सर नेगेटिव होता है ठीक है मतलब माइनस बी अपॉन टू ए का साइन पहले ही फिक्स हो चुका है कि वो नेगेटिव आएगा जी बिल्कुल इनस बी अपॉन टू ए का साइन पहले ही फिक्स हो चुका है कि वो नेगेटिव आएगा अब तुम मुझे एक बात बताओ इसमें से किसका साइन तुम्हें पता है सर ए का साइन पता है ए क्या है नेगेटिव तो एक बात बताओ अगर मैं इस फॉर्मेट को देखूं एक ऊपर लगा हुआ है साइन सर बी का साइन हमें नहीं पता वो जज करना है टू जो है वो तो पॉजिटिव ही है और ए जो है वो नेगेटिव है ठीक है अब आपको ये यह यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह एक ऐसा साइन रखना है कि ये पूरा का पूरा क्या आ जाए नेगेटिव सर ये साइन कैसे डिसाइड हुआ नेगेटिव वाला क्योंकि ये, तो ये, ये तो जगह कौन सा साइन होना चाहिए था ये जाएगा पूरा का पूरा नेगेटिव। तो आंसर है सर बी को भी नेगेटिव ही होना पड़ेगा बहुत बढ़िया ऑल नेगेटिव ऑल नेगेटिव ऑल नेगेटिव, नेगेटिव हाँ सर पिछली बार बी पॉजिटिव था अब बी नेगेटिव हो गया तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है और अगर समझ में आती है तो फिर एक मजेदार सवाल फटाफट कर लेंगे आप जी बिल्कुल जल्दी से देखिएगा प्लीज जल्दी से देखिएगा इस सवाल का जवाब हम कैसे लिखने वाले हैं ठीक है जी एफएक्स पढ़ लो पहले एक बार सवाल फिर मुझे आ, कुछ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एक सेकेंड मुझे दीजिएगा और आप इस सवाल का जवाब बताओ मेरी आवाज आ रही होगी और आपने सर ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया हमने अच्छे से ना कैसे करना है सर इसको एक बार जरा देखना फटाफट पट. ठीक है कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रेक 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 अरे भाई अभी हौसला रखो अभी तो हम बोल रहे हैं ना 50 परसेंट पे आए अभी 50 परसेंट पढ़ा है तो थोड़ा सा इतमान रखिए प्लीज ना क्या जानकारी दी गई सर उसको ध्यान से देख लेते हैं ये क्वाडिटिक फंक्शन दे रखा है बहुत बढ़िया लिख लो सर यहाँ पे अलग से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है ए बी सी रियल नंबर्स है हैज नॉन रियल रूट हैज नॉन रियल रूट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्राफिकल मतलब आपको क्या समझ में आता है हैज नॉन रियल रूट मतलब उसके रूट रियल नहीं है ग्राफिकली क्या हो रहा होगा मन ही मन में बताओ यार मेरे तक आवाज पहुंच जाएगी मन ही मन में बताइए सर नॉन रियल रूट्स का मतलब उसका d नेगेटिव रहा होगा नॉन रियल रूट्स का मतलब उसका डी नेगेटिव रहा होगा और अगर उसका डी नेगेटिव है तो इसका मतलब है ग्राफ विल नॉट कट एक्स एक्सिस ग्राफ विल नॉट कट एक्स एक्सिस ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कभी नहीं काटेगा ठीक है जी समझ पा रहे हो मेरी बात ऐसे टाइप के क्वेश्चन जे एडवांस में आते हैं ध्यान रखिएगा प्लीज तो सर ये कभी ग्राफ इस बात का मतलब ये है ग्राफिकली यहां आ जाओ अब फिर से एक ऑब्जर्वेशन कितने लोगों को यह वाली बात जो यहां पे लिखी हुई है क्या फोर ए माइनस टू बी प्लस सी लेस देन जीरो बताओ इसको देखना जरा एक बार इस को। और यहां से देखने के बाद में देखना कुछ लोग ठीक है सर ऐसे नहीं देखना है कुछ चीज सोच के देखनी है क्या यहां से यहां जाते वक्त x की जगह कुछ रखा गया है दिमाग से ज्यादा नजरें भी चलनी चाहिए या दिमाग के पैरेलली आपको गणित के सवाल में नजरें भी चलानी पड़ेगी जल्दी जल्दी बताओ सर यहां से यहां आते वक्त उसने x की जगह क्या रखा है माइनस टू तो क्या मैं ये बोल सकता हूं f ऑफ माइनस टू रखा हुआ है ये बात ये दे रखी है। मतलब आप इसमें x की जगह माइनस टू रख दो तो यह बन जाएगा f ऑफ माइनस टू और वो दे रखा है नेगेटिव ठीक है एक चीज दो चीज इन दोनों को सेटिस्फाई करते हुए एक ग्राफ बना दो ठीक है सर ये कैसे पता चला माइनस टू एफ ऑफ माइनस टू मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है ना माइनस टू पर जब आप उसमें एक्स की वैल्यू माइनस टू रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्वाड्रेटिक का जवाब नेगेटिव आ रहा है मतलब उस टाइम पे क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस के नीचे है इस बात का मतलब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए प्लीज ठीक है ये गणित में लिखी हुई बात है जिसका सीधा सीधा मायने है कि भैया माइनस टू पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है माइनस टू पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है अब इन दोनों बात को इन दोनों बात को अगर मैं सेटिस्फाई करता हुआ एक ग्राफ बनाऊं ध्यान सुनना सिर्फ एक्स एक्सिस का रोल है वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है पहली वाली बात तो बोल रही है कि सर कभी ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा ठीक है तो नहीं काटेगा या तो ऊपर बनेगा या फिर एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा यही दो केस हो सकते हैं और सोचो कोई और केस हो सकता है क्या नो सर ये वाली बकवास मत कीजिएगा प्लीज इसका कोई सेंस नहीं है दिस इज इलॉजिकल ठीक है जी या तो ये या तो ये इस वाली बात से ये वाली बात बोल रही है कि माइनस टू पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव आ आ रही है. आ रही है है मतलब ग्राफ एक्सिस के नीचे है तो इन दोनों में से कौन सा फेवरेबल है सर ये वाला ठीक है. है कौन सा फेवरेबल है ये वाला ठीक है ठीक है सर ना तो ग्राफ बनेगा ऐसा सर आपने इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस बनाई है एक्सिस कहा है तो अगर मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं वाई एक्सिस का यहां पे कोई रोल नहीं है ठीक है जी कैसे भी बना लो वाई एक्सिस कुछ लोग बोलेंगे सर यहां बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ लोग बोलेंगे यहां बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ लोग बोलेंगे यहां बना ले तो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कोई भी एक जगह बना लो जो आपको अच्छी लगे ये ठीक है तो मैंने वाई एक्सिस यहां बना दी दिस इज द प्रोजेक्टेड ग्राफ फ्रॉम दीस टू इंफॉर्मेशन ये बना दिया कोई दिक्कत किसी को नो no, सर और माइनस टू पर जो है वो फंक्शन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव ठीक है देख सकते हो माइनस टू पे ग्राफ एक्सिस के नीचे है ना अब तुम मुझे का मौका नहीं। मम्मी को मार के बोल दीजिए कि भैया खाना एकदम तैयार रखना सब्जी वब्जी सब जची हुई होनी चाहिए मैं आऊंगा खाऊंगा और निकल जाऊंगा मैं मतलब तुम्हारी बात कर रहा हूं ठीक है क्योंकि अगला जो ब्रेक होगा वो मेयरली पंद्रह ही मिनट का होगा उससे ज्यादा नहीं होगा ठीक है चलिए वो बोल रहा है इन में से कौन-कौन सी स्टेटमेंट सही फटाफट पड़ देखना जरा सर ये वापस सारा खेल ऑब्जर्वेशन चढ़ने लगी, लगी है जिसके लिए लोग बोलते हैं है। है जब तुम्हें कुछ नहीं आता सर अगर ऐसे बिंदास तरीके से समझाओगे फिर तो नहीं लग रहा डिफिकल्ट अब तक कहीं डिफिकल्टी जिन लोगों को लग भी रही है वो भी सोच रहे हैं बोलूं कि नहीं बोलूं <laughs> कोई डिफिकल्टी नहीं है सामने देखो ये क्या लिखा हुआ है भैया जैसे तुमने यहां पर ये वाली बात पकड़ी कि ऑफ लिखा हुआ है इज दिस सर आपकी स्पीड तेज होगी शायद <laughs> नहीं भैया सेम है सर ये लिखा हुआ है ऑफ नेगेटिव वो बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू वन पर भी नेगेटिव आएगी <laughs> वन कहीं पर तो होगा जी बिल्कुल वन कहीं पर तो होगा ये रहा वन क्या इस पे भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है क्या मतलब कि क्या ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है जी हां तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये टीरू है कि फॉलस सर ये है टीरू कैसी है ट्रू कोई दिक्कत नहीं है सही लिखा हुआ है। दूसरी पर आ जाओ सर दूसरी पर आने के लिए पहले मुझे ए का साइन बताओ सर ओपनिंग डाउनवर्ड है इस वजह से ए नेगेटिव और कोई सा भी ग्राफ बनाओगे उसमें ग्राफ हमेशा बाई एक्सिस को नीचे ही काटेगा ओरिजिन के तो सी भी कैसा हो जाएगा नेगेटिव दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट कैसा होता है पॉजिटिव वाह सर क्या राग में बता रहे हो ए इंटू सी क्या होता है पॉजिटिव तो लो भैया सर वो बोल रहा है है। बोल रहा है है ए सी नेगेटिव बोल है ठीक है गलत बोल रहा है वो बात गलत लिखी हुई है ठीक है मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है सर ये अगली बात ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि जब क्लास में टीचर बताता है हमें समझ में आ जाता है बट सर वो क्लास में हमें बात बताई जाती है हिंदी में लिखी हुई या फिर वो बोल के बता देते हैं सर ये बातें सब गणित में लिखी हुई है क्या बोल रहा है ध्यान सुनना और समझ के मुझे मतलब भी बताना वो बोल रहा है ये जो क्वानिटी है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये नेगेटिव होगी फॉर एवरी रियल एक्स ये वो ये बोलना चाह रहा है कि आप चाहे कोई सा भी एक्स रख लो एवरी रियल एक्स जीरो रखो वन रखो वन पॉइंट फाइव रखो रूट थ्री रखो रूट इलेवन रखो रूट फिफ्टी एट रखो पाए रखो ई रखो जो भी रियल नंबर आपके दिमाग में आता है वो सारे रखो इस क्वालिटी का जवाब हमेशा नेगेटिव आएगा हाँ जी सर वो दिख ही रहा है ये हमेशा एक्सिस के नीचे है कोई से भी पे जाओ और फिर ग्राफ पे जाओ तो आप एक्स एक्सिस के नीचे ही लाइक करोगे तो दिस स्टेटमेंट इज थर्ड वाली स्टेटमेंट कैसी है ट्रू या फॉल्स ऑब्वियसली फॉल्स सॉरी ऑब्वियसली ट्रू सही है सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है बोलिए हाँ है ना कोई दिक्कत रिपीट कौन सा जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए कोई बोल रहा है कि सर रिपीट कर दीजिए लास्ट वाला भैया वो लिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक का जवाब हर एक्स के लिए नेगेटिव आएगा सही तो है कोई सा भी एक्स के देखो ये ग्राफ हमेशा x एक्सिस के नीचे है <laughs> तो सर हमेशा जवाब नेगेटिव आएगा बहुत बढ़िया कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप कहां से हो मैं फिजिक्स वाला से हूं टी शर्ट पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा <laughs> सर वाह सवाल भी ओपी और जवाब तो सुपर ओपी चलिए भैया इसके बाद में हम चलते हैं इसके बाद में हम चलते हैं अगले और मजेदार पार्ट पे ठीक है अगले और मजेदार पार्ट पे ठीक है एक सेकेंड मैं देख रहा हूं कि आपको कौन सा सवाल करवाना है ठीक है लो फटाफट एक और फटाफट चिंटू कैंडी सवाल मतलब ये सवाल भैया एडवांस टाइप है थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है देख लीजिए पढ़ लीजिए और जवाब बता दीजिए जल्दी 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 जल्दी, जल्दी, जल्दी। हां ब्रेक मिलेगा बेटा घबराइए नहीं ब्रेक मिलेगा मुझे भी ब्रेक चाहिए तुम्हें भी ब्रेक चाहिए मिलेगा ब्रेक पहले यहां देखो पढ़ लो आराम से ग्राफिकल अप्रोच ध्यान में रखते हुए जवाब बताना है ग्राफिकल अप्रोच ध्यान में रखते हुए जवाब बताना है सर इसमें मिक्स चलेगा ग्राफिकल भी और थ्योरेटिकल भी ना क्या दे रखा है सामने देखो एक फंक्शन है एक फंक्शन है एफ एक्स और कैसा फंक्शन है सर क्वाड्रेटिक। बहुत बढ़िया बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो जानकारी क्या लिखी हुई है एफ एक्स ग्रेटर टू जीरो बहुत बढ़िया फॉर ऑल रियल एक्स एक्स की सारी वैल्यूज के लिए जो फंक्शन है वो जीरो या जीरो से बड़ा है इसमें कोई परेशानी सर नहीं है ठीक है जी। और f of two, zero आ रहा है, एक बात बताओ, किसी quadratic में आपने टू रखा और वो क्वाड्रेटिक जीरो हो गई इस बात का क्या आपको मायने समझ में आ रहे हैं x इक्विस टू टू इज ए रूट x इक्विस टू टू जो है वो क्या है उसका

एफ ऑफ टू एक्स इक्व टू इज द रूट ठीक है नाउ एक और जानकारी दे रखी है F of four जो है वो 12 है जो वो आप मनी मन में समझ गए होंगे हाँ सर, ऐसे सवाल हमें डिफिकल्ट लगते हैं सोचने का तरीका बताया जा रहा है इधर उधर की फालतू बातों पे ध्यान दोगे तो शायद ये तरीका मिस हो जाए तो सर नजरे, स्क्रीन पर ठीक है जी नाउ एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन तीसरी इंफॉर्मेशन और चौथी बात उसने पूछ ली अब मेरी बात ध्यान से सुनी सर no, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए मतलब इससे समझ में आता है ग्राफ विल टच और लाइज एक्स एक्सेस। गुस्सा काहे आ रहा है सर <laughs> गुस्सा नहीं आ रहा है भाई मैं तो इस बात का मतलब बता रहा हूं क्या <laughs> फिर चिल्ला रहे हो

क्योंकि उसने बोला है फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी मतलब कट कर no, नहीं करते उनका तो कोई रूट होता और यहां बोल रहे हो कि रूट है ठीक है तो फिर सर इसका ग्राफ बनेगा कैसे ध्यान से सुनना मेरी बात सर दो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इसका ग्राफ बनेगा बेटा ऐसे ठीक है इसका ग्राफ बनेगा ऐसे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक्स एक्सिस को और ऊपर भी लाए कर रहा है मतलब जो ग्राफ की वैल्यू है या फिर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो जीरो हो रही है कभी-कभी एक पॉइंट पर या फिर हमेशा पॉजिटिव है ठीक है नाउ सर आपने हमें ये बताया था जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है या फिर टच करता है वो उसका रूट होता है ठीक है तो जहां पर ये कट करेगा या टच कर रहा है दैट इज द पॉइंट x 2 सामने सुनना जरा थोड़ी सी थियोर इंफॉर्मेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अच्छा इसका अगर मैं आपसे डी पूछू तो डी कैसा है सर जीरो बिकॉज ये टच कर रहा है टच क्यों नहीं करेगा वो मैं समझ, आ, मतलब टच के अलावा कोई दूसरा ग्राफ क्यों नहीं बनेगा वो मैं समझा चुका हूं सर डी जीरो हो गया मतलब रूट्स आर इक्वल रूट्स आर इक्वल दी गई जानकारी में एक और जानकारी निकली अगर रूट्स इक्वल है तो सर एक रूट अगर टू है तो यहां से बात समझ में आई बोथ रूट आर टू बोथ रूट आर टू उसके दोनों ही roots are two होंगे <laughs> दोनों ही रूट क्या होंगे two होंगे कैसे पता चला एक दिया था उसने तो दो कैसे क्योंकि ये ग्राफिकल कंस्ट्रेंट जब इस पर इंपोज किया तो ये ग्राफ बना जिससे डी पता चला जीरो होगा इसके अलावा कोई और ग्राफ नहीं मिलेगा ठीक है वो कोई लोग बोल रहे हैं सर why can't this cut the लो सुनो भैया ये रही एक्स एक्सिस कोई बच्चा बोले कि लो सर ऐसा ग्राफ क्यों नहीं बना तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसने बोला है कि फंक्शन का ग्राफ ऑल रियल सारी X की वैल्यूज के लिए या तो जीरो के बराबर है या जीरो से ऊपर है तो एक बार बताओ सर इतना वाला जो पार्ट है एक्स एक्सिस का उसके लिए ग्राफ तो नीचे चला गया एक्स एक्सिस के तो ये वाले जो एक्स आप लोगे उनमें तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ये वाले जो एक्स लोग उन पर नेगेटिव आएगी ये वाली बात फिर से खराब हो गई इस वजह से ये वाला ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा आई होप मैं समझा चुका हूं और सर आप हमें ऐसे डाउट बता भी रहे हो जी बिल्कुल जो समझने और पढ़ने वाले लोग हैं उनकी तो बात का जवाब देना बनता ही बनता है ये बात समझ में आती है हाँ सर तो एक बात बताओ अब स्टार्ट करते हैं एफ एक्स एक बात बताइए अगर मैं आपको कोई एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाने के लिए बोलूं जिसके दोनों ही रूट टू हैं तो क्या आप वो क्वाड्रेटिक बना सकते हो एक्स स्क्वायर हाँ सर यहां पर आता है सम दोनों रूट अगर टू है तो सम आ जाएगा फोर और अगर दोनों रूट टू है तो उनका प्रोडक्ट आ जाएगा मैंने मैंने वो वाली बना ली, मैंने वो वाली वाली क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बना बना ली ली जिसके दोनों रूट टू हो ठीक है जिसके दोनों रूट क्या हो टू ब्रेक अभी मिलेगा घबराइए नहीं इस सवाल के बाद तो अभी इस ध्यान से समझो ठीक है सर दोनों रूट टू है आपने ये क्वाड्रेटिक बना ली ना अब एक ध्यान से और ज्ञान की बात जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो तो यहां तक काम चल जाता है उसमें बराबर जीरो होता है जब भी आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाओ तो पूरे के साथ एक के जरूर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे के साथ हमेशा यहां पर एक कॉन्स्टेंट के जरूर मल्टीप्लाई कर लेना इक्वेशन में हमें इस के की जरूरत नहीं पड़ती क्यों क्योंकि मान लो सर आप अगर ये के मल्टीप्लाई करते ध्यान सुनना यार फिर मत बोलना सर कंफ्यूज कर रहे हो कभी कभी के लगा दे रहे हो कभी कभी के हटा दे रहे हो तो आप ऐसे समझो कि ये के हर जगह आता है बट ये इक्वेशन में क्यों चला जाता है बिकॉज इस के को डिवाइड कर दो तो ये आपको दिखता नहीं बट सर एक्सप्रेशन में ये गायब नहीं होगा ये एक्सप्रेशन में यही रहेगा तो so फाइनली आपने बॉटम लाइन या फिर समझने वाली बात क्या बोली कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक बनानी हो जब आपको रूट्स पता हो तो क्वाड्रेटिक के बाहर पूरे के मल्टीप्लिकेशन में के जरूर लगा देना इक्वेशन में भी लगा दो बट वो गायब हो जाएगा जब डिवाइड करोगे तो बट वो एक्सप्रेशन में बचता है इसको डिवाइड करके गायब नहीं कर सकते ठीक है सर ये क्या लिखा हुआ जरा बोलना सर ये लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर के इन टू एफ एक्स बराबर के इन टू सर ये समझ में आ गया दिस इज एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ठीक है जी k की वैल्यू निकालने के लिए उसने एक जानकारी दी है अगर आप इसमें x की वैल्यू फोर पुट करते हो नजरें स्क्रीन पर ही होंगी बिकॉज अगर इधर नजरे हैं तो फिर <laughs> तुम जानते ही हो परिणाम क्या होगा लो सर x की जगह पुट कर दिया बिकॉज मुझे एफ ऑफ फोर की जानकारी दे रखी है तो सर यहां पुट किया ये आ गया फोर यहां पुट किया फोर माइनस टू टू का स्क्वायर फोर और सर एफ ऑफ फोर हमें कितना दे रखा है ट्वेल्व सर के की वैल्यू कितनी आ गई थ्री के की वैल्यू कितनी आ गई भैया थ्री फाइनली जो फंक्शन बन के आया फाइनली जो फंक्शन बन के आया वो क्या फंक्शन आया जल्दी से बताना जरा सर वो आ गया थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ठीक है इसको याद रखिएगा प्लीज यही हमारा फंक्शन है ना <laughs> सर वो क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है एफ ऑफ सिक्स इसमें एक्स की वैल्यू सिक्स फूट कर दो। दोनस टू का होल स्क्वायर सर ये आ गया थ्री और ये कितना लिखा हुआ है फोर फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू थ्री इज फोर्टी एट क्या आपको फोर्टी एट ऑप्शन में दिख रहा है क्या हाँ सर ऑप्शन इज सी जल्दी से बताओ बात समझ में आई कि नहीं थम्स अप वाला कमेंट करके जल्दी 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 हाँ जी ब्रेक लेंगे जल्दी 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 <laughs> कुछ लोग बोल रहे हैं सर यहां कब आओगे और वहां कब आओगे भैया नजरें स्क्रीन पर रखो क्योंकि पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान रखो इधर उधर की बातें मत कीजिए प्लीज डू यू ऑल एग्री विद दिस डू यू ऑल एग्री विद दिस जल्दी बताइए प्लीज ठीक है डिस्टिंक्ट रूट का क्या मतलब होता है डिस्टिंक्ट रूट का मतलब होता है बेटा दोनों अलग अलग रूट हो मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग डिफरेंट एक रूट टू एक रूट थ्री इनको बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट ठीक है हां जी मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं अब जवाब दूंगा फटाफट एक बोल रहा है रिपीट रिपीट देखो भाई ये इंफॉर्मेशन बोलती है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो टच करेगा मतलब कभी कभी जीरो होगा या ऊपर लाइक करेगा तो उससे दो ही पॉसिबिलिटी बनी या तो ऐसा या ऐसा सर, ऐसा सर क्यों नहीं क्योंकि ये तो ग्राफ एक्सिस के नीचे आ गया इस वजह से ठीक है और फिर अगली इंफॉर्मेशन में बोला गया कि वो टू पर जीरो करेगा तो मतलब वो टच करेगा और फिर सर इसमें तो आपको समझ में आ गया और जैसे ही उसने बोला कि एक्स एक्सिस को टच करेगा तो हमें पता चला डी जीरो है दोनों रूट्स बराबर हैं और दोनों रूट्स बराबर वाली क्वांटिटी ये होती है आपने बोला कि हमेशा मल्टीप्लीकेशन में रखना चाहिए चाहे आप एक्सप्रेशन बनाओ या फिर आप इक्वेशन बनाओ परंतु इक्वेशन में ये के गायब हो जाएगा के से डिवाइड कर दो एक्सप्रेशन में ये गायब नहीं होगा और के, के मायने हैं ध्यान रखना समझ में जो लोग यहां पर के नहीं लगाएंगे उनका आंसर ही मैच नहीं करेगा एफ ऑफ फोर उनका ट्वेल्व नहीं आएगा तो हमने के की वैल्यू निकाली पहले एफ ऑफ फोर बराबर ट्वेल्व रख के और फिर हमने एफ ऑफ सिक्स निकाला ठीक है जी के से क्यों मल्टीप्लाई किया ठीक है बिकॉज के से मल्टीप्लाई करने पर बहुत सारी ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछू ये तुम अब बढ़ाए जा रहे हो ज्ञान को जैसे मैं पूछूं कि एक पूछूंटिटिक बनाओ जिसके रूट थ्री और टू हो मतलब और हो तो आप बोल दोगे ये वाली क्वाडिटिक बट सर इसको अगर आप के से मल्टीप्लाई करते हो और के वैल्यू मान लो आपने फाइव रख दी तो ये वाली जो क्वाडिटिक होगी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस दूस इसके रूट भी वन और टू है इसके रूट भी वन और टू है ठीक है जी इसके रूट भी वन और टू है और इसके रूट भी वन और टू है कुछ लोग बोलेंगे सर ये दोनों सेम है ऑब्वियसली सेम है पर दिखने में अलग अलग है कि नहीं इस वजह से के से मल्टीप्लाई किया जाता है ज्यादा डिटेल में मत जाओ जो बोला गया है सिर्फ उसको फॉलो कीजिए ठीक है आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती है और चलिए इसी के साथ <laughs> समापन नहीं हुआ है ध्यान रखना कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा ठीक है सर ओके लग रहा है इसी के साथ ब्रेक देने का अगला ब्रेक देने का टाइम हो चुला है लो भैया कितने मिनट का ब्रेक जरा कमेंट करके बताना कितने मिनट का ब्रेक सर ब्रेक जो आप है ना दस मिनट का ठीक रहेगा या ग्यारह सर पंद्रह ठीक है चलो पंद्रह ठीक है ना तुम्हारी ना मेरी सर आपने हमारी तरफ तो देखा ही नहीं पंद्रह मिनट का ब्रेक ठीक है तो अभी बजे हैं नौ बज के छब्बीस मिनट हुए हैं इसको देख लेना जैसे ये जीरो जीरो पे आएगा मैं बहुत ज्यादा पंचुअल है मैं फिर से आ जाऊंगा ठीक है जी चलिए क्वालिटी काज निपटारा करके ही छोड़ेंगे ठीक है पंद्रह मिनट का ब्रेक एंजॉय कीजिए बहुत जल्द फिर मुलाकात होने वाली है होप मेरी आवाज आ रही होगी फिर से जल्दी से कमेंट करके बताइए सर आवाज तो आ रही है शायद आप दिखाई नहीं दे रहे हो अभी दिखाई भी देने लगू बेटा बोलिए जल्दी 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 एवरीबडी प्लीज कमेंट क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं क्या और मेरी आवाज आ रही है क्या बिकॉज एक बार माइक बंद करके फिर से चालू करना होता है ना तो उसमें कोई एरर ना हो इस वजह से यस सर यस सर अप वाला ओपी जो भी आप भेज सकते हैं जल्दी जल्दी भेज दीजिए प्लीज जल्दी 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 एवरी वन आई होप एंड बिलीव आवाज आ रही है आई एम बैक कुछ लोग लिख रहे हैं सर आई एम बैक आई एम भी बैक ठीक है यस 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 बहुत सारे कमेंट करने हैं आपको ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि हाँ भैया नाउ वी आर लाइव अगेन और आगे की कहानी हम शुरू करने के लिए तैयार हैं ठीक है जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक थोड़ी सी ज्ञान की बात हो जाए ठीक है ये जो सीरीज चालू की गई है दिस इज प्योरली फॉर योर बेनिफिट इसका पूरा पूरा फायदा आप उठाइएगा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड उसी टॉपिक के आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी ठीक है रिलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है मैक्सिमम क्वेश्चन पुराने सालों के हैं और कुछ उसी टॉपिक या उन्हीं सवालों से इन्फ्लुएंस सवाल हैं सर ये शीट हमें कहां मिलेगी तो फिजिक्स वाला ऐप डाउनलोड कीजिए ठीक है फिजिक्स वाला ऐप में जब आप जाएंगे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जब आप जाएंगे उसके बाद में एक बैच आपको दिखाई देगा मंजिल उसमें आप सब्सक्राइब कीजिएगा दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे उसको आपको वहां पर वो शीट का ऑप्शन मिलेगा उसको डाउनलोड करो उसमें आंसर की है और सॉल्व कीजिए उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको पूरा पूरा मिलने वाला है उन क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन आपको पूरा समझाया जाएगा मतलब हमारी तरफ से कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही आपका फायदा करने के लिए ठीक है जी टोटली totally फ्री कोई पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा है कुछ लोग बोलेंगे सर अगर हम लोग ऐप नहीं डाउनलोड कर सके आईओ वाले लोग आईफोन वाले हाँ सर तो फिर क्या करें तो आप जाइए फिजिक्स वाला लाइव डॉट कॉम पे ठीक है फिजिक्स वाला लाइव डॉट कॉम पे जैसे ही आप विजिट करोगे ब्राउजर में आप सारी चीज वापस सेम कीजिए जैसा ऐप में करते हैं वैसे ही आप फिजिक्स वाला लाइव डॉट कॉम पे कर सकते हैं ठीक है जी हां जी कुछ लोग लिख रहे हैं सर मजा आ रहा है जी इसी मजे की शुरुआत फिर से करने वाले हैं जल्दी 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 हाँ बहुत सही बहुत सही जल्दी 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 कमेंट कर दीजिए ओपी ओपी बिकॉज आपके कमेंट से एनर्जी मिलने वाली है कुछ लोग सोचते हैं पूछते होंगे ना सर आप इतनी एनर्जी में कैसे पढ़ा पा रहे हो <laughs> कुछ लोग तो बोल रहे हैं सर आप एनर्जेटिक लग नहीं रहे <laughs> तो मैंने बाल बाल ठीक किए फिर बोले कि हाँ सर अब लग रहे हो एनर्जेटिक नाउ और वो जो एनर्जी का राज है वो तुम्हारे कमेंट्स है जल्दी ओ पी लव यू दिल थम्स अप फटाफट भेज दीजिए फुल अमाउंट में जल्दी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया <coughs> चलिए जी अब हम शुरुआत करते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ चलते हैं और सर जो अगली कहानी है, मेथड नाउ ये वाला जो मेथड है ये आगे आने वाले जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होगा ठीक है ऑल दो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सर वेवी कर्व मैथड वेवी कर्व मैथड में <coughs> Uh, क्या सॉल्व करते हैं सर इनइलिटी सॉल्व करते हैं क्योंकि अगला टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ उसमें फाइनली जब आप पहुंचोगे तो एक इनइलिटी बनेगी उसको सॉल्व करने के लिए आपको इस मैथड की जरूरत पड़ेगी मासूम सा मैथड है दो चार स्टेप बताऊंगा वो फॉलो कीजिएगा हर एक इनइक्वेलिटी का जवाब आप दे पाओगे ठीक है जिसमें लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व हूं ठीक है चलिए जी स्टार्ट करें फिर बिल्कुल 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 ओपी 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 आई होप आपने जल्दबाजी में जैसा भी मिला वो खा लिया होगा और फिर से सर हम अपनी स्टडी टेबल पे आ चुके हैं और पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं जी सर है तैयार हम ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी 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 बेबी कर्व मेथड नहीं है भैया वेवी कर्व मेथड है ठीक है ध्यान से सुनो और अपनी अकल का पूरा पूरा इस्तेमाल करो कुछ लोग क्या है सर भगवान को वादा करके आए हैं जितना आपने हमें दिया है उतना ही आपको वापस ला के देंगे अनयूज ठीक है तो उस वादे को तोड़ना है सर किस बात की बात कर रहे हो आप दिमाग की ठीक है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो दिस इज नॉट बेबी कर्व मेथड दिस इज वेवी कर्व मेथड ठीक है ना सर कैसे शुरू करें वेवी कर्व मेथड को लो भैया पहले तो ज्ञान की बात दिस मेथड इज यूज यूज टू सॉल्व यूज टू सॉल्व इन इक्वेलिटी इन इक्वेलिटी को सॉल्व करने के काम आता है बहुत बढ़िया ठीक है सर क्या होगा सर कहानी जरा बता दो तो जैसा कि मैं बोलता हूं क्योंकि कुछ लोग वो भी यहां पर प्रेजेंट हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं अर्जुना बैच में बहुत बढ़िया <laughs> तो भैया वो जानते हैं कि मैं अब क्या बताने वाला हूं और जो लोग नहीं जानते वो सुनते जाओ पहली चीज स्ट्रक्चर सर इस मेथड को लगाने से पहले ऐसा दिखना जरूरी है ठीक है ग्रेटर देन हो सकता है लेस देन हो सकता है ग्रेटर देन इक्विस टू हो सकता है लेस देन टू एक तरफ आपको जीरो दिखना चाहिए अगर जीरो नहीं दिखे तो क्या करना है उस पर अभी आऊंगा ठीक है ना इस तरफ कोई एक्स का एक्सप्रेशन होगा वो आपसे पूछेगा कि ये जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा या ग्रेटर देन इक्वेस टू जीरो या फिर लेस देन इक्वे टू जीरो कब है ठीक है जी बहुत बढ़िया नाउ सर क्या करना है स्टेप वन ध्यान से सुनिएगा प्लीज हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर हाँ सर नजरें स्क्रीन पर है आप बताओ फाइंड फाइंड रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ठीक है जी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स आपको निकाल लेने चाहिए जहां जहां पर न्यूमरेटर जीरो हो और जहां जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो उनको निकाल लेना चाहिए एंड प्लॉट देम प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना चाहिए जो भी स्टेप मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको इसको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा घबराइए नहीं अभी स्टेप्स सुन लीजिए हाँ सर सुनते ही तो आए हैं अब तक पहले पेरेंट्स की और अब आपकी जी बिल्कुल यही है जिंदगी हाँ। सर जिंदगी का ज्ञान भी दे दे रहे हो नहीं भैया यहां पे देखो अपने सिर्फ गणित का ज्ञान सुन लो सर रूट्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर निकाल लेंगे और उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे ठीक है चेक साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन ई लिख दिया आप पूरा संभाल लेना दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर जो एक्सप्रेशन होगा ना उसका साइन चेक करो बाय पुटिंग वैल्यूज बाय पुटिंग वैल्यूज वैल्यू पुट कर करके आपको साइन चेक करना है सर इस बात के क्या मायने हैं वो अभी बताऊंगा सिर्फ सुन लो ठीक है सर स्टेप थ्री चेक फॉर चेक गिवन साइन गिवन साइन एंड आंसर अकॉर्डिंगली एंड आंसर अकॉर्डिंगली क्या मतलब है सर ये आंसर अकॉर्डिंगली का इसका भी मैं मतलब आपको समझाऊंगा ना कुछ कुछ ध्यान देने वाली बातें कुछ कुछ ध्यान देने वाली बातें जब मैं बोलता हूं कुछ कुछ तो कुछ लोग बोलते हैं सर होता है <laughs> कुछ नहीं होता है सामने देखो पहली चीज जो आप हमेशा ध्यान रखोगे ठीक है फर्स्ट थिंग इज नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई लिखता मैं ऐसे हूं इसके मायने भी समझा दिए जाएंगे ठीक है जी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको इस प्रोसेस के दौरान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करना है सर आपने तो लिखा है नेवर नेवर का मतलब होता है कभी नहीं करना तो भैया ध्यान से सुनो एक सिंपल सी बात मैं बोलता हूं रूल ऑफ इनइक्वालिटी है जो कि हमारा पॉइंट नंबर 2 है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करेंगे ध्यान रखना और नहीं ही करेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का दूसरा मेथड या फिर उसकी जगह आपको क्या करना है वो बता दिया जाएगा सर दूसरा क्या है फ इनईक्वैलिटी इज मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय अब सुनना इसका पहला पार्ट पॉजिटिव नंबर एंड दूसरा पार्ट नेगेटिव नंबर अगर कभी आपको पूरी इन इक्वेलिटी को एक पॉजिटिव नंबर या फिर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कुछ लोग बोल रहे हैं सर इज इट लाइफ हाँ जी ये बिल्कुल लाइव है और समय हो चुका है नौ बज के पचास मिनट और आज का जो दिन है वो है बुधवार महीना चल रहा है जून और साल चल रहा है 2021 ठीक है आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी सर ये तो आप रिकॉर्डेड में भी बोल सकते हो <laughs> इससे कैसे पता चला कि लाइव है पता चल जाएगा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये देखो भैया साइन रिमेन्स सेम साइन रिमेन्स सेम और अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा साइन गेट्स रिवर्स साइन जो है वो क्या हो जाएगा उल्टा सर ये सेकंड पॉइंट में आप क्या समझाना चाह रहे हो थोड़ा सा बता दीजिए ठीक है जी मैं बताता हूं सेकंड पॉइंट में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको कभी किसी इनइलिटी को दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाए तो इनइक्वेलिटी का साइन नहीं बदलता जैसा दे रखा है सवाल में वैसा ही रहेगा आफ्टर स्टेप। ठीक है जी और अगर आपको कभी किसी इनइक्वेलिटी को दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाए तो इनइक्वेलिटी का साइन पलट जाता है पलट जाता है मतलब ऊपर वाला दे रखा होगा तो नीचे वाला बन जाएगा ग्रेटर देन दे रखा है तो वो लेस देन बन जाएगा लेस देन इक्वेस टू दे रखा है तो वो ग्रेटर देन इक्वेस टू बन जाएगा मेरे ख्याल से बात समझ में आती है और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ठीक है योर आंसर शुड नॉट इंक्लूड योर आंसर शुड नॉट इंक्लूड शुड नॉट इंक्लूड रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर बस ऐसा लिख दे रहा हूं पूरा आप समझ जाएंगे सर जो आंसर होगा ना हमारा उसमें किसी में भी कोई भी मतलब जो हम जवाब लिखेंगे उसमें डिनोमिनेटर का रूट कभी इंक्लूड नहीं करना है ठीक है जी डिनोमिनेटर जिन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है वो वाले नंबर्स हमें अपने जवाब में कभी शामिल नहीं करने हैं ठीक है जी फटाफट देख लो ये है कहानी बेबी मेथड की इतनी सी ही है मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो ट्रिक बताते हैं कि भैया राइट हैंड साइड से शुरू हो प्लस माइनस प्लस माइनस लगाते जाओ उस ट्रिक के बहुत सारे लिमिटेशन है वो गलत बात है ध्यान रखना ठीक है जी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि हाँ ऐसा बताते हुए मैंने सुने हैं कि प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है कुछ लोग बोलेंगे सर कौन से प्लस माइनस की बात कर रहे हो आप हमें तो कोई प्लस माइनस दिखाई नहीं दे रहा अभी आते हैं ठीक है बस इन बातों को फॉलो करते हुए हम जवाब लिखेंगे और सर फिर कैसे लिखेंगे जवाब लो भैया पहला सवाल ताजा ताजा आपके सामने ये रहा हमें बोला गया सॉल्व दिस सॉल्व द इन इक्वेलिटी जवाब लिखना भी सिखाऊंगा वो भी एक मजेदार चीज है इन इक्वेलिटी सॉल्व करने के लिए दी गई ठीक है हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर आपने बेबी को मेथड थोड़ा तेज बता दिया ठीक है नहीं जी आपको सवाल सॉल्व करके दिखा रहा हूं ना आधा ज्ञान थोरिटिकल था अब सर प्रैक्टिकल ज्ञान कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ना भैया क्या करा क्या आपको इसमें न्यूमिनेटर दिखाई दे रहा है क्या सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया मैंने इसका ये लो सोल्यूशन नजरे स्क्रीन पर इधर उधर बिल्कुल नहीं हाँ अब मेरे ख्याल से सामने समझ में आ रहा है चलिए 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 ठीक है एक सेकेंड वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत सही बहुत सही कमेंट पढ़ रहा हूं अब इधर आ जाओ सर क्या करना है आपको न्यूमिरेटर दिखाई दे रहा है क्या हां जी न्यूमिरेटर कौन है सर न्यूमिरेटर है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अगर आपसे पूछू ये न्यूमिनेटर तो जो जो इसमें लीनियर फैक्टर्स हैं उनको पकड़ो और जीरो कर दो तो एक लीनियर फैक्टर दिखा x माइनस वन उसको जीरो कर दिया दूसरा लीनियर फैक्टर दिखा x माइनस टू उसको जीरो कर दिया यहां से x की वैल्यू आ गई वन यहां से x की वैल्यू क्या आ गई ठीक है सर आपने तो बोला था डिनोमिनेटर दोनों के रूट निकालो अरे भाई यहां पर क्या नो no, सर डिनोमिनेटर में कौन बैठा है वन 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 ठीक है, है? सर कैसी बात कर रहे हो हां जी कुछ लोगों को लगता है कि डिनोमिनेटर में जीरो है कोई नहीं मतलब जीरो है नहीं जी डिनोमिनेटर में कौन है वन तो वो उसके कोई रूट्स होते नहीं दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी सर ये दोनों रूट्स हमने निकाल लिए इसके बाद में आपने बोला कि इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो ये रही नंबर लाइन जिसको आप एक्स एक्सेस बोल सकते हो बिल्कुल राइट right में लाए करता है प्लस इंफिनिटी बिल्कुल लेफ्ट में लाइक करता है माइनस इंफिनिटी ठीक है जी प्लॉट कर लेते हैं एक बार बताओ कहां पे आएगा सर छोटा नंबर लेफ्ट में बड़ा नंबर राइट right में ठीक है जी ये लो ठीक है अब सुनना जरा ध्यान से हमारा स्टेप वन हो चुका है ये वाली चीज हो चुकी है नंबर लाइन पे प्लॉट भी कर दिया अगली वाली बात पे आते हैं अगली वाली बात क्या है सर जो आपने रूट्स को प्लॉट किया है ना जो आपने रूट्स को प्लॉट किया है ये रूट्स इस एक्स एक्सिस को या फिर इस लाइन को कुछ सेगमेंट्स में बांट देंगे क्या आपको वो सेगमेंट दिखाई दे रहा है हाँ सर एक ये वाला सेगमेंट टू से बड़ा एक वन और टू के बीच का और एक वन से छोटा ठीक है टू से बड़ा वन और टू के बीच का और एक वन से छोटा आप क्या करो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है कौन सा है सर लेफ्ट इन साइड वाला एक्सप्रेशन ये वाला हेलो हेलो स्क्रीन पर ही है ना नजरें जी बिल्कुल और ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं जैसा मैं हर बार बोलता हूं कम सोचना है ज्यादा ज्यादा नहीं बिकॉज सोचने से जवाब गलत आता है पूरा सोचना है आधा नहीं पूरा सोचिएगा पूरा जवाब निकालिएगा आधे में मत रुक जाना ठीक है सर ना अब आपको साइन चेक करना है किस एक्सप्रेशन का लेफ्ट साइड वाले का इसको इग्नोर करो अभी नहीं देखना है ठीक है सर अब सर साइन कैसे चेक करें आपने यहां लिखा बाय पुटिंग वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यू क्या मायने है सर इस बात के पुटिंग वैल्यू का क्या मतलब है इस सेगमेंट के लिए साइन चेक करना चाहते हो तो इस हिस्से से कोई भी एक नंबर उठाओ मतलब क्या है सर इस हिस्से से टू से बड़ा कोई सा भी एक नंबर उठाओ सर टू से बड़ा तो टू पॉइंट वन भी होता है टू पॉइंट जीरो जीरो वन भी होता है थ्री भी होता है फाइव भी होता है इलेवन भी होता है नाइन भी होता है वन करोड़ भी होता है कौन से की बात कर रहे हो आप कोई सा भी उस नंबर को इसमें रखो कौन से एक्सप्रेशन में इसमें तो मैंने उठाकर थ्री रख दिया मेरे को थ्री ठीक लग रहा है तो जब मैंने रखा तो थ्री माइनस वन इंटू थ्री माइनस टू इसका केवल मुझे साइन बताइए न्यूमेरिकल वैल्यू जानने में, में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर ये पॉजिटिव लिखा हुआ है तो यहां पर साइन मार्क कर दो पॉजिटिव क्या मतलब है सर इसका कि टू से बड़े के लिए साइन आ रहा है इस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव ठीक है सर वन और टू के बीच में कोई भी एक नंबर उठाओ बीच में का मतलब 1.5 लेना जरूरी नहीं है 1.4 भी ले सकते हो तो मैंने क्या किया एक्स की वैल्यू वैल्यून पॉइंट देगा तुम तो ये बताओ ये पूरा क्या आ रहा है सर ये तो पूरा पॉजिटिव है ये पूरा नेगेटिव है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होता है नेगेटिव वो जो साइन आया वो यहां मार्क कर दो ठीक है साइन हमेशा सेम आएगा आप चाहे कोई सा भी नंबर उठा लो जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं है? Answer, ठीक है चाहे आप वन पॉइंट फाइव रखो चाहे नहीं ध्यान है तो सर जीरो रखा तो वो बन जाएगा माइनस वन इंटू माइनस टू यहां पर एक्स की जगह है? जीरो रखा सर ये कैसा साइन आ रहा इसका? है इसका पॉजिटिव ठीक है यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर है और इसमें कोई परेशानी है नहीं ये साइन चेक करने वाला काम रफ कॉपी में करना होता है ठीक है नाउ अब आ जाओ सर ये हो गया हमारा पार्ट टू या स्टेप टू ठीक है नाउ चेक द गिवन साइन एंड आंसर अकॉर्डिंगली जो हमसे पूछा गया है उसको चेक करो और फिर आप आंसर चेक करो ठीक है जी लो भैया सर हमसे क्या पूछ रहा है वो बोल रहा है कि सर ये जीरो या जीरो से बड़ा कब होगा ठीक है जीरो या जीरो से बड़ा कब होगा जीरो से बड़ा होने का मतलब होता है पॉजिटिव कौन कौन सा पार्ट है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है सर एक 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 तो से 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 बड़ा और एक से एक से बड़ा और और छोटा छोटा बहुत बढ़िया ठीक है ना अब बात आती है मुद्दे की ये वाले जो पॉइंट है ना वन और टू इनको अपने आंसर में इंक्लूड करना है या नहीं करना बड़ा लॉजिकल सी बात है ध्यान रखना तो एक बात बताओ जब आप एक्स की वैल्यू वन रख रहे हो इसमें तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो और सर हमें ये पूरी चीज ऐसी लिखाई लिखी हुई दिखाई देगी ऐसी लिखी हुई दिखाई देगी ये बात सत्य है कि असत्य है सर बिल्कुल सत्य है बिकॉज वो बोल रहा है इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन टू जी बिल्कुल greater than तो नहीं होता होता बट बराबर होता है तो मतलब आप x की वैल्यू वन ले सकते हैं और जिस आंसर को जिस एंड पॉइंट को आप अपने जवाब में इंक्लूड करें उस पर लगा देना डार्क सर्कल ठीक है फिर मैंने बात पूछी कि टू को ले सकता हूं कि नहीं तो मैंने एक्स की वैल्यू टू रख के देखी बहुत सिंपल सिंपल सी बातें इन्हीं को फॉलो करना है मैंने एक्स की वैल्यू टू रख के देखी लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन जीरो पर बराबर का निशान लगा है कैसा निशान लगा है सर बराबर का तो यहां पर फिर से कौन सा सर्कल आ गया डार्क सर्कल तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है बट सर आंसर हम ऐसे नंबर लाइन पे नहीं देते हम ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं सर वो कैसे निकालते हैं जरा बताना लो आपको ऐसे लिखना है X बिलोंग्स टू मतलब X की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है माइनस इंफिनिटी से चलना है माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक लगा के तक फिर सर गैप आ गया फिर लगाओ यूनियन फिर टू से लेके इंफिनिटी ठीक है जी ऑलवेज रिमेंबर माइनस इंफिनिटी और इनफिनिटी जब भी लिखे जाएंगे उन पे गोल वाले ब्रैकेट आएंगे जिनको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और सर वन और टू पे कौन सा ब्रैकेट आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों जहां पर क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि आप अपने आंसर में वन और टू को इंक्लूड कर रहे हो जी बिल्कुल कर रहा हूं बिकॉज वन और टू इसमें रखे जा सकते हैं ठीक है ना ये हमारा हो गया आंसर इसको रीड करने का तरीका क्या है कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज है जिस पर यह एक्सप्रेशन जीरो, जीरो से बड़ा है तो सर माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक कुछ भी रख लो इंफाइट नंबर होते हैं या फिर आप टू से लेके इंफिनिटी टू से बड़े कोई भी नंबर रख लो वो भी इंफनाइट होते हैं मेरे ख्याल से बात समझ में आती है बोलो हा या ना इज दिस ट्रू और फॉल्स हाँ सर वेरी इजी वेरी बेसिक बात समझ में आ गई और अगर समझ में आ गई तो लो भैया ठीक है कुछ लोग बोलेंगे सर ये ओपन क्लोज वाली बात नहीं समझ में आई तो सामने देखो ना भाई और समझाया जा रहा है एक और हमें बोला गया सॉल्व दिस इन कौन से वाली x माइनस थ्री अपॉन लेस देन जीरो इसको सॉल्व करना है और मेरे ख्याल से सभी लोग सर हम सब लोग पढ़ने ही तो आए हैं और हम इसका जवाब अब सोचना स्टार्ट कर दिया है जल्दी 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 कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कितना टाइम लगेगा तुम्हें भैया क्या परेशानी होने लगी टाइम को लेकर मैं पढ़ा रहा हूं तुम पढ़ रहे हो कहीं बाहर जाना नहीं है आराम से बैठ के पढ़ते जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी प्लीज यस 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 फास्ट 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 मतलब फास्ट करो सर थोड़ा सा जी बिल्कुल पहले इसका जवाब बता दो चलिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं अभी तुमने बोला ना फास्ट चलो भैया न्यूमिनेटर क्या है सर न्यूमिनेटर है x माइनस थ्री रूट पता करना चाहते हो जीरो के बराबर करो सर यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई थ्री आ गई बहुत बढ़िया सर अब की बार तो डिनोमिनेटर भी है अरे वाह 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 सर अगर ये डिनोमिनेटर भी है तो ये है फाइव माइनस एक्स इसको करो जीरो के बराबर यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर फाइव आ गई क्या आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट पता चल गए क्या हां जी पता चल गए सर सर बहुत बढ़िया फिर क्या करते है करते हैं हैं बेटा जी इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कितनी बार बताओगे खुद बताते हो खुद ही भूल जाते हो ये रहा थ्री ये रहा फाइव थ्री छोटा होता है फाइव बड़ा होता है इधर प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी अगर आप मेरे स्टेप्स को क्लोजली और ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको ये कहानी कथा आरती सब समझ में आ जाएगा सर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप निराली बता रहे हो <laughs> निराली चलो ना सर फाइव से बड़ा कोई भी नंबर अब आ गया सर ये आपने जमा दिए इनको ये तीन सेगमेंट में फिर से ब्रेक करते दे रहा एक ये एक ये और एक ये अब क्या करें फाइव से बड़ा कोई सा भी नंबर उठाओ किसमें पटकना है सर इस एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन में पटकना है और मुझे इसका साइन बताओ मैंने फोर रखा ऊपर आ जाएगा वन नीचे आ जाएगा सॉरी फोर रखा तो ये आ जाएगा सर ऊपर तो वन और नीचे नीचे भी वन है ना फोर रखने पर अच्छा फोर रख क्यों रहे हो सर फोर <laughs> नहीं भैया फोर में गड़बड़ होगी फोर नहीं आपको फाइव से बड़े के लिए साइन चेक करना है तो सिक्स सिक्स या सेवन या फाइव पॉइंट वन ठीक है जी तो फटाफट मैंने फाइव पॉइंट वन रखा या सिक्स रखा तो ऊपर आ जाएगा प्लस और नीचे आ जाएगा माइनस प्लस अपॉन माइनस सर होता है माइनस ठीक है जी थ्री और फाइव के बीच में सर फोर रख दो ऊपर फोर नीचे फोर रखोगे तो वन अपॉन वन आ जाएगा जिसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव केवल साइन चेक करना होता है सर so, थ्री से छोटा कोई नंबर जीरो रख दो तो ऊपर आएगा माइनस थ्री नीचे आएगा फाइव वो आ रहा है फिर से नेगेटिव ठीक है जी चलिए इतना बहुत है नंबर लाइन पे रूट्स को जमा दिया और उसके बाद में हमने क्या किया नंबर लाइन पे रूट को जमा दिया और उसके बाद में हमने सर साइन लगा दिए अब इसका रोल स्टार्ट होता है किसका रोल सर इसका ये कौन है कि आपसे ये वाला साइन क्या पूछ रहा है वो चाहता है कि ये एक्सप्रेशन जीरो से छोटा कब होगा बहुत सारे लोगों ने जवाब भी छाप दिया है बहुत बढ़िया सर ये एक्सप्रेशन जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव कब कब होगा तो बताओ कौन-कौन सा पार्ट है जिसके लिए नेगेटिव आ रहा है सर पांच से बड़े के लिए और तीन से छोटे के लिए बहुत बढ़िया यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है अब मेरी बात तसल्ली और ध्यान से सुनिएगा बिकॉज़ कंफ्यूजन वाला पॉइंट है सर बात आई 5 की 5 जो है वो डिनोमिनेटर का रूट है अगर आप x को यहां पर 5 रखते हो तो ये हो जाएगा सर 5 रखने के बाद में 2 अपॉन 0 एक चीज अच्छे से सुन लो बेटा डिनोमिनेटर में कभी भी 0 बनना नहीं चाहिए ठीक है जी तो सर 5 जो है वो डिनोमिनेटर का रूट है और आपने बोला कभी भी डिनोमिनेटर के रूट को अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना है और जिनको इंक्लूड नहीं करना है उस पर लगाना है होलो सर्कल कौन सा सर्कल होलो सर्कल बोलो सर होलो सर्कल समझ में आया बिकॉज डिनोमिनेटर के रूट्स पे चाहो तो रट लो वैसे रटना नहीं चाहिए सब छोटी बातें हैं डिनोमिनेटर के रूट्स पे हमेशा होलो सर्कल आएगा मतलब सर इनको हम अपने जवाब में कभी इंक्लूड नहीं करेंगे ठीक है यहां आ जाओ सर थ्री के बारे में क्या ख्याल है थ्री के बारे में क्या ख्याल है थ्री रख के देखो अपने आप पता चल जाएगा अगर मैं इस एक्सप्रेशन में थ्री रखता हूं थ्री माइनस थ्री जीरो नीचे आ जाएगा सर टू जीरो <laughs> बोलेंगे नॉट डिफाइंड डिफाइंड भैया इज प्योरली और 0 2, 0 ही होता है अच्छा अगर जीरो टू जीरो होता है तो मतलब सर इसमें एक्स की वैल्यू थ्री रखने के बाद में ये जो पूरी कहानी है हमें ऐसी दिखाई देगी ये बात सत्य लिखी हुई है कि असत्य सर ये गलत है जीरो जीरो से छोटा नहीं होता जीरो के बराबर होता है तो सर ये तो गलत लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है मतलब आप इसमें नहीं कर सकते ठीक है भैया और अगर नहीं कर सकते मतलब एक्सक्लूड एक्सक्लूड होगा एक्स्क्लूड होगा तो सर्कल यहां से यहां पहुंच गए अब आते हैं बिलोंग्स टू वाली रिप्रेजेंटेशन में सर जहां जहां पर डार्क सर्कल लगता है उन पे क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं ये स्क्वायर वाले और जहां जहां पर होलो सर्कल लगता है वहां पर ओपन ब्रैकेट लिखने का तरीका देखिएगा एक ही झटके में समझ में आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके थ्री और थ्री पर सर ओपन ब्रैकेट गोल वाला ब्रैकेट बीच में आ गया गैप इतना पार्ट नहीं इंक्लूड करना फिर फाइव से लेके इंफिनिटी फाइव पर भी ओपन ब्रैकेट दिस इज द आंसर अगर मैं ये ओपन क्लोज वाली बात अपनी फटाफट कंक्लूड करूं तो ध्यान सुनना सर आपको ये एंड पॉइंट्स को रख के देखना चाहिए अगर इक्वेलिटी लगी हुई हो जैसा कि यहां पर था इक्वेलिटी मतलब ग्रेटर देन के साथ साथ एक नीचे बराबर का निशान भी जब इक्वेलिटी लगी हुई हो तब तो हम सर न्यूमिनेटर के रूट्स भी शामिल करते हैं अपने जवाब में उन उनपे डार्क सर्कल आता है डिनोमिनेटर के रूट्स तो कभी शामिल नहीं होते चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला हो तो ये तो एक अलग बात है न्यूमिनेटर के रूट्स कब कब शामिल करेंगे जब यहां पर इक्वेलिटी लगी हुई होगी उन उनपे डार्क सर्कल आएगा तब और अगर इक्वेलिटी नहीं लगी हुई हो तो न्यूमिनेटर के रूट्स पर भी हॉलो सर्कल आएगा मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कोई परेशानी सर इन दोनों में कोई परेशानी नहीं है मेरे ख्याल से बात समझ में आती है चलिए फटाफट एक छोटा सा सवाल और देखते हैं ठीक थी। है स्ट्रक्चर वाली बात जिसमें आपने बोला कि राइट हैंड साइड में जीरो होना जरूरी है और एक ये वाली बात बताई नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई सर इसके पीछे लॉजिक क्या है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त आपको यह जरूर पता होना चाहिए जिससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो कि वो पॉजिटिव है आप क्रॉस मल्टीप्लाई तब उसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और दूसरा सर एक तरफ जीरो होना चाहिए ना ये जो आपने हमें सवाल दिया इसमें एक तरफ जीरो नहीं है ये वाला हो जाएगा जो बच्चे आंख बंद करके फटाफट जैसा हमें सिखाया गया सर सिखाया तो आपने कुछ और है बट हम अपने ही मन से लगे हुए हैं बोले हम जवाब निकाल लेंगे सर आप साइड में हो जाओ x प्लस वन को उधर भेज दिया लि सर और इसको इधर भेज दिया नाउ दिस स्टेप इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका जवाब गलत आएगा और सर जवाब चाहे कुछ भी आए मेथड गलत है तो जवाब तो गलत होगा ही ऑब्वियसली मेरी बात समझ में आती है कुछ लोग बोलेंगे सर लॉजिक वैज्ञानिक लोग आपने बोला था पूरा बताऊंगा आप एक्सप्लस वन को उधर लेके गए आपको X plus का वैल्यू पता है क्या साइन पता है कैसा होगा हमेशा नो सर अगर आपने एक्स की वैल्यू माइनस टू रख दी तो एक्स प्लस वन नेगेटिव है आपने एक्स की वैल्यू थ्री रख दी तो वो पॉजिटिव है तो जिस नंबर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या आपको उसका साइन पता है नो सर इस वजह से हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बस एंड ऑफ द स्टोरी फिर सर सवाल का जवाब तो बताना ही है हाँ जी बिल्कुल 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 बताना है तो फिर क्या करें लो भैया राइट साइड में जीरो बनाने का यही थोड़ी तरीका है आप क्या करो ये जो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन है इसको लेफ्ट में ले आओ और अब की बार क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया ध्यान रखना इसको इधर लेके जा रहा हूं तो इधर आ जाएगा जीरो यहां पर ये पूरा का पूरा इसके आगे प्लस साइन है तो यहां पर आएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा नेगेटिव देखो राइट साइड में जीरो बन गया राइट साइड में क्या बन गया सर जीरो बन गया नाउ एलसीएम लेने के लिए आपने मना नहीं किया सामने देखिएगा नजरें <laughs> सर स्क्रीन पर ही है बार-बार मत बोलिए ठीक है भैया नहीं बोलेंगे इधर लेके जाओ सर ये हो जाएगा x 1 into x 1 और इसको इधर लेके जाओ x 5 <laughs> सर वो जो लेट नाइट स्टडी वाली बातें होती है ना वो आप सही कर रहे हो ये लेट नाइट स्टडी तो चल रही है लाइव क्लास <laughs> इतनी लेट तक जी 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 सीखने का कोई टाइम कोई उम्र और और भी बहुत सारी चीजें जो नहीं होती हमारे पास सर टाइम की तो कोई पाबंदी नहीं है आप तो पढ़ाओ मस्त होके हम पढ़ रहे हैं ना सर एलसीएम लिया एलसीएम लिया क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया एलसीएम ठीक है और जीरो बनाने का तरीका इसको इधर ले लिया जरा देखना थोड़ी सी नजर स्क्रीन पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये ये रहा और ये ये रहा चलिए भैया ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना देख लो पहले क्योंकि इसको हटा रहा हूं सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन माइनस फाइव है वो हो जाएगा माइनस सिक्स तो इसको आप कैसे लिखना चाह रहे हो जरा बताना मैं भैया ऐसा लिखना चाह रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ये सवाल बना दिस इज अवर सही स्ट्रक्चर इसके आगे वेवी कर्व मेथड लगेगा अब तक तो हम स्ट्रक्चर ही सही कर रहे थे वाह सर अब क्या करें न्यूमरेटर के रूट्स निकालो फटाफट अरे भैया आंसर से भरा पड़ा है सर आप बहुत पीछे चल रहे हो न्यूमरेटर के रूट्स न्यूमरेटर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो जो भी न्यूमरेटर हो उसको जीरो के बराबर कर दो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है थोड़ा सा तेजी में अगर मैं फैक्टर्स लिख दू तो कोई दिक्कत होगी क्या नो सर न्यूमरेटर के रूट एक है एक माइनस टू एक है थ्री और एक है माइनस टू बिल्कुल सही कोई दिक्कत नहीं है और डिनोमिनेटर के रूट्स हाँ सर तो ये जो आपने रूट्स बोले नो सर यस सर खुद ही करी जा रहे हो हमें भी बता दो तो ये आ गया एक रूट तो थ्री दूसरा माइनस टू न्यूमिनेटर के और डिनोमिनेटर के कौन कौन से रूट आ जाएंगे सर एक माइनस वन और एक माइनस फाइव चिल्लाओ मत सर आप चिल्ला कैसे पा रहे हो आपको तो चुप हो जाना चाहिए था अब तक अरे भैया तुम्हारे एनर्जी तुम्हारे प्यार तुम्हारे कमेंट्स की वजह से इस भरोसे से कि उस तरफ कैमरे के उस तरफ बहुत सारे बच्चे जिनको जेई सच में क्वालिफाई करना है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें कुछ ऐसा पढ़ाया जाएगा जो हमारे काम आएगा और वही मैं कर रहा हूं समझ में आया इसीलिए कभी कभी चिल्ला भी दे रहा हूं कि किसी वजह से अगर तुम्हारा ध्यान स्क्रीन से हटे तो वापिस आ जाए चलो भैया कौन कौन से आगे सर हाइट वाइज प्लॉट कर दो सबसे छोटो कौन है माइनस फाइव उससे बड़ा कौन है माइनस टू उससे बड़ा माइनस वन और सबसे बड़ा थ्री अब की बार सर कहानी बदल दी मतलब बदलती इन द सेंस कि बहुत सारे लोग आ गए इस वजह से मैंने यहां पर लिखा ठीक है ना अब सर साइन कैसे चेक करें ठीक है साइन कैसे चेक करें लो भैया रुको उतावले बहुत जल्दी हो जाते हो जाते तुम लोग एक तो से बड़ा कोई भी नंबर रखो इसमें रख के देखो ठीक है मैं उस ट्रिक उस लॉजिक पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता प्लस माइनस प्लस माइनस वाली ठीक है बहुत सारे लोग फटाफट प्लस माइनस प्लस माइनस लिख देते हैं इनफैक्ट अभी मैं साइन वही लिखूंगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो फिर सर आप हमें क्यों मना कर रहे हो बिकॉज ऐसे सवाल बनते हैं जिन पर वो काम गलत हो जाता है इस वजह से सर हम तो बेसिक को पकड़ के चल रहे हैं ताकि हमारा कभी कोई सवाल गलत हो ही ना समझ में आया क्योंकि गलत करने का तोहफा आई वाले माइनस वन देते हैं घर ले जाने के लिए कभी कभी तो माइनस टू भी दे देते हैं एडवांस वाले जी बिल्कुल नाउ सर थ्री से बड़ा कोई भी नंबर रखो किस एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन में बेटा

इंटू एक्स प्लस टू और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस वन नाउ अब क्या कीजिए माइनस टू और माइनस वन के बीच में माइनस वन पॉइंट फाइव इसमें रख के देखो अपने आप पता चलेगा ध्यान सुनना माइनस वन पॉइंट फाइव पे सर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बता दिया अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दो नेगेटिव मतलब सर दो नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव बस सर इसी तरीके से फटाफट साइन चेक करेंगे माइनस फाइव और माइनस टू के बीच वाले के लिए माइनस थ्री देखो ये पूरा नेगेटिव आ जाएगा और माइनस फाइव से छोटा कोई नंबर रख के देखो ये पूरा पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है मैंने तो भैया बेसिक से करता हूं ताकि कोई जवाब गलत ना हो ठीक है ट्रिक व्रिक में कोई विश्वास नहीं है चलिए जी ना <coughs> सर ऐसा बोल के आप अपनी फैन फॉलोइंग कम करवा लोगे क्योंकि बहुत सारे लोग तो ट्रिक बोल बोल के ही फेमस हुए हुए हैं तो भैया ये ट्रिक व्रिक यार जेई के पेपर में काम नहीं करती है ठीक है आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आपको कोई ट्रिक सिखाई जाए और वो जेई के पेपर में में काम आ जाए ठीक है समझ आया तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ट्रिक्स पे मत ध्यान दो दो आपकी इच्छा है मर्जी है आपकी बट मैं उस चीज में पर्सनली नहीं बिलीव करता अपने तो भैया मेथड सिखा दो ज्यादा ज्यादा क्या एक मिनट फालतू लगेगा जवाब तो सटीक और सही आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल ना अब आ जाओ इस पे सर कौन सा पार्ट पूछ रहा है पॉजिटिव जीरो से बड़ा पॉजिटिव कौन कौन सा पार्ट है ये लो ये लो और ये लो ठीक है जहां जहां पर मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है वहां वहां पे मैंने ये लगा दिया अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बिकॉज अब डार्क और होलो सर्कल का चक्कर चलने वाला है बहुत बढ़िया सर चक्कर चलने वाला है <laughs> सर हमारे तो कभी चल ही नहीं पाए <laughs> आप आज यहां चला दे रहे हो कोई बात नहीं अपनी पर्सनल लाइफ को गणित के साथ मिक्स मत कीजिए प्लीज ठीक है दैट इज योर प्रॉब्लम अब यहां पर सोच सोच के बोलिएगा सबसे पहली चीज तो सर हमने ये सोची माइनस फाइव और माइनस वन पे माइनस फाइव और माइनस वन पे हमेशा सर्कल क्योंकि वो डिनोमिनेटर के रूट्स कहां दिख रहा है -5 ये रहा कहां दिख रहा है माइनस वन ये रहा ऑलो सर्कल लगाओ सर व्हाट अबाउट माइनस टू एंड थ्री तो एक बार बताओ क्या यहां पर इक्वेलिटी लगी है नो सर इक्वेलिटी लगी होती तो माइनस टू और माइनस uh, टू और थ्री पर डार्क सर्कल आता इक्वेलिटी नहीं लगी हुई तो यहां पर भी होलो सर्कल ठीक है जी चलिए अब हम लिख रहे हैं अपना फाइनल आंसर देखिएगा स्क्रीन पर पॉजिटिव वाला पार्ट बोलना स्टार्ट किया सर माइनस से शुरू हुए माइनस 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 तक आए पे पे हमेशा ओपन ब्रैकेट है मतलब उसको नहीं इंक्लूड करना मतलब यहां पर भी ओपन ब्रैकेट ये आ गया सर गैप फिर ये वाला इंटरवल लिखना है माइनस टू से लेके माइनस वन माइनस टू और माइनस वन पर भी ओपन <laughs> ब्रैकेट यूनियन फिर से सर यहां आ जाओ थ्री से लेके इन्फिनिटी इनफिनिटी पे ओपन और सर थ्री पर भी ओपन कहीं पर भी क्लोज नहीं आया बिकॉज स्क्वायर वाला ब्रैकेट नहीं आया बिकॉज क्यों बिकॉज क्योंकि सर डार्क सर्कल कहीं पे नहीं लगा ना इस वजह से ठीक है जी इस वजह से मेरे ख्याल से ये बात समझ में आती है और सर आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स में कौन कौन से में ये हमने वेवी कर्व मेथड की थ्योरी ये ध्यान रखने वाली बातें ये दो सवाल और एक ये वाला सवाल कोई दिक्कत है इसमें सर कोई दिक्कत नहीं है वेरी इजी अब अगर आगे चल के लेक्चर में इसी वाले लेक्चर में कहीं पर कोई इन बने और मैं आपको ऐसे जवाब लिखने के लिए बोलूं ऐसे तो लिख दोगे क्या जवाब लिख देंगे सर आर यू कॉन्फिडेंट थम्स दीजिए जल्दी से आर यू कॉन्फिडेंट अप भेज दीजिए जल्दी से लो <laughs> सर जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई सर ये था वो जिसको बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट के पढ़ाते हैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है लोकेशन ऑफ रूट्स ठीक है अगेन इंफॉर्मेटिव पार्ट है आपको याद रखना है ठीक है इंफॉर्मेटिव पार्ट है आपको याद रखना है मैं समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है मैं आपको पूरा पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कंडीशन है वो किस पे लिखी जाती है और आप उनको कैसे याद रख सकते हैं ठीक है और इस पे सवाल आते हैं जी बिल्कुल लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं लेके आया हूं आपको समझाऊंगा तसल्ली से बता के जाऊंगा घबराइए नहीं सर लोकेशन ऑफ रूट्स का क्या मतलब है ध्यान से सुनना मतलब वो आपको लोकेशन बोल दो लोकेशन का बेसिक मतलब है वो आपको रूट्स की पोजीशन डिफाइन करेगा पोजिशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू एनी नंबर एनी नंबर ठीक है कुछ नंबर के रिस्पेक्ट में वो आपको रूट की पोजिशन बताएगा जैसे कि एक क्वाड्रेटिक दे दी बोलेगा दोनों रूट टू से बड़े हो तो ठीक है एक क्वाड्रेटिक दे दी दोनों रूट माइनस थ्री से छोटे हो तो क्या और उस क्वाडिटिंग में आपको एक पैरामीटर दिखाई देगा पैरामीटर का मतलब वो क्वाटिटी कुछ ऐसी होगी लैमडा एक्स स्क्वायर माइनस लैमडा प्लस वन एक्स प्लस थ्री इस टाइप की इस टाइप की क्वांटिटी दे देगा और बोलेगा बताओ अगर इसके दोनों रूट टू से बड़े हों तो लैमडा की कौन सी वैल्यू सही रहेगी या कौन सी वैल्यू सही है वो बताइए ठीक है इस टाइप के ये जो यहां पर दिख रहे हैं ना लेमडा हो सकता है एम हो सकता है पी हो सकता है टी हो सकता है अल्फा हो सकता है तो वो आपसे निकलवाएगा ये एक जनरल स्ट्रक्चर है ठीक है सर कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है तो लो भैया हेलो हेलो हाँ सर हेलो हेलो ठीक है नजरें स्क्रीन पर जी बिल्कुल सर नजरे स्क्रीन पर है और हम एकदम तैयार हैं केस वन इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एनी नंबर के इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ग्रेटर देन एनी नंबर के अगर दोनों रूट्स किसी नंबर के से बड़े हो जाए तो क्या कहानी होगी ठीक है तीन कंडीशन लिखवा रहा हूं याद कर लीजिए टोटल इन टोटल चार या पांच केस मैं आपको बताऊंगा उनकी कंडीशंस जहां आप बैठ के पढ़ते हो एक ए फोर साइज पे उन कंडीशंस को लिखो और अपने सामने चिपका लो जब भी ऐसी कोई कहानी दिखे उन कंडीशन को देख देख के यूज कीजिएगा और जवाब लिखते जाइएगा ठीक है सर ना अगर दोनों रूट के से बड़े हों अच्छा आपने क्वाटिटिक तो लिखी नहीं लो भैया क्वाटिटिक बता देता हूं वो वाली ही क्वाटिटिक है कौन से वाली ये वाली जो हमारी अब तक चलती आई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली ठीक है सर अगर दोनों रूट्स के से बड़े हो तो पहले तो आप बना दो पॉसिबल ग्राफ्स के कोई भी नंबर होगा जो आपको दिया जाएगा घबराइए नहीं ये सवाल बनाने वाले की टेंशन है कि के कौन है वही तुम सोच लोगे तो फिर सवाल बनाने वाला क्या करेगा सर पॉसिबल ग्राफ्स कैन बी ध्यान सुनना या तो ऐसा हो सकता है वो बोल रहा है कि दोनों रूट जो है वो के से बड़े हो मतलब जहां पर क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो दोनों पॉइंट्स के के राइट साइड में लाए करने चाहिए या तो ऐसा पॉसिबल ग्राफ हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है ठीक है फिर मन में डाउट आया सर क्या ऐसा हो सकता है नहीं जी ये जो तीसरे वाला मैंने अब बनाया है सर ये क्यों नहीं हो सकता जो तीसरे वाला आपने बनाया है इधर आओ चुपके से बताता हूं इस तीसरे वाले के रूट ही नहीं है समझ में आया आप कंपैरिजन तो तब करोगे ना जब रूट हो ये तीसरे वाला सर कभी एक्स एक एक्सिस को काट ही नहीं रहा तो फिर रूट का एक और जब रूट ही नहीं है तो फिर यह कंपेरिजन का एक समझ में आया तो तीसरा ग्राफ इज नॉट अलाउड ये दोनों बन सकते हैं फिर बहुत सारे बच्चे मन ही मन में चिल्लाने लगे सर ये तो आपने ओपनिंग अपवर्ड वाले बना दिए अबाउट ओपनिंग डाउनवर्ड वाले <laughs> जी बिल्कुल ओपनिंग डाउनवर्ड वाले भी बनेंगे भैया पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं ठीक है ना अब आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है ध्यान से सुनना ठीक है जी मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है ये कुछ लोग क्या कमेंट कर रहे हैं भैया <laughs> कुछ लोग मैंने बोला ना वापिस मेरे ख्याल से वो फालतू कमेंट वाले लोग क्या तो इनको इग्नोर करो <laughs> नहीं 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 ये गलत हो जाएगा ये जो स्पैमर्स होते हैं ना इनको इग्नोर किया गया तभी इनके अंदर वो कचरा भरा तभी ये बेचारे यहाँ पे कुछ भी उलझुल लिख रहे हैं तो इग्नोर मत करो सर इग्नोर करें कि नहीं करें इग्नोर कर दो अभी तो ठीक है हटाओ आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ये चार पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं ठीक है सर कंडीशन क्या क्या होंगी वो देखना जरा कंडीशन किस किस पे लिखा जाता है सर कंडीशन पहली कंडीशन डी पे लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट कैसा कैसा हो सकता है सर या तो दोनों रूट या तो दोनों रूट होने चाहिए या फिर दोनों रूट बराबर भी हो सकते हैं इन दोनों ग्राफ में डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो सकता है सर या तो डी जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर एक कंडीशन ये ठीक है नाउ एक कंडीशन लगती है डी पर दूसरी कंडीशन लगती है वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पर सर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कॉर्डिनेट हाँ, ये तो बताया था आज आपने हां जी बिल्कुल सही इन चारों ग्राफ्स में देखो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो के के राइट में लाई कर रहा है वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो के के राइट में लाई कर रहा है बहुत बढ़िया जी सर तो इस बात को गणित में कैसे लिखें ये लो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के बड़ा होना चाहिए ये गणित में लिख दी जो आपने बात इंग्लिश में बोल के बताई ना कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के राइट में लाइ कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट से बड़ा होना चाहिए बस काम खत्म फिर बात आती है थर्ड थिंग और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो एक्स स्क्वायर का दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट के दैट शुड बी पॉजिटिव वो भी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव सर ये क्या है फंक्शन की वैल्यू एड के फंक्शन की वैल्यू एड के मतलब ये जो भी के आपको दे रखा है इसको इसमें रखना एक्स की जगह जो पूरा आएगा वो ये बन जाएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करना और उसको पॉजिटिव कर देना कैसे सुनो अब ध्यान से लॉजिक देख लो फटाफट यहां बताओ के पर ग्राफ ऊपर लाई कर रहा है कि नीचे K पर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे सिर्फ के के ऊपर देखो सर K के ऊपर ग्राफ एक्सिस के ऊपर है मतलब फंक्शन की वैल्यू के पर पॉजिटिव आ रही है और इसमें A भी पॉजिटिव है बिकॉज़ ये ओपनिंग अपवर्ड बन रहे हैं यहां पर के पर वैल्यू के पर फंक्शन की वैल्यू ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तो के पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव और इसमें ए भी कैसा है नेगेटिव ए इंटू एफ ऑफ के यहां पर भी पॉजिटिव है और ए इंटू एफ ऑफ के यहां पर भी पॉजिटिव है बिकॉज यहां पर दोनों चीज नेगेटिव यहां पर दोनों चीज पॉजिटिव दो पॉजिटिव नंबर्स या फिर दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होता है तो ये तीन कंडीशन लगानी है और फाइनली इन तीनों का आपको क्या लेना है इंटरसेक्शन क्या लेना है बेटा जी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट कौन सा मतलब होता है कॉमन पार्ट होता है सर तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे सर ये सॉल्व कैसे करेंगे <laughs> भैया अभी जो इससे पहले वाली चीज मैंने बताई वेवी कर्व मेथड वो कव ऐसे थोड़ी कि टाइम हाँ, पास घर पे आपको कोई काम नहीं था यहां पे हम भी फ्री बैठे हैं तो आपने सोचा ऐसे ही बता दे वेवी कर्व मेथड नहीं जी उसका यूज उस मेथड की वजह से आप ये सॉल्व कर पाओगे ये सॉल्व कर पाओगे तो ऐसे सवालों के जवाब लिख पाओगे ठीक है नाउ सर फटाफट इसी से ही मिलता जुलता अगला केस अगला कौन सा केस है अगर मान लो कोई आपको बोल दे ठीक है कि इफ सामने देख रहे हो क्या हां जी सर सामने ही देख रहे हैं सर इसका दूसरे वाला केस फटाफट बता दीजिए और इसका जवाब हम खुद लिख देंगे इसका एकदम सिमिलर इफ बोथ रूट्स आर बोथ रूट्स आर लेस देन के सर क्या हमें ये कंडीशंस याद रखनी है जी बिल्कुल अच्छे बच्चे बनके प्लीज याद कर लीजिएगा बिकॉज ये कंडीशन अगर आपको याद होगी तो जवाब लिखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक है ध्यान रखना बोथ रूट आर लेस देन के सर फटाफट -फड़ ग्राफ बना दीजिए दो पॉसिबल ग्राफ बनेंगे ये रही एक्स एक्सेस और इस पे के कहा है के सर थोड़ा इधर ले, ले लेते हैं आपकी बार ठीक है बिल्कुल पिछला वाला जो सिखाया उसी के ही लॉजिक से सर दोनों रूट जो है वो के के लेफ्ट में होने चाहिए तभी वो उससे छोटे कहलाएंगे जी बिल्कुल तो कौन सी कंडीशन में सिर्फ चेंज आएगा थोड़ा सा देख लेता हूं आप लोग सो तो नहीं गए हो क्या पता चला सर आप पढ़ा रहे हो हम तो सो गए ऐसा मत करना फटाफट बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन में चेंज आएगा कुछ लोग बोल रहे हैं सर थर्ड कंडीशन को रिपीट कर दो देखो रिपीट करने का लॉजिक मेरे को समझ में आता नहीं ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है आपको याद रखना है सर आप हमें रटवा रहे हो शायद वैसे मैं एक बार बता देता हूं बट फाइनली जिसको ये याद होगा वही फटाफट कलम चला के जवाब निकालेगा समझ में आप इसमें फंक्शन की वैल्यू के पर पॉजिटिव दोनों का प्रोडक्ट सोचो पॉजिटिव इसमें सर नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड है फंक्शन की वैल्यू के पर भी नेगेटिव नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव तो ये वाली कंडीशन सही है कि नहीं जी सर बिल्कुल सही है ठीक है डिटेलिंग में नहीं जाते हैं और बिकॉज हमें और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं मेरे ख्याल से बात समझ में आई एक बार बताओ सर ये वाला जो केस आपने बनाया है इसमें बाकी सारी कंडीशन तो सेम रहेंगी कौन सी कंडीशन बदलेगी जल्दी से बता दीजिए बहुत सही अरे वाह सर आपने इधर तो ध्यान दिया ही नहीं हम बता तो रहे हैं सेकंड कंडीशन जो है वो बदल जाएगी क्या होगी जरा सेकंड कंडीशन चलिए फटाफट -फड़ कंडीशन रखते हैं मतलब अगर हमने ये याद कर लिया तो सर अगला तो अपने आप ही याद हो जाएगा हाँ ये ठीक कहा सर आपने अब ठीक लग रहा है तो लो भैया कंडीशन देखो <laughs> पहली कंडीशन क्या है डी बाबू के बारे में क्या ख्याल है सर डी बाबू हाँ डी कैसा होगा और सर डी ये किसी का बाबू भी है <laughs> सर ये तो छोड़ो सही है डी इज ग्रेटर देन टू बहुत बढ़िया या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा सेकंड पे रख देता हूं थर्ड बापी सर यहां पर भी वही कहानी है अगर ए पॉजिटिव तो फंक्शन फंक्शन uh, की वैल्यू के पर पॉजिटिव ए नेगेटिव अरे सर आपने गजब कर दिया लगता है ध्यान कहीं और है आपका बाबू बाबू का चक्कर छोड़ो सर दोनों ग्राफ आपने सेम बना दिए ठीक है मैंने कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया सर ग्राफ सेम हो गए हाँ लिखा हुआ आ रहा है ठीक है भाई ठीक है इतना हो जाता है हाँ सर इतना चलता है कोई बात नहीं हाँ 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 हा। सर क्या करी जा रहे हो भैया ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड वाले बनाने थे मैंने क्या किया अपवर्ड वाले ही फिर बना दिए ठीक है तो ये ये केस फिर ये वाला केस चलिए ना जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेम ही रहेगी बेटा अगेन ए फंक्शन की वैल्यू के पर क्या आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए जो सेकंड कंडीशन थी आपने बोला वो बदल जाएगी जी बिल्कुल पिछले केस में वर्टेक्स का एक्स कॉर्डिनेट के, के राइट में था मतलब के से बड़ा था अब की बार वर्टेक्स का एक्स कॉर्डिनेट के, के लेफ्ट में चला गया वर्टेक्स आपको दिख रहा होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट देख पा रहे हैं और फिर सर कंडीशन लिख पा रहे हैं माइनस बी अपॉन टू ए के से छोटा होगा ना ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है ठीक है और फाइनली सर जब जवाब लिखेंगे तो सबका कॉमन पार्ट सबका कॉमन पार्ट कॉमन पार्ट मतलब इंटरसेक्शन लेना है तीनों कंडीशन होनी चाहिए केवल एक को लिखकर जवाब मत बता देना वो गलत आएगा ध्यान रखिएगा प्लीज मेरे ख्याल से बात समझ में आता है मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ठीक है बहुत सही बहुत सही सर आप जितना पढ़ा रहे हो क्या वो सफिशियंट है किस चीज के लिए पूरा पूछो किस चीज के लिए सफिशियंट है जेई के लिए तो सवाल सॉल्व करके दिखाता तो रहा हूं और जई वाले ये थोड़ी बोलेंगे क्वान्टिटी के ग्राफ की तरह खुद बन के दिखाओ सवाल ही सॉल्व करवाएंगे वही मैं करवा रहा हूं और वही थ्योरी मैं बता रहा हूं और सफिशियंट और इनसफिशियंट की कहानी यू कैन डायरेक्टली कंपेयर ठीक है आपसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं दैट सर मजेदार जबरदस्त जिंदाबाद सवाल नहीं सॉल्व हो रहे तो फिर फिर क्या करें सर फिर दोबारा देखो वीडियो यही सफिशियंट है बच गए सर आप हां जी लो भैया अब आ जाओ तीसरे पे ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ज्यादा नहीं बता रहा हूं तीसरे पे केस थ्री इफ एग्जैक्टली वन रूट एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन लाइज बिटवीन केवन एंड के टू के वन और के टू के बीच में अगर केवल एक रूट फंस जाए तब क्या होगा पहले ग्राफिकल मतलब समझाता हूं सामने देखिएगा प्लीज प्लीज और प्लीज सर के वन के टू प्लॉट कर दो के वन के टू कौन है दो नंबर होंगे जो सवाल में देंगे ठीक है सर सवाल वाले की टेंशन है ये तो कि के वन के टू कौन है इनके बीच में क्वाड्रेटिक का एक ही ग्राफ मतलब एक ही रूट लाई करना चाहिए एग्जेक्टली exactly एक शब्द वो जो शब्द यहां लिखा है ना उसको ध्यान से देख लीजिएगा एग्जेक्टली वन तो मैं दो तीन पॉसिबल ग्राफ बना रहा हूं आप बताइएगा कौन कौन सा चलेगा क्या ये वाला ग्राफ चल जाएगा क्या हाँ सर आपने बोला जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो उसका रूट होता है और एक रूट k1, के टू के बीच में दिख रहा है जी बिल्कुल फिर सर क्या ये वाला ग्राफ चल जाएगा सर देखना पिंकी ग्राफ हाँ सर क्या ये वाला ग्राफ चल जाएगा हां जी सर इसमें भी क्या दिक्कत है k1, के टू के बीच में ये फिर से काट रहा है ठीक है फिर बात आई अलग से सोचने वाली ये रहा के वन ये रहा के टू क्या ये वाला ग्राफ चल जाएगा क्या ये वाला ग्राफ तो मनी मन में जवाब दीजिएगा तो आंसर है सर नो क्यों इसको ध्यान से देखो सर इस क्वाड्रेटिक का डी है जीरो बिकॉज ये एक्स को टच कर रहा है डी जीरो है मतलब दोनों ही रूट्स इसके क्या है सॉरी बोथ रूट्स आर सेम बोथ रूट्स इक्वल है और अगर दोनों रूट इक्वल है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों रूट्स ही के वन के टू के बीच में आ गए दोनों रूट ही के वन के टू के बीच में आ गए हाँ जी सर ये तो लग रहा है तो उसने तो बोला केवल एक आना चाहिए आप दोनों को लेके बैठे हो तो दिस इज नॉट अलाउड रखना प्लीज ठीक है मैंने एग्जैक्टली exactly शब्द का प्रयोग किया है इस वजह से चलिए इसके सर वो ओपनिंग अपवर्ड वाले ग्राफ और बना दो ताकि हमें कोई परेशानी ना हो लो भैया देखना जरा फटाफट देखिएगा प्लीज ये रहा के वन ये रहा के टू ओपनिंग अपवर्ड वाले कौन कौन से ग्राफ हो जाएंगे सर एक ऐसा और एक ऐसा ये पॉसिबल ग्राफ है ये आप चाहे नहीं भी देखो तो भी काम चल जाएगा अब आते हैं सर कंडीशन पे अब आते हैं कंडीशन पे लो भैया ठीक है कंडीशन देखना जरा सर इसमें भी क्या हमें डी और वो सब कैलकुलेट करना चाहिए क्या नहीं जी ये बड़ा ही मासूम और इंपॉर्टेंट केस है ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना इसमें आप बी मत सोचिए वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में मत सोचिए ठीक है, है क्या सोचना है एक ही कंडीशन लिखाऊंगा उसी से काम चल जाएगा ध्यान सुनना और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए ये मासूम है एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इज नेगेटिव ठीक है एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू क्या होना चाहिए सर नेगेटिव समझ में आया और इसके नीचे अगर मैं ये लिख दू दिस इज बस एक ही कंडीशन आएगी इसके अलावा किसी और कंडीशन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है इसी से ही काम चल जाएगा ऐसा क्यों तो बहुत सिंपल सी कहानी है ठीक है सॉरी एक बहुत सिंपल सी कहानी मैं आपको बता रहा हूं ठीक <coughs> है के वन के टू सर ये पहले लिखा क्या हुआ हमें ये तो समझा दू। क्या है बहुत सारे लोगों को कर देते हो भैया सुनना जरा ध्यान से फंक्शन है अपने वाली क्वाड्रेटिक अगर मैं पूछूं कि मुझे एफ ऑफ के वन चाहिए मायने बता रहा हूं तो जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पर तो सर वो ऐसा दिखेगा ये पूरा एफ ऑफ के वन ये लिखा हुआ मेरे ख्याल से आप एफ ऑफ के टू भी खुद समझ गए ठीक ठीक है 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 आप X की जगह K2 रख दो बात बन जाएगी है? ना क्यों है? बहुत आसानी सी बात है इसका मतलब क्या है सर फंक्शन की वैल्यू जो के वन पर आ रही है और जो के टू पर आ रही है दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब अगर एक पर वैल्यू पॉजिटिव आए तो दूसरे पर नेगेटिव आनी चाहिए और अगर एक पर इस वाले पे पॉजिटिव आए तो इस पे नेगेटिव आनी चाहिए तभी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा ना अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए और दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाए <laughs> तब तो सर उनका जवाब पॉजिटिव आ जाएगा या उनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है तो एक बार तो आप ये पिंक डॉट्स को देखिए एक बार ऑरेंज डॉट्स को देखिए पिंक डॉट से गुजरने वाला कोई सा भी पैराबोला बनाओ ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड पिंक डॉट से गुजरने वाला कोई सा भी पैराबोला बनाओ ये लो सर ये वाला पैराबोला, बोला ये वाला पैराबोला, ठीक है सर अब ऑरेंज डॉट से गुजरने वाला कोई सा भी पैराबोला बनाओ और भी आप बना सकते हो लाखों करोड़ों क्या वो सारे पैराबोलास K1 K2 के बीच में एक बार जरूर काटेंगे या नहीं काटेंगे जी सर बिल्कुल काटेंगे और अगर एक बार बीच में काटेंगे तो मुझे एक बात बताओ जहां पर वो कट करता है वही तो रूट होता है पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया k1 k2 के बीच में एक रूट हाँ सर बिल्कुल पहुंच गया k1 k2 के बीच में एक रूट को पहुंचाने की यही कंडीशन है एंड दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट ठीक है जी मेरे ख्याल से बात समझ में आती है इसमें सर आपने d इन सबको लाने से क्या फायदा होगा तो इन सबको अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो फायदा नहीं नुकसान होगा टाइम वेस्ट कर रहे होगे आप अपना एग्जाम में ठीक है जी तो एक सर ये वाला हो गया नाउ ठीक है एक और ठीक है एक और केस देख लेते हैं जल्दी जल्दी मैं सारे केस लिखवा देता हूं ताकि बाद में फिर कोई ये नहीं बोले <laughs> सर आपने पूरा नहीं पढ़ाया केस फोर केस फोर क्या है जरा देखना बोल देता हूं इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स के लाइज बिटवीन बोथ रूट्स ध्यान सुनो यार और जो बातें लिखी जा रही है उसको ध्यान से समझो ध्यान सुनना ठीक है समझ रहे हैं सर सामने नजरें एकदम स्क्रीन पर हैं और अब की बार क्या बोला गया खुद ग्राफ बनाओ सर दोनों रूट्स के बीच में के होना चाहिए पिछली बार क्या था सर दो नंबर्स दे रखे थे उनके बीच में एक रूट था कंफ्यूज मत होइएगा अगर कंफ्यूजन किसी पॉइंट पे शुरू हो जाए तो फिर क्या करना अभी ये वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड ही रहने वाली है देख लीजिएगा आराम से ठीक है समझ में आया वो अलग कहानी थी ये अलग कहानी है सर के जो है वो दोनों रूट्स के बीच में लाइक कर रहा है चलिए पॉसिबल ग्राफ बीच में का मतलब एकदम पे नहीं बोल रहा हूं। बीच में कहीं पर भी हो सकता है ठीक है एक और पॉसिबल ग्राफ देखो भैया, ठीक है? एक और पॉसिबल ग्राफ सर ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है थोड़ा बोरिंग लग रहा है मैं जान सकता हूं यार बोरिंग है बट कुछ चीजों को इस्तेमाल करने से पहले उनका मतलब तो बताऊं सीधा ही कंडीशन यूज कर लूंगा फिर तुम चिल्लाओगे सर ये कहां से वो कहां से ठीक है सर ठीक है ये वाले दोनों कंडीशन है मैंने जान बुझ के, के, के को बिल्कुल बीच में नहीं बनाया है ठीक है दिस इज द ग्राफिकल कंडीशन ठीक है अब की बार ये नहीं हो सकता ये जो कुछ लोग बुद्धि लगा रहे हैं ना सर ये लो, दोनों रूट्स बराबर हो जाए और वही के के बराबर हो जाए नहीं जी जब वो बोलता है कि दो नंबर्स के बीच में के लाए करता है इसका मतलब वो दोनों नंबर्स अलग अलग हैं हाँ सर आ गया समझ में इतना जोर मत लगाइए अभी आपको और पढ़ाना है ठीक है जी अब सर इसकी भी आ जाते हैं फटाफट नेसेसरी एंड कंडीशन इसकी भी एक लाइन की कंडीशन होती है बहुत बढ़िया सर ये एक लाइन वाली कंडीशन हमें बड़ी अच्छी लगती है और आपको जानकर हैरानी होगी समझ में आया पढ़ाने को सारी कंडीशंस पढ़ानी चाहिए आपको जानकर हैरानी होगी जेई वाले जो सवाल पूछ रहे हैं ना वो ये एक एक लाइन वाली कंडीशन पे ही पूछ रहे हैं वो तीन तीन कंडीशन वाले पे पूछ ही नहीं रहे समझ पा रहे हो वो भी आपसे मजदूरी कम करवाना चाहते हैं ठीक है सर इसमें क्या करें एंड कंडीशन ए ए होना चाहिए नेगेटिव क्या होना चाहिए नेगेटिव जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना क्योंकि यहां पर कुछ लोग अजीब से घुस चुके हैं कुछ लोग बोल रहे हैं, सर प्लीज ब्रेक <laughs> अब ब्रेक नहीं मिलेगा बेटा ध्यान रखना अब ब्रेक मिलेगा आपको डायरेक्टली <laughs> कितने बजे सर सवाल खत्म करने के बाद में ठीक है पूरा पढ़ के जाएंगे अब घर पे घबराइए नहीं मेरे ख्याल से ये बात समझ में आती है वापस नीचे लिख देता हूं दिस इज ने इसके अलावा किसी और चीज पे जाने की जरूरत नहीं है ठीक है फिर सर एक केस और है क्या जिसको मैं तो अवॉइड करता हूं बताना बिकॉज आई बिलीव कि आप उसको खुद संभाल सकते हैं जैसे कि आ, लो सर देख ही लो जब इतनी कहानी बता दी तो एक और में क्या दिक्कत है लो भैया फिर एक ये वाला केस केस फाइव सर इतना तो हमें रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ाया क्या कॉमेडी कर दी सर आपने आप बोल रहे हो ये क्रैश कोर्स है किसने बोला क्रैश कोर्स है ये तुम्हारा भला करने वाला कोर्स है अब इसको चाहे तुम क्रैश बोलो या सुपर स्मैश बोलो वाह एक और रूट कौन सा होता है लो एक ये वाला कंडीशन होता है लिख के नहीं बता रहा हूं ठीक है इसके बारे में जानकारी ठीक है फिर एक ये वाला भी आता है क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से इसके बारे में ज्यादा जानकारी डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं एक ये वाला सर इसमें ओपनिंग डाउनवर्ड वाला भी आएगा क्या जी बिल्कुल आएगा और वो आपको खुद बनाना है सर एक और कौन सा ये वाला सर इसमें ओपनिंग अपवर्ड वाला भी बना दो लो भैया दोनों ग्राफ्स को अलग अलग देखना यार ठीक है मतलब ये जो मैंने है पॉसिबल ग्राफ एक ही एक्सिस या फिर एक ही पे बना दिए ऊपर वाला केस क्या है अगर मैं आपको तसल्ली से टाइम की तरफ ना देखते हुए समझने की तरफ ध्यान देते हुए अगर बोलूं ऊपर वाले में क्या है डायग्राम देख के बताओ या फिगर देख के बताओ सर के वन के टू लाइज बिटवीन द रूट्स K1, K2 lies between the roots. ठीक है अब इस पे रुको जरा ये वाली जो कंडीशन है ये कंडीशन अगर मैं आपको हिंदी में याद रखने के लिए बोलूं, ये कंडीशन है किसी नंबर साथ दीजिएगा जरूर ठीक है बिकॉज आप ही के कमेंट की वजह से मैं और डिटेल में जाता जा रहा हूं तो सर हम कमेंट रोक देते हैं अरे नहीं भाई तुम जितना अच्छा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करोगे उतना ही ज्यादा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और कुछ लोग बकवास कर रहे हैं तो उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए किसी नंबर के को दोनों रूट्स के बीच में दोनों रूट्स के बीच में पहुंचाने वाली कंडीशन पहुंचाने वाली कंडीशन ठीक है इसको ऐसे याद रखो अगर आपको किसी नंबर के को दोनों रूट के बीच में पहुंचाना हो तो क्या करो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव कर दो ठीक है यहां आना जरा इसके लिए क्या बोलोगे सर अब की बार एक की जगह उसने दो दो नंबर पहुंचा दिए रूट्स के बीच में तो के वन को अगर आपको रूट्स के बीच में पहुंचाना है तो उसके लिए कंडीशन लगेगी ये लो ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी नेगेटिव अगर आप किसी नंबर के टू को भी दोनों रूट्स के बीच में पहुंचाना चाहते हो तो सर ये भी कंडीशन लगा दो ए इंटू एफ ऑफ के एफ ऑफ के टू शुड ऑल्सो बी नेगेटिव बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई पिछली स्क्रीन पे सर आपने ये बताया एक नंबर के को दोनों रूट्स के बीच में पहुंचाने की क्या कंडीशन है अब सर चाहे आप हमें दो नंबर दो या दस हजार नंबर दो उनको अगर दोनों रूट्स के बीच में पहुंचाना होगा तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन लगा देंगे और फाइनली आंसर देंगे इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा पार्ट कॉमन है जी नाउ ये क्या है के सिक्स क्या है जल्दी से कोई बता सकता है 6 क्या है? हाँ सर के सिक्स बता देते हैं है, कंबिनेशन है दोनों रूट्स के से बड़े हैं और सर दूसरे में आपने बताया दोनों रूट्स के से छोटे हैं तो के सिक्स में इसलिए अलग से नहीं पढ़ाता हूं अलग से नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि सर इसमें क्या हो रहा है दिस इज बेसिकली कॉमन सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ केस वन एंड केस टू केस वन और केस टू को यहां पर लाके लगा दीजिए मतलब कि पहले आप ये वाली कंडीशन लगाओ कि दोनों रूट्स के वन से बड़े होंगे फिर आप ये वाली कंडीशन लगाओ कि दोनों रूट्स के टू से छोटे होंगे उनका इंटरसेक्शन ले लो तो लो सर फटाफट -फड़ कंडीशन लिखी दो तो इसके लिए जो नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है डी की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी फिर सर अब की बार वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो के टू से छोटा होना चाहिए के वन से बड़ा और जो तीसरी कंडीशन है दैट इज वो भी फोर्थ कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ के टू वो भी पॉजिटिव होना चाहिए बेसिकली आप केस सिक्स को केस वन और टू का कॉमन पार्ट बोल सकते हैं ठीक है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो आपको फिफ्थ और केस सिक्स केस को इग्नोर करना है ये बता दिया मैंने ऐसे ही जब तुमने पूछा लाइन वाले आप हैं और हम हैं अरे भैया बहुत सारे लोग और भी बैठे हैं <laughs> तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं बहुत सारे लोग और भी बैठे हैं सर वो कहां बैठे हैं बैठे हैं घबराओ नहीं ठीक है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिंगल लाइन वाला केस एक कंडीशन और एक ही वाला बस इन दो पे मेजरली फोकस करना है और जो बाकी बताए पे तो सर करना ही करना है लो भैया अब आ जाते हैं सवालों पे सर गणित का कोई मतलब नहीं है जब तक हमें सवाल अच्छे से नहीं समझाया जाए लो भैया फटाफट जेई मेंस 2019 का सवाल देख लेते हैं और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सवाल पढ़िए है, बहुत देर बाद में क्वेश्चन आया है बिकॉज बीच में इंफॉर्मेशन इतनी लंबी थी बहुत सही बहुत सही जल्दी से जल्दी से अब थोड़ी देर में आप लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूं तब तक आप तब तक आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए प्लीज प्लीज एंड प्लीज <laughs> सर एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे अरे वाह ये मस्त कमेंट था यार बहुत बढ़िया सर आप जानबूझ के खुद के तारीफ वाले कमेंट पढ़ रहे हो कुछ लोग आपको बोल भी रहे हैं कि सर आप बंद कर दो तो उनके कमेंट पढ़ के तो नेगेटिव आपको ऐसा बोला क्या होगा ना नेगेटिव लोगों से दूर रहे वाह सर क्या ज्ञान दिया आपने सवाल पढ़ लो भाई ज्ञान तो ठीक है क्या है सर सवाल चलो देख लेते हैं कंसिडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वरे वाह सर करके भी लिखी है बहुत बढ़िया सी माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी माइनस फोर बराबर जीरो है? कुछ लोग यहां पर यह नाम देखकर तुरंत मेंस 2019 के सवाल ढूंढ लेते हैं और फिर यहां से आंसर बता रहे हैं अगर आपको यही करना है तो फिर आप गलत जगह आ चुके हो यहां पर केवल बढ़ने और बढ़ने वाले लोगों की बात हो रही है ठीक है हाँ सर ये रही क्वाडिटिक सी जो है वो फाइव के बराबर नहीं होना चाहिए सर आप बहुत बार बोल चुके हो ये जीरो हो गया तो का की क्वाटिटिक लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सी कौन सी वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यू नया नाम आया है इसको ध्यान रखेंगे सवाल में दी गई छोटी छोटी बातें अगर हम इग्नोर कर दें तो सवाल का जवाब पलट सकता है फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवेल जीरो से टू एंड इट्स अदर रूट लाइज इन द इंटरवेल टू से थ्री देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस बता देता हूं अच्छे से पहले उसने लोकेशन ऑफ रूट्स के हिसाब से क्या जवाब दिया है वो बता रहा हूं ठीक है लोकेशन ऑफ रूट्स के हिसाब से क्या बोल रहा है वो देखना जरा वो बोल रहा है दो अलग अलग सेगमेंट है एक पॉसिबल ग्राफ बनाता हूं वहां से समझाता हूं एक उसने उठाया जीरो से टू और एक टू से थ्री ये रहा जीरो ये रहा टू और एक ये रहा थ्री ठीक है एक और ग्राफ बनाऊंगा बेटा घबराइए नहीं उसमें वो बोल रहा है कि एक रूट तो जीरो से टू होना चाहिए दूसरा टू से थ्री होना चाहिए बहुत बढ़िया क्या आप एक पॉसिबल ग्राफ ये बना सकते हो देखो इस ग्राफ का या फिर इस क्वाड्रेटिक का एक रूट जीरो से टू है दूसरा टू से थ्री है बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप एक ओपनिंग डाउनवर्ड वाला भी हो सकता है क्या हां जी सर बिल्कुल हो सकता है इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और ग्राफ आ रहा है कोई भी उलझुल घटिया सा ग्राफ और अगर आ रहा है तो उसको ड्रॉ करो खुद ही नेग्लेक्ट कर दोगे हाँ सर कुछ लोग बोलेंगे ये वाला दिमाग अरे भाई ओ भैया रुक जा यार वैसे ही लेट हो रहे हैं ठीक है इतना शाम हो गया है अब सर ये वाले जो डाउट है इनको ये वाला क्यों गड़बड़ा सर इसमें दोनों ही रूट टू और के बीच में इस वजह से गड़बड़ है ठीक है जी इसमें दोनों ही रूट टू और थ्री के बीच में है इस वजह से गड़बड़ है ठीक है सर ये बना लिया पॉसिबल ग्राफ अब एक बार बताओ क्या समझ में आ रहा है सर कुछ लोग बोलेंगे सर समझ में हमें ये आ रहा है इसका जवाब हमें निकालना है जी बिल्कुल जीरो और टू के बीच में आपको एक रूट को पहुंचाना है क्या आपने ऐसा कुछ कंडीशन बताई थी सर दो नंबर्स के बीच में एक रूट पहुंचाना हो हा 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 बताई तो है कहा बताइए जरा उस पेज पे चलोगे क्या भैया क्यों नहीं चलेंगे ये देखो बाकी सब भूल जाओ ऐसा नहीं लग रहा ये देखो इस ग्राफ को कि दो नंबर ये रहा के वन, ये रहा के इनके बीच में एक रूट पहुंचाने की क्या कंडीशन है एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू नेगेटिव कर दीजिए सर दो नंबर्स के बीच में एक रूट पहुंचाने की कंडीशन हमें समझ में आ गई एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू क्या कर दीजिए नेगेटिव ठीक है अब की बार के वन के टू कौन है दिख रहे हैं क्या जी बिल्कुल तो सर हम अब पहली कंडीशन लगा रहे हैं देखना जरा नजरे स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज वन रूट बिटवीन एक रूट किसके बीच में जीरो एंड टू क्या कंडीशन होनी चाहिए सर कंडीशन होनी चाहिए नेसेसरी एंड सफिशियंट आपने बोला भी था कि वाले सिर्फ सिंगल लाइन वालों पे सवाल पूछते हैं ज्यादातर जीरो पर जो वैल्यू आएगी और जो फंक्शन की वैल्यू टू पर आएगी उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए नेगेटिव ये तो कहानी हुई एक रूट को जीरो और टू के बीच में पहुंचाने की ना फिर आ जाओ दूसरे वाले पर सर, इसका एक रूट जो है वन रूट बिटवीन कौन सा कौन सा टू <laughs> बस टू के आगे आवाज निकलनी थोड़ी कम होगी टू एंड थ्री तो क्या होना चाहिए सर फंक्शन की वैल्यू टू और फंक्शन की वैल्यू जो थ्री पर आए उसका प्रोडक्ट नेगेटिव कर दो ठीक है क्या आप लोग पूरा पूरा जवाब देने के लिए तैयार है क्या हाँ या ना बोलिए प्लीज क्या आप लोग पूरा पूरा जवाब देने के लिए तैयार हैं क्या हाँ सर तो चलिए Answer कुछ लोग बोल दे रहे बी हाँ सर फटाफट बताओ अच्छा आप एफिक्स किसको बोलते हो जो पूरी क्वाड्रेटिक दे रखी हो ना यही एफेक्स होती है बेटा दिस कंप्लीट क्वाड्रेटिक इज तो क्या आप मुझे एफ ऑफ जीरो बता सकते हो नजरें अगर स्क्रीन पर है तो एफ ऑफ जीरो बता सकते हो कि नहीं बता सकते सर बिल्कुल बता सकते हैं एफ ऑफ जीरो बताना जरा मुझे तीन चीजों की जरूरत है वट इज एफ ऑफ जीरो मतलब अगर मैं इसमें एक्स की जगह जीरो रख दू तो क्या बचेगा सर ये जीरो, ये जीरो सिर्फ बचेगा सी माइनस फोर फिर मैं आपसे पूछू F of 2 जल्दी से बताइएगा प्लीज जहां पर सर एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे टू रख दीजिए तो सी माइनस फाइव इसका स्क्वायर फोर माइनस टू सी एक्स की जगह फिर से टू बहुत बढ़िया और सर यहां बचेगा सी माइनस फोर जरा देखना मैंने एफ ऑफ टू ठीक लिखा है क्या हाँ सर इसको अंदर भेजोगे कि ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा फोर सी माइनस ट्वेंटी अब थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर मुझसे हो सकती है तो प्लीज जागते रहिए हाँ डायलॉग चेंज हो चुका है जागते रहो ये हो चुका है डायलॉग वाह सर वाँ। सर वाह ये आ माइनस ट्वेंटी फोर ठीक है ये रहा है और मैं आपसे एफ ऑफ टू पूछ रहा हूं वो आ रहा है सी माइनस ट्वेंटी फोर बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं सर अगर आप कमेंट की तरफ देख लेते तो आपकी थोड़ी मेहनत बच जाती लो भैया ठीक है फटाफट पड़ यार एफ ऑफ थ्री बता दो ठीक है ये मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा फटाफट एफ ऑफ थ्री बता ना थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब पूरा ही बता दो सर <laughs> चलिए अगर मैं यहां पर रखू नाइन हो जाएगा नाइन को अंदर भेजा नाइन सी माइनस फोर्टी फाइव यहां पर रखा तो माइनस सिक्स सी यहां पर थ्री रखा तो और प्लस सी माइनस फोर यही ठीक लग रहा है हाँ सर ये कितना हो जाएगा जरा बोलना सर ये हो जाएगा टेन टेन माइनस सिक्स टेन माइनस सिक्स फोर सी और सर इन दोनों को मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस फोर्टी वन एक बार देखना जरा मैंने ठीक लिखा है क्या फोर सी माइनस फोर्टी वन जरा कमेंट करना नहीं मतलब जो सही जवाब है वही कमेंट करना फोर सी माइनस फोर्टी नाइन अच्छा हाँ 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 सॉरी 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 सर फोर्टी वन कहां से आ गया <laughs> क्या कर रहे हो लगता है ध्यान आपका कहीं और है बिल्कुल नहीं ये तीनों वैल्यूज आ गई क्या जी बिल्कुल आ गई ठीक 4C -49, 4C -49, 4C -49, है लव यू बेटा लव यू लव यू लब यू आर ऑल्सो ओपी यू आर ऑल्सो बेस्ट तुम बेस्ट हो इसी वजह से मैं बेस्ट थोड़ा सा बनने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है बाकी तो तुम जानते ही हो कहानी ना सर क्या करें अब फटाफट इनक्वेलिटी सॉल्व करो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं पहला बोला उसने एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ टू लेस देन जीरो सारे बच्चे पता क्या करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ने के बाद में सर नहीं समझ में आया समझ में क्या नहीं आया भाई कंडीशन है उनको आपको याद रखनी है अगर वो आपसे याद नहीं रखी जा रही तरीका मैंने बता दिया जहां बैठ के पढ़ते हो उसके सामने चिपका लो पूरी जिंदगी के लिए याद हो जाएगी कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है ठीक है चलो भैया सर एफ ऑफ जीरो कितना है सी माइनस फोर एफ ऑफ टू है सी माइनस ट्वेंटी फोर दिस इज सी माइनस फोर दिस इज सी माइनस ट्वेंटी फोर एक तो ये बन गई नाइन इक्वेलिटी जिसके लिए आपको वेबी कैथड सिखाया था वह सर आपने सारी चीजें यही सिखा थी जी बिल्कुल एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ थ्री सी माइनस ट्वेंटी फोर देखना यार एक बार ही <laughs> वाह सर एफ ऑफ टू कितना आ रहा है भैया सी माइनस ट्वेंटी फोर फोर सी माइनस फोर्टी नाइन सर आप है ना एक बार में जवाब देख लो लो जी ये जो दो अलग अलग इनइवेलिटी बनी है इनको सॉल्व करो और फाइनली आंसर बताइए ठीक है ये जो दो अलग अलग इनइक्वेलिटी बनी है इनको सॉल्व करो और फिर मुझे आंसर बताइए चलिए भैया यहां आ जाओ सर कैसे निकालना है आंसर लो भैया सर इसका एक रूट आ रहा है फोर एक रूट आ रहा है ट्वेंटी फोर कौन सी मेथड वीवी का मेथड ठीक है जी एक रूट फोर एक ट्वेंटी फोर सर साइन चेक करेंगे तो यहाँ आएगा पॉजिटिव यहाँ आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कैसे पता आपको यही साइन आएगा तो भैया मैंने आपको चेक करना डिटेल में सिखा दिया है कुछ चीजें अगर आपको कभी लगे ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस कि जो टीचर ने किया वो हमें नहीं समझ में आया तो ऐसा नहीं है कि आप उस सवाल पे ही काटा लगा दो वीडियो आपको पूरी मिलने वाली है वापस से इस सेगमेंट पे आइएगा पीछे करके वीडियो पॉज कर लेना फिर अपने हाथ से कैलकुलेशन करना फिर आपको तसल्ली हो जाएगी हाँ सर आप सही बोल रहे हो उसको चाहिए सर नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है इन दोनों के बीच में फोर और ट्वेंटी फोर पे ऑलो सर्कल क्यों क्योंकि यहां पे इक्वेलिटी नहीं है बहुत बढ़िया ना फिर सर यहां आ जाओ लो भैया यहां पर कौन कौन से रूट है सर एक रूट है ट्वेंटी फोर और दूसरा रूट है फोर्टी नाइन अपॉन फोर तो ये बात बताओ ये फोर्टी नाइन अपॉन फोर इसके लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा ऑब्वियसली सर फोर्टी नाइन अपॉन फोर जो है वो कितना हो जाएगा दिस इज कितना हो जाएगा भैया फोर्टी एट पॉइंट समथिंग मतलब हाँ ट्वेल्व पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना तो सर ये ट्वेंटी फोर के लेफ्ट में आएगा <laughs> लगता है सर समय समाप्ति की घोषणा कर देनी चाहिए हाँ जी बिल्कुल वी आर इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर घबराइए नहीं क्या बात समझ में आ रही है जी बिल्कुल सर वापस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है ना फाइनली आपने बोला कॉमन पार्ट सर कॉमन पार्ट कैसे निकालते हैं अच्छा एक और चीज वो आपसे पूछ रहा है नेगेटिव वाला पार्ट तो ये लो. ये लो नेगेटिव वाला पार्ट है होलो सर्कल क्यों आया खुद सोचिएगा अच्छे से समझ में आएगा ना इंटरसेक्शन वाला पार्ट कैसे निकालें ये इंपॉर्टेंट है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन निकालने का तरीका बड़ा आसान है जिन भी सॉल्यूशंस का आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो उसके ये वाले पॉइंट्स जिसको टेक्निकल भाषा में क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं तो सर टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है इन सभी को एक लाइन पे प्लॉट कर लो ठीक है मैं आपको कॉमन पार्ट निकालना सिखा रहा हूं अब इन दोनों सॉल्यूशंस को जो आपने ये बनाई ना लाइनें इनको यहां पर प्लॉट करो अलग अलग हाइट पे सर ऑरेंज वाली थी फोर से लेके ट्वेंटी फोर ठीक है और सर ये जो येलो वाली है वो फोर्टी नाइन अपॉन फोर से लेके ट्वेंटी फोर ठीक है कॉमन पार्ट मतलब ये कितने पार्ट के लिए एक दूसरे के नीचे आ रही है या एक दूसरे के ऊपर आ रही है इतना पार्ट तो तुम मुझे बताओ यहां से कॉमन पार्ट दिख रहा है क्या हां सर दोनों का इंटरसेक्शन इज़ नाइन अपॉन फोर से लेके 24 इज ट्वेंटी पॉइंट समथिंग ठीक है जी ये हमारे पास एक्स नहीं सॉरी हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे सी की वैल्यू निकाल रहे थे किसकी वैल्यू निकाल रहे थे सी की वैल्यू निकाल रहे थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर ये आंसर हो जाता हमारा

सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ठीक है नौ और दो ग्यारह ठीक है जी नौ और दो ग्यारह ठीक है मेरे ख्याल से बात समझ में आती है कितने इंटीग्रल वैल्यूज लाए कर रहे हैं सी की सर दैट इज इलेवन इंटीग्रल वैल्यूज कितनी इलेवन इंटीग्रल वैल्यूज हां या ना सर कोई ऑप्शन है क्या हाँ मिल जाए तो ठीक है यार वरना <laughs> सर मेहनत थोड़ी सी बेकार हो जाएगी ठीक है आई होप दिस और बात आपको समझ में आती है बहुत आसान सा सवाल था डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा था इस वजह से मुझे इतना टाइम लगा ठीक है जी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा था इस वजह से इतना टाइम लगा ठीक है ना सर एक आधा सवाल और <laughs> सर अब तो हिम्मत नहीं बची क्या करी जा रहे हो आप ठीक है अब तो हिम्मत नहीं बची क्या कर रहे हो लो भैया एक और सवाल देख लो यार ठीक है लो देखो फटाफट जल्दी 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 कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आसान सी कहानी है और इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा आधा सवाल सॉल्व करके आपके लिए छोड़ दूंगा बिकॉज सर अब हमें समझ में आने लगा है आप सिर्फ कंडीशन बना दो वेवी का मेथड हम खुद सॉल्व कर लेंगे बहुत बढ़िया एक बात बताओ हां जी वो हो चुका है आ, बहुत सही दिल 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 एक बार जरा कमेंट की झड़ी लगाना ताकि मुझे पता चले कि ग्यारह बज गए हैं बाकी सभी लोग सन्नाट मतलब सन्नाटे में सो गए हैं हम लोग अभी जाग रहे हैं सर जिन्होंने जयी वाला झंडा उठा रखा है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए थम्स एप एक तो थम्स एप वाला है एक दिल वाला है और एक ओपी है इन तीनों में से जो अच्छा लगे वो भेज देना किसी और चीज को भेजने की इच्छा हो तो अपनी इच्छा को काबू कर लो जल्दी 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 प्लीज जल्दी 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 हाँ बस थोड़ी देर और थोड़ी देर और ज्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ओपी 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 क्यूब रूट <laughs> क्यूब रूट कहां से आ गया बीच में वाह ठीक है ये ये एक वो वाला भी भेज सकते हो यार ऐसा भी चलता है शायद इसको कूल बोलते हैं <laughs> कूल बन के भेजिएगा बहुत सही बहुत सही लव यू सर लव यू लव यू लव यू, यू बेटा चलो अब फटाफट यहां जाते हैं सर लव यू के चक्कर में टाइम वेस्ट हो रहा है अच्छा <laughs> लो भैया द नंबर से इंटीग्रल वैल्यूज जी. और ये जेई मेंस 2019 में पूछा जा चुका है मैं अपने घर से नहीं उठा के लाया हूं कि सर आप हमें सवाल पहले जा रहे हो द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कौन से वाला वन प्लस टू एम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री एम इन एक्स प्लस फोर इन वन प्लस एम ये वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके बारे में एक जानकारी दी है इसके बारे में एक जानकारी दी है वो जानकारी पढ़कर मुझे एक चीज समझाओ तुम तो। वो जानकारी पढ़कर एक चीज समझाओ और फिर जवाब बताओ ठीक है सर उसने अब की बार ना ही ऐसा कुछ बोला कि इसके रूट्स इसके इसके बीच में लाई करते हैं या फिर इसके रूट इस नंबर से बड़े हैं या फिर दोनों रूट के बीच में ये वाला नंबर है ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं और अब की बार जो बात बोली वो ग्राफिकल नॉलेज होने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनो और यहीं पर ये मजेदार वाली कहानी लिखी हुई है यहां पे देखिए इज ऑलवेज पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव हां सर ये समझ में आ गया कौन से ऐसे ग्राफ होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं चलिए ये जो तुम्हारे ऑलवेज पॉजिटिव वाली कहानी है ना इसके लिए मैं तुम्हें इसको डिकोड कर दे रहा हूं ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है ठीक है द ग्राफ विच कंप्लीटली लाइज कंप्लीटली लाइज अबव एक्स एक्सेस वो वाले ग्राफ जो एक्स एक्सिस के पूर्णतः ऊपर लाए करते हैं उनको बोला जाता है ऑलवेज पॉजिटिव सर बहुत सिंपल सा लॉजिक है कोई भी ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर बनाओ इसमें कोई सी भी एक्स की वैल्यू रखो ये वाली रखी सर जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव ये वाली रखी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाके जज कर रहे हैं ध्यान रखना एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा तो जब भी आपको कोई ये वाली लैंग्वेज दिखाई दे कौन सी वाली द ग्राफ विच इज ऑलवेज पॉजिटिव उसका मतलब है वो ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर लाइ करता है और केवल एक ही ग्राफ बनेगा ठीक है फिर सर ऑलवेज नेगेटिव वाला क्या होगा वो भी बता देता हूं चलो कभी ना कभी इस्तेमाल होगा ही ऑलवेज अगर नेगेटिव लिखे तो ग्राफ कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ कंप्लीटली बिलो एक्स <laughs> एक्सेस क्या बात समझ में आती है हाँ जी सर समझ में आती है ये रही एक्स एक्सेस और कंप्लीटली नीचे लाए करने का लॉजिक यही है मेरे ख्याल से वो वाले लोग सो गए होंगे जो ये बोल रहे थे लो सर कंप्लीटली लाए बिलो एक्स का तो ये भी ग्राफ बन सकता है अरे भैया ये सब टाइम पास वाली चीजें है अब मत कीजिए क्योंकि सर अब थोड़ी सीरियस डिस्कशन चल रही है कंप्लीटली एक्स एक्सेस के ऊपर या फिर ऑलवेज पॉजिटिव देखिए इसका मतलब ये है ग्राफ ये बनेगा कंप्लीटली नेगेटिव बोले या ऑलवेज नेगेटिव बोले तो ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा इतनी बात समझ में आती है हाँ सर यहां तक ठीक है इसको कंडीशन में कैसे बदलें इसको कंडीशन में कैसे बदलें ठीक है एक लिख रहा है सर आप बहुत खराब पढ़ाते हो ये तो मुझे आज पता चला ठीक है क्या बोलते इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए ठीक है मैं और सुधारूंगा अपनी पढ़ाई को तू थोड़े दिन बाद में आना ठीक है कुछ नहीं सर ठीक है भैया ठीक है आप बहुत खराब पढ़ाते हो चलो सर आपने ही बोला था थो थोड़ी देर पहले अवॉइड नेगेटिविटी लो फिर सामने देखो हटा दिया सर ग्राफ लाइज अब एक्स एक्सेस इसकी कंडीशन बताना जरा कैसे आपको पता चलेगा कि ग्राफ एक्स एक्सेस के हमेशा ऊपर लाइ करेगा क्या कंडीशन होनी चाहिए पहली कंडीशन ओपनिंग अपवर्ड होना चाहिए क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड रख के आप कभी उसको एक्स एक्सिस के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं बना सकते फिर से बोल रहा हूं ये सब इन लॉजिकल बातें हैं ये सब कौन सी बातें है? बाते हैं इन लॉजिकल बातें हैं ठीक है जी समझ में आया नहीं समझ में आ? हाँ सर ये नहीं होता तो पहली चीज तो सर वो ओपनिंग अपवर्ड होना चाहिए दूसरा वो कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा तो इसकी दो ही कंडीशन होती है बेटा पहली उसका ए पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा उसका डी लेस देन जीरो होना चाहिए ठीक है फाइनल आंसर आप दोगे कॉमन पार्ट से फाइनल आंसर इनका कॉमन फिर सर यहां आ जाओ फिर यहां आ जाइए नाउ सर अगर ग्राफ को कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे पहुंचाना हो तो क्या होना चाहिए सिमिलरली देख के बोलिए प्लीज सर उसका ए जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए और उसका डी जो है वो भी लेस देन जीरो होना चाहिए ए, सर आपने गड़बड़ कर दी शायद कैसे यहां पे डी लेस देन जीरो था तो यहां डी पॉजिटिव होना चाहिए ना क्यों भाई क्यों सर आपने यहां था तो ए नेगेटिव किया है <laughs> यहां पे क्या क्या तुम रटने आए हो क्या? या फिर ऐसे ही इसके लिए भी डी नेगेटिव इसका ए नेगेटिव बात समझ में आती है और इसको भी याद रखा बोलो ना सर खाना कब खाओगे अगर तुमने बना रखा है तो बता दो हाँ सर बना रखा है पर भैया अभी लॉकडाउन है ठीक है तुम एक बार जे में सेलेक्ट हो जाओ अच्छे से मस्त रैंक ले आओ फिर तुम्हारे घर आके भी खाना खाया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बहुत 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 सही सही बहुत सही सर Now, सर यू आर द बेस्ट वेरी गुड क्या करें अब कुछ नहीं सवाल का जवाब बताओ और सर ये रहा सवाल वो चाह रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए बस मैं इसमें कंडीशन बता देता हूं सर इसका जो ए है इसका जो ए है That is one plus two M. ये होना चाहिए पॉजिटिव दिस इज द फर्स्ट कंडीशन सेकेंड इसका डी आप अभी निकालोगे मैं बिल्कुल डी निकालने के मूड में नहीं हूं और उस डी को कर देना नेगेटिव ठीक है एक इनइक्वालिटी बनेगी और उसके रूट्स इरेशनल आएंगे घबराइएगा नहीं फाइनली आपको इसका लेना है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लेने के बाद में इंटरसेक्शन लेने के बाद में एम का एक इंटरवल आएगा वो एम का इंटरवल ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है सर उसने पूछा है

मेरे ख्याल से बात समझ में आती आती है हाँ सर बिल्कुल आती है कोई परेशानी नहीं है चलिए एक यूज ऑफ आप बोल सकते हो यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसपे सवाल पूछा जाता है लास्ट टॉपिक है आज की कक्षा का तो मुस्करा दीजिए मनी मन चलो सर ठीक है क्लास जो है वो खत्म होने की तरफ तो बढ़ रही है वरना हमें लग रहा था कि आप शायद सुबह तक पढ़ाओगे नहीं भाई ना सर इज दिस रिपीटिशन तो मैं पूरा लिख देता हूं इंफानाइट रिपीटिशन वाला कॉन्सेप्ट ठीक है concept मतलब सर कई कई जगह हमें कुछ इन्फाइट बार रिपीट होता हुआ दिखाई देता है और उसमें फिर वो वैल्यू पूछता है और ऐसा काम जई एडवांस में भी कर चुका है आईआईटी वाले और जेई मेंस में अभी ताजा ताजा हुआ है चलिए फटाफट क्या हम बड़े कॉन्सेप्ट की ओर छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसी लाइन से ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे जहां से जहां से फर्स्ट रिपीटिशन फर्स्ट रिपीटिशन स्टार्ट हो जहां से फर्स्ट रिपीटिशन स्टार्ट गला भी थोड़ा चिपकने लगा है जहां से फर्स्ट रिपीटेशन स्टार्ट हो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर उसकी वैल्यू पुट कर दो ठीक है बस यही कॉन्सेप्ट इतना सा इसी लाइन से सॉल्व हो जाएगा सब कुछ उसकी वैल्यू क्या करो पुट कर दो ठीक है कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो ये क्या लिख दिया हिंदी में इंग्लिश में बताओ जहां से आपको फर्स्ट रिपीटेशन दिखाई दे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा वैल्यू बताओ यदि एक्स इसके बराबर है और यह वाला जो कॉन्सेप्ट है यह केवल तभी मान्य है जब रिपीटिशन इन्फिनिटी तक हो रहा हो रिपीटिशन अगर एन तक हो रहा होगा तब आपको यह नहीं लगाना है ठीक है आपके सामने जो सवाल आएंगे उसमें इंफानाइट तक ही रिपीटेशन इंफाइट तक ही रिपीटेशन हो रहा होगा ठीक है सर तो इन्फाइट रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट ये वाली लाइन याद कर ली सर सवाल किस टाइप का दिखेगा इस टाइप का देखते रहना ऐसे दिखता है भैया ये सवाल आपसे बोला गया फाइंड एक्स की वैल्यू बताओ अगर एक्स ये है तो ठीक है एक्स की वैल्यू बताओ अगर एक्स ये है तो इसमें सर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में में इसको क्यों लेके आओ बिकॉज रिपीट करने के बाद में ये ही बनती है मतलब जब आप रिसब्स्टिट्यूट करते हो तो ये क्वाड्रेटिक ही बनती है जनरल केसेस में ठीक है ठीक है सर क्या कॉन्सेप्ट है जहां से पहली बार रिपीटिशन होना स्टार्ट हो उसी को ही वापस बोल दो थोड़ा सा समझने वाली बात है एक हल्की सी लाइन है और आगे आने वाले जेई के सवाल आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे ना सर क्या है जरा देखना सामने देखिएगा प्लीज उसने बोला कि आप रूट लगाओ थ्री लिखो प्लस फिर रूट लगाओ थ्री लिखो प्लस ऐसे करते जाओ इन्फिनिटी तक ठीक है उसको वो एक्स बोल रहा है ठीक है जो तुम्हारे जवाब या दिल में जो जवाब आ रहा है वो हटा दो सर ऐसा इन्फिनिटी तक हो रहा है अच्छा पक्का इसका जवाब इन्फिनिटी होगा गलत भैया गलत कॉन्सेप्ट ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है और आपको यहां पर अप्लाई करना है क्या करें सर फिर फर्स्ट रिपीटिशन कहां से स्टार्ट हो रहा है सर फर्स्ट रिपीटिशन मतलब उसने एक्स जिसको बोला है दोबारा आपको एक्स पहली बार कहां बनता हुआ दिख रहा है सर ये रहा ये रहा दोबारा से एक्स यही वो एक्स लिखा हुआ है कैसे ऐसे ये देखो अगर मैं इसको हटा दू क्या अभी भी ये एक्स ही लिखा हुआ है क्या हाँ सर कैसे क्योंकि उसने एक्स यही तो दिया था अब कुछ वैज्ञानिक लोगों ने सोचना शुरू कर दिया सर आपने एक रूट तो कम कर दिया ये का एक्स। तो अब ध्यान से सुनिएगा बड़ी ही मजेदार बात है चीजें कम वहां से की जाती हैं, जहां पर गिन के रखी हुई हूं सर ये कितने रूट थे इंफिनिटी इंफिनिटी मतलब बहुत सारे सर अभी भी ये कितने रूट्स हैं इन्फिनिटी या फिर इंफानाइट रूट्स हैं तो कुछ कम हुआ क्या नो सर ऐसा लग रहा है कि कम हुआ है एक जबकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है ठीक है सर बात समझ में आ गई तो ये हमारा एक्स था पहली बार रिपीटिशन हमें यहां होता हुआ दिखाई दिया ये वापस से एक्स अगले ही स्टेप में जाते वक्त आप इसको ऐसा लिखोगे ये थ्री इज प्लस यहां पर जो लिखा हुआ है वो एक्स अब कुछ वापस से वो जो होते ना जबरदस्ती डाउट पैदा करने वाले लोग वो बोलेंगे सर मैं तो फर्स्ट से नहीं रखूंगा मैं तो सेकेंड रिपिटेशन से रखू तो तो भैया एकदम लॉजिकल जवाब सुनो तो तुम्हारा जवाब नहीं आएगा ठीक है क्या तो वो गलत हो जाएगा फर्स्ट जहां से स्टार्ट हो उसको कर दो वापस इसके अंदर एक्स बनता दिख रहा है सर इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर इस तरफ बन जाएगा एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा थ्री प्लस एक्स क्या आपको ये क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखाई दे रही है हाँ सर थोड़ा स्पीड में कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं है कैसी बात कर रहे हो आप पढ़ाओ और कोई दिक्कत आ जाए <laughs> सर फिर से खुद की तारीफ खुद ही <laughs> तो शायद तुम मेरा नेचर तो जान ही गए हो बताओ भैया फटाफट क्या यही बन गया क्या एक्स की वैल्यू सीधी धरा माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा वन माइनस फोर ए इंटू सी ए की वैल्यू वन है इस वजह से नहीं लिख रहा हूं और डिवाइडेड बाय टू सर ये आ गया वन प्लस माइनस बारह और एक रूट तेरह डिवाइडेड बाय टू ठीक है यहां से दो वैल्यूज आई हैं और सर वो हमको दिखाई दे रही हैं एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन ठीक है जनरली ऐसे केसेस में दो जवाब आएंगे अब मैं आपको एक और लॉजिक बता रहा हूं जो आपको याद रखना है फटाफट 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 सर एक आया पॉजिटिव एक आंसर आया हमारा पॉजिटिव जो कि आप देख पा रहे हो यह वाला पॉजिटिव जवाब है और यह वाला नेगेटिव जवाब है ऑलवेज रिमेम्बर सर कौन सा जवाब कैंसिल हो जाता है यह नेगेटिव वाला जवाब जो है दिस इज रिजेक्टेड ये जो है ये रिजेक्ट हो गया फाइनल आंसर जो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू क्या आई सर नेगेटिव वाला रिजेक्ट क्यों हो गया आता हूं अभी उस पर नेगेटिव वाला रिजेक्ट क्यों हो गया आता हूं अभी उस पर ठीक है दिस इज फाइनल आंसर ये जो लिखा हुआ है ना ये पूरा ये ये लिखा हुआ है 13 मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ठीक है ना सर आपने ये हटा क्यों दिया पहले आपको ये दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव आंसर लिखा हुआ है हां जी सर एक बात बताओ ये जो काम आप कर रहे हो ये जो काम आप कर रहे हो आपने थ्री के अंदर कुछ जोड़ा कुछ ऐड किया फिर उसका रूट लिया फिर और कुछ जोड़ा फिर आपने इसने रूट लिया तो यहां पर ये जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो क्या इसमें कभी कोई नेगेटिव आंसर आना चाहिए क्या नो no, सर कभी कोई नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता बिकॉज आप जोड़ रहे हो और फिर रूट ले रहे हो जोड़ रहे हो फिर रूट ले रहे हो एक लॉजिक ये बोल सकते हो दूसरा ऑलवेज रिमेंबर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है मतलब एक्स जो है वो किसी नंबर के रूट के बराबर है रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है ठीक है जी

उसी को ही एक्सपोर्ट कर दीजिएगा सर फोर प्लस वन अपॉन यहां पर फिर अपॉन में फाइव है फिर प्लस वन अपॉन प्लस फिर प्लस वन अपॉन फोर प्लस, five, फिर प्लस ऐसे चलता गया सर इंफिनिटी तक नाउ मैं दो सर्कल बना रहा हूं दो सर्कल या तीन सर्कल एक ऑरेंज वाला ठीक है एक येलो वाला और एक पिंकी सर्कल ठीक है और एक और लो ब्लू वाला बस ठीक है सर फिर कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा एक बार बताओ इसमें फर्स्ट रिपीटेशन कहां से होती हुई दिखाई दे रही है मतलब किसको मैंने सर्कल किया है जिसको जिसमें फर्स्ट रिपीटिशन आपको पकड़ में आई मतलब ऑरेंज वाला या फिर येलो वाला या फिर पिंक वाला जल्दी से हां अब कमेंट करोगे आप इन तीनों रंग में से कोई एक ठीक है अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर एक और बना दो हमारे मन में वही रंग कूद रहा है लो भैया एक ये वाला पिंक और ब्लू वाले सर्कल में फर्क है हाँ आंखें थोड़ी साफ करके देखो फर्क है ध्यान से देख लो प्लीज कौन से वाले सर्कल में फर्स्ट रिपीटिशन हो रहा है जल्दी जल्दी बता दीजिए प्लीज फर्स्ट अरे वाह गुलाबी गुलाबी <laughs> बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, बहुत बढ़िया 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 इज द करेक्ट आंसर पिंक ब्लू वाला भी नहीं है चलिए सर ठीक है फिर तो पिंक वाला, सर्कल और पिंक वाला सर्कल मतलब सर ये वाला ये इतना पार्ट फिर से सर वही लिखा हुआ है इसको आप क्या बोल दीजिए दिस इज एक्स इसको एक्स बोलने के बाद में क्या बना ये जरा देखना वहां लिखा हुआ है एक्स बराबर फोर प्लस वन अपॉन सर ये लिखा हुआ है फाइव फाइव प्लस एक्स लिखूं या फिर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स लिखूं सर आपने इसको एक्स बोला है पिंक वाले सर्कल को इस वजह से आप फाइव प्लस वन अपॉन एक्स लिखोगे कोई दिक्कत है क्या है तो बताना नहीं क्योंकि अब दिक्कत का समाधान निकालने वाला टाइम जा चुका है सर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेगा जी बिल्कुल कर लो यार क्या दिक्कत है यहां पे लिया एलसीएम ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा फाइव प्लस एक्स ऊपर कौन चला जाएगा सर एक्स आई बिलीव मैंने ठीक किया है बहुत बढ़िया सर एक बार और एलसीएम लेना जरा ट्वेंटी प्लस फोर एक्स प्लस एक्स अफॉन फाइव प्लस एक्स और इधर भी एक्स ठीक है अब इधर आ जाते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ट्वेंटी प्लस फाइव एक्स देखना भाई ठीक लिखा है क्या हाँ सर ठीक ही लिखा है सारी टर्म्स को कुछ गड़बड़ कर दी शायद बने। कुछ गड़बड़ की है क्या एक बार जरा बता ना मिस्टेक, मिस्टेक टाइप से कुछ वन अपॉन एक्स था ठीक है अच्छा हाँ, सर आपने गजब वाली कैलकुलेशन कर दी वो जो शाम वाली कैलकुलेशन होती है ना वो वाली कर दी लो भैया सामने मिस्टेक देखो सर ये जब इधर एलसीएम लिया तो फाइव एक्स होना चाहिए ना ये क्या कर रहे हो इतना चमत्कारी स्टेप कैसे कर दिया आपने <laughs> लो भैया सॉरी 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 तो ये आ जाएगा ये फाइव एक्स प्लस वन चलिए अगला स्टेप ले लेते हैं एक्स इज इक्वे टू फोर प्लस यहां देखना यहां जाएगा तो फाइव एक्स प्लस वन नीचे वाला x ऊपर चला गया और ये हो जाएगा x अपॉन फाइव एक्स प्लस वन लो भैया फटाफट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे दिस इज ट्वेंटी एक्स प्लस फोर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय फाइव एक्स प्लस वन ठीक है जी पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं घबराइए नहीं ठीक है पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं घबराइए नहीं इधर जाएगा तो ये हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर ट्वेंटी एक्स और ट्वेंटी और सर ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन एक्स और ये हो जाएगा फोर सबको एक तरफ लेके आओ फाइव एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन एक्स और ये एक और इधर है तो सर ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एक्स और ये फोर यहां लिखा हुआ है तो सर दिस इज माइनस फोर अब यहां पर श्री धराचार्य लगा दीजिए सर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर चार सौ माइनस फोर ए इंटू सी ए है फाइव सी है माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू ए सिंप्लीफाई कर लो एक रूट आएगा पॉजिटिव दूसरा आएगा नेगेटिव नेगेटिव वाला रिजेक्टेड, नेगेटिव वाला वाला रिजेक्टेड रिजेक्टेड कुछ लोग लिख रहे हैं सर क्यूब रूट <laughs> क्यूब रूट रूट ऑफ ऑफ यूनिटी यूनिटी जो है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है कुछ लोग लिख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्काटेज रूल भी लिख रहे हैं उसकी जरूरत तुम्हें नहीं है भैया ठीक है ना सर यहां से हम जवाब टिक कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी यहां से हम जवाब टिक कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको होगी नहीं बोलो एक और सवाल है जल्दी से देखोगे का हाँ और सर ये एडवांस 2012 का पूछा हुआ है जल्दी 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 इसमें इन्फाइट रिपीटेशन हो रहा है यहां पर इन्फिनिटी लिखा हुआ है ठीक है लॉग पे बाद में जाएंगे पहले जो इन्फाइट रिपीटेशन हो रहा है उसको उठा लाओ सर कहां से कहां तक है इन्फाइट रिपीटेशन ये लो तो सर इसको उठाया x बराबर वन अपॉन थ्री रूट टू मतलब जो भी ये इंफाइट लिखा हुआ है ना उसको उठाकर मैंने x मान लिया फिर सर ये लिखा हुआ है फोर माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू फिर एक और रूट लगाया गया है फिर लिखा गया है सर फोर माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू और फिर सर आप समझ ही गए ठीक है इन्फिनेटी तक पहला रिपीटिशन कहां से हो रहा है लो सर अब की बात दिख गया वन अपॉन थ्री रूट टू से कहानी स्टार्ट हुई वन अपॉन थ्री रूट टू फिर से कहा बनता हुआ दिख रहा है सर ये रहा मतलब आपने अगर उसको एक्स बोला है तो ये भी है तो जाओ थ्री रूट टू एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स सर अगले ही स्टेप पे क्या कर देना चाहिए स्क्वायर जैसे ही स्क्वायर करोगे जरा बोलना क्या आएगा हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर हाँ सर ज वी आर मूविंग टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक जल्दी से सर इसका स्क्वायर इंटू टू एटीन हो जाएगा यह हो गया बराबर बताना जरा सर ये आ जाएगा फोर माइनस एक्स सारी टर्म्स को एक तरफ लेके गए ठीक है ना तो मुझे जल्दी से इसके फैक्टर्स बता दो एटीन और माइनस फोर आ रहा है ठीक है एटीन और माइनस फोर आ रहा है कुछ लोग लिख रहे हैं क्यूबिक स्पैन करो अरे क्यूबिक का भी सवाल करवाएंगे काहे घबरा रहे हो ठीक है क्यूबिक का भी सवाल करवाएंगे काहे घबरा रहे हो स्पैम करने की जरूरत नहीं है यहां पर आ जाओ ठीक है क्यूबिक इक्वेशन करवा दी जाएगी सामने देखो अच्छा एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन कई चैप्टर्स में या फिर कई जगह पर इसी चैप्टर के साथ पढ़ाया जाता है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन वाला पार्ट हम देखेंगे बेटा एओडी में ठीक है सिंस हम चीजें थोड़ी लिमिटेड टाइम में पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज को दो अलग अलग जगह पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है हाँ सर अगर कोई क्यूबिक हमारे सामने आ जाए, तो सम ऑफ़ ऑफ़ द द प्रोडक्ट और वो कैसे लिखते हैं वो अभी पर, उसकी तो उसमें पढ़ाया जाएगा घबराइए नहीं ना भैया यहां आ जाइए भैया बढ़िया तो कैसे लिखें एटीन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस एट एक्स माइनस फोर बराबर जीरो ना सर क्या करें पहले वाले दोनों में से नाइन एक्स कॉमन ले लो यहां बचेगा 2x plus 1, इन दोनों में से माइनस फोर कॉमन ले लो यहां बचेगा टू एक्स प्लस वन सर अब की बार <laughs> मुश्किल है सरकार ध्यान <laughs> रखना चलो सर छोड़ो यहां पे आ जाओ x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई नाइन एक्स माइनस फोर आ गया और एक टू एक्स प्लस वन आ गया हो हो, हो हो सर एक्स की वैल्यू एक आ गई फोर अपॉन नाइन और एक आ गई माइनस हाफ सर माइनस हाफ जो है वो रिजेक्ट हो गई मेरे ख्याल से बात समझ में आती है क्यों सर वही लॉजिक ये ये जो एक्स है ये रूट का आंसर है मल्टीप्लाइड बाय एनी पॉजिटिव नंबर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है तो वो कभी किसी नेगेटिव के बराबर हो नहीं सकता तो इसीलिए वो जो पॉजिटिव वाला है वो हमारा जवाब होगा ना अगर पॉजिटिव वाला हमारा जवाब होगा तो अब चलते हैं हम जो उसने पूछा सिक्स प्लस लॉग यहां क्या लिखा हुआ है थ्री विद बेस टू ठीक है जी थ्री विद बेस टू और यहां पर आ गया फोर अपॉन नाइन ठीक है जी ना लॉग की बेसिक डेफिनेशन आप सब लोगों ने पढ़ रखी होगी क्योंकि इलेवेंथ वालों को मैं पढ़ा चुका हूं ट्वेल्थ और ड्रॉपर को पता होता है बहुत बढ़िया थ्री बाय टू की पावर क्या रेज कि वो फोर अपॉन नाइन बन जाए तो डायरेक्टली जो लोग टू बोलने वाले हैं वो गड़बड़ हो जाएगी बिकॉज थ्री अपॉन टू की पावर टू नाइन अपॉन फोर होता है सर इसका रेसिप्रोकल भी हो रहा है दैट मींस ये इतना पार्ट ये कितना लिखा हुआ है सर दिस वैल्यू इज माइनस टू तो फाइनल आंसर कितना आ गया सिक्स माइनस टू बराबर चार जी एडवांस दो हजार बारह का सवाल जिसमें इनफाइनाइट रिपीटेशन वाले कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और सर ताजा ताजा सवाल भी पूछा गया है ताजा ताजा सवाल भी पूछा गया है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड पॉजिटिव थिंग है चलिए जी अब हम चलते हैं थ्योरी ऑफ हायर इक्वेशन की ओर एक सेकेंड मुझे दीजिएगा ठीक है एक सेकेंड दीजिएगा <coughs> लो भैया हायर इक्वेशन मतलब क्यूबिक बोल दो या क्यूबिक से बड़ी वाली इक्वेशन बोल दो और उसके जो रूट होंगे और उनमें क्या रिलेशन है वो आप बताने वाले हो जी बिल्कुल ठीक है पंद्रह मिनट का टाइम और बढ़ गया क्यूबिक वाली चीज बच्चों ने बोली कि सर बता दो तो जरूर बता दी जाएगी इसके अलावा और कुछ इस चैप्टर में बचता नहीं है ठीक है चलिए सर क्या होगा जरा देखना <coughs> लो भैया सामने देखिएगा प्लीज क्यूबिक इक्वेशन ठीक है तैयार हो सो तो नहीं गए सर सो कैसे गए कुछ लोग बोल रहे हैं सर मोबाइल साइड में रखा हुआ है और पढ़ रहे हैं कुछ लोगों ने सर पूरा वो बड़ी वाली एलईडी पे यूट्यूब पे चला रखा है पूरा परिवार पढ़ रहा है बोले आज तो मम्मी भी कॉपी पेन लेके बैठी हुई है दो चार कॉन्सेप्ट मैं भी सीख के जाऊंगी <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छी चीज है ठीक है शुरू करें भेजना <laughs> जरा एक बार क्या थम्सअप ताकि मैं इस टॉपिक के लिए थोड़ी एनर्जी बटोर लू जल्दी 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 बहुत सही बहुत सही थम्सअप वाला भेजो कुछ लोग बोल रहे हैं ऑलवेज रेडी सर ऑलवेज रेडी फॉर दिस आग हंसी कॉमेडी बहुत सही बहुत सही चली जाए हाँ सर चली जाए मतलब चला जाए क्यूबिक इक्वेशन चलिए क्यूबिक इक्वेशन मतलब सर जिसमें सबसे बड़ी पावर जो प्रेजेंट होगी होगी वो ठीक है या स्टार्टिंग में बताया लेक्चर के क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं सर <laughs> क्यूबिक इक्वेशन जितनी इसकी डिग्री है दैट इज हाईएस्ट पावर दैट इज थ्री तो इसके तीन रूट्स होंगे कौन कौन से अल्फा बीटा एंड गामा इसके तीन रूट्स कौन कौन से होंगे बेटा अल्फा बीटा एंड गामा ठीक है ना इसमें सिर्फ आपको यह सीखना है फर्स्ट इज रूट्स सम ऑफ़ द रूट्स मतलब सर इसको तीनों रूट्स का सम बोलते हैं ठीक है जी हाँ फिर सर आता है यहां पर प्रोडक्ट एक नई चीज आ जाती है वो सीखने वाली है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूरा अगर ढंग से लिखू तो सम ऑफ ध्यान से सुनो प्लीज एक जबरदस्त आईआईटी एडवांस लेवल तक का सवाल मैं आपको करवाऊंगा अगर आपकी नजरें स्क्रीन पर है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम ठीक है अब इस बात को बोलने के बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं या फिर पूछना चाहते हैं सर ये क्या लिखा हुआ है? यू मीन बाई टेकन टू एट ए टाइम रूट दो दो को उठाओ मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो सर क्या मतलब मतलब है है इसका? इसका मतलब है ये अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किया फिर उसमें जोड़ दे रहे हैं बीटा गामा और सर सारे पेयर आपको लिखने हैं तो एक पेयर अल्फा गामा का भी बनेगा ठीक है दिस इज रूट्स टेकन टू एट ए टाइम ठीक है जी? Now, आ जाइए फिर सर यहां पर होता है एक सिंपल प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ़ ऑफ़ द रूट्स, रूट्स, दैट इज़ मतलब सर जो तीनों रूट्स हैं, उनको कर दो मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है मेरे ख्याल से यह वाली चीज समझ में आती है ना सर लिखने का तरीका आप सिखा दीजिए जी बिल्कुल ध्यान सुनना पहले अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगा लेने चाहिए बेसिक तरीके से बताऊंगा जिनको आता है वो दोबारा सुन लो कुछ नहीं तुम्हारा बिगड़ेगा जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुनो सर यहां लगाओ प्लस साइन फिर माइनस साइन फिर प्लस साइन फिर माइनस साइन ये ठीक है क्या प्लस माइनस प्लस माइनस कोई परेशानी किसी को सर कोई परेशानी नहीं है ठीक है इसका जवाब इसका जवाब और इसका जवाब अब हम लिख रहे हैं ठीक है तीनों के डिनोमिनेटर में ए आएगा जो सबसे बड़ा कोफिशेंट है ना मतलब सबसे बड़ा सॉरी एक्स क्यूब जो सबसे बड़ी पावर है उसका जो कोफिशेंट है वो तीनों के डिनोमिनेटर में आता है ठीक है सर लो ए ए ए डिनोमिनेटर में आ गया ना अब क्या करना है सर ये माइनस को बी से मल्टीप्लाई करो और यहां रख दो ठीक है सीधे सम में माइनस बी अपॉन ए सर अगले में प्लस सी अपॉन ए और लास्ट वाले में माइनस को डी से मल्टीप्लाई करो माइनस डी अपॉन ए ठीक है ये होता है सम ऑफ द रूट सम ऑफ़ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डायरेक्टली ठीक है जनरल लैंग्वेज में ध्यान सुनना जनरल भाषा में कई कई बार इनको एस वन एस टू एस थ्री भी बोलते हैं दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस वन इसको एस टू भी बोलते हैं इसको एस थ्री भी बोलते हैं क्या है ये एक नोटेशन है मैं मतलब समझा देता हूं उसमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है सर S1 का क्या मतलब है S1 के मायने हैं जो भी रूट अकेले -अकेले को जोड़ दो का का मतलब है सम कर रहे हैं एक एक का। ये लिखा हुआ सर एस टू का क्या मतलब है सम कर रहे हैं दो दो का दो दो का मतलब कि दो दो को पहले मल्टीप्लाई करो दो दो को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर सम करो वो ये लिखा हुआ सर एस थ्री का मतलब क्या है S3 का मतलब है सम कर रहे हैं तीन तीन का जब मैंने तीन का एक पेयर बनाया तो वो सिर्फ बना अल्फा बीटा गामा इसके अलावा कोई और पेयर बनेगा नहीं तो इसमें किसी को ला के जोड़ने की जरूरत है नहीं तो S3 का मतलब यहां पर केवल अल्फाबीटा इंटू गामा रह जाता है ठीक है मैंने आपको लिखने का तरीका सिखाया प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलते हैं अगर कोई क्यूबिक आपको ऐसी दिखाई दे जिसमें बीच में से कोई टर्म गायब हो फिर भी आपको उसको कंप्लीट करके पूरा लिखना है ठीक है क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो सर फटाफट एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या आप हाँ आई ऑल्सो लव यू बेटा ठीक है बस फटाफट सामने देखना जरा जवाब की ओर चल रहे हैं लो सर तैयारी के साथ आए हो आप जी बिल्कुल पहले सारी चीजें भूल जाओ यहां पे आओ ठीक है सारी चीजें भूल जाओ यहां पे आओ वाह सर क्या बकवास शायरी सुनाई आपने <laughs> लो भैया एक क्यूबिक दी गई जो कि ऐसी दिखाई दे रही है सर इसमें वाली टर्म नहीं है और उसने बोला इसके रूट्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा इसके रूट्स कौन कौन है अल्फा बीटा और गामा है ठीक है नाउ बाकी सब भूल जाइए आप मुझे फटाफट सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और एस वन एस टू एस थ्री लिख के दिखाओ सर S1, S2, S3 लिखने के लिए आपने बोला पहले इसको उचित रूप से लिख ले मतलब इसमें जो है वो एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है एरर नहीं हो इस वजह से अभी इनिशियली आपको ऐसे ही करना है कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो तीस मार्क आए हम डायरेक्टली बता देते हैं तो वो जो डायरेक्टली वाले हैं उन्हीं का ही जवाब गलत होता है तो सामने देखो भैया सर यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो पहले उसको लिख लो जीरो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन मतलब जो वाली जो सी टर्म नहीं हो जो सी जो भी टर्म नहीं हो उसका जीरो इंटू एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लेना चाहिए ताकि हमसे एरर ना हो प्लस माइनस में ठीक है जी ना सर आप देखना जरा यहां पर आएगा प्लस यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस ठीक है जी नाउ सर फटाफट बताना सम क्या हो जाएगा सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ठीक है जी फिर सर इसको आप बोल रहे थे एस वन फिर आप बोल रहे थे एस टू जिसका मतलब था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसका मतलब और फिर एस थ्री इज अल्फा टू बीटा इंटू गामा ठीक है सर क्या करने के बताया आपने सेम उसी तरीके से लिखवा रहा हूं जिस तरीके से मैंने अभी बताया था जो भी एक्सक्यूब का कोफिशेंट है दैट इज वन उसको लिखो डिनोमिनेटर में सर तीनों के डिनोमिनेटर में वन 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 आ गया ठीक है जी फिर यहां से शुरू करते हैं एक्स बढ़ते हैं लाइन से लिखते जाएंगे जीरो को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया वो जीरो ही रहता है प्लस को माइनस सेवन से मल्टीप्लाई किया वो माइनस सेवन रहेगा और माइनस साइन को वन से मल्टीप्लाई किया वो माइनस वन हो जाएगा जिस तरीके से मैंने लिखा है उसको याद रखिएगा प्लीज ठीक है दैट इज इंपॉर्टेंट जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से लिखिएगा प्लीज दैट इज इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पानी पी लिया जाए थोड़ा गला सूखने लगा है हां जी सर पी लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भैया ऐसे याद रखोगे कुछ तुम्हारे सीनियर हो सकते हैं या फिर कभी कभी आपको भी दिख सकता है टीचर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं डायरेक्टली वाले पोर्शन पे खुद आ जाओगे तुम कि सर ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं हम डायरेक्टली लिख पा रहे हैं बट पहले ये सीखो फिर डायरेक्टली वाला सही रहेगा ठीक है तो सर ये ठीक है इसको सिंप्लीफाइड बताना जरा जीरो होता है माइनस वन जीरो माइनस सेवन माइनस वन एस वन एस टू की वैल्यू आ गई ना अब अगर मैं सवाल जो पूछे गए हैं उनकी तरफ चलने की कोशिश करूं सर उसने पूछा सिग्मा अल्फा ठीक है ये फिर से एक नोटेशन है नोटेशन मतलब जैसे तुम्हारी नोटेशन क्या है तुम्हारा नाम समझ में आया कि नहीं समझ में आया जब तुम किसी को अपना नाम बताते हो और तुमसे पूछ ले कि तेरा नाम यही क्यों है तो तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं हां सर बहुत गुस्सा आता है <laughs> समझ में आया वैसे ही सर ये सिग्मा अल्फा एक नोटेशन है इसके मायने यही क्यों होते हैं उस पर बहस मत कीजिएगा सिग्मा के आगे अल्फा लगा हुआ है मैं आपको मतलब समझाता हूं उसी बेसिस पे मैंने और भी सिग्मा यूज किए हैं ठीक है उसी बेसिस पे आगे चलेंगे ध्यान रखना सिग्मा अल्फा का मतलब है कि इस वेराइटी के जितने भी लोग इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं कितने हैं सर तीन अल्फा बीटा गामा बिकॉज अल्फा जो है वो रूट है इस वेरायटी के जितने भी रूट हैं उनको एड कर दो सिग्मा इज यूज फॉर एडिशन तो इस बात का मतलब है वो आपसे ये पूछ रहा है सर तो सर सीधा सीधा ही पूछ लेते जी बिल्कुल सिग्मा यहां लिखकर आप बोल सकते हो मैंने अपनी ही तकलीफें बढ़ाई हैं बट ये एक नोटेशन है समझ में आया एडवांस के बहुत सारे सवाल केवल इसी वजह से ही बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि वहां पर जो लिखा जा रहा है सर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबका सम अगर मान लो सर ये हायर पावर वाली इक्वेशन होती तुम्हारे मन का डाउट बता रहा हूं हायर पावर मतलब चार पावर वाली उसके रूट्स होते अल्फा बीटा गामा डेल्टा उसके लिए सिग्मा अल्फा का मतलब क्या होता उसके लिए होता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा <laughs> जितने इन्वॉल्व हैं उस कॉन्टेक्स्ट में उन सब का सम मेरे ख्याल से बात समझ में आती है सर so, सिग्मा अल्फा बीटा का क्या मतलब है सिग्मा इज यूज्ड फॉर एडिशन अल्फा बीटा मतलब इस फॉर्मेट के जितने भी बन रहे हैं वो सारे मतलब दो दो को मिलाओ मतलब दो दो को मल्टीप्लाई करो और जोड़ के बताओ सर ये हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा जो ये बता रहा हूं याद रख लीजिए जिंदगी भर के लिए इसमें कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करें प्लीज ठीक है लॉजिक मतलब कि सर ये यही क्यों होता है ऐसा क्यों नहीं होता जो होता है वो बताया जा रहा है इंफॉर्मेटिव पार्ट है ऐसा आपको याद रखना है ठीक है सर ये तो डायरेक्टली अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है क्या आप वैल्यू निकाल सकते हो हाँ सर सम ऑफ द रूट आ रहा है जीरो ये एस वन ही है सर ये एस टू है जिसकी वैल्यू आपने बताई दैट इज माइनस सेवन और सर ये है अल्फा इंटू बीटा इंटू इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस वन तीन पार्ट इसके सॉल्व हो गए <coughs> मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं ठीक है जी अब आ जाओ इस पे अब जो यहां पर ऊपर जो मैंने तुम पे ज्ञान थोड़ी बौचार की उस ज्ञान से कुछ भी समझ में आया तो ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है सिग्मा अल्फा स्क्वायर क्या मतलब है इसका सर सिग्मा अल्फा स्क्वायर आपने बोला तुम्हारे रिस्पेक्ट में सोच रहा हूं तुम्हारी तरफ आके ही सोच रहा हूं सर आपने बोला इस फॉर्मेट के जैसे भी दिखे ना उन सबका एडिशन आपने यहां पर फॉर्मेट बदल दिया अल्फा अकेला था इस वजह से बीटा अकेला आया गामा अकेला आया अब अल्फा स्क्वायर है तो लो हम समझ गए सर आप तो बता देना सही है कि गलत अल्फा स्क्वायर है तो इसी फॉर्मेट में बीटा स्क्वायर भी आएगा इसी फॉर्मेट में गामा स्क्वायर भी आएगा सर इसका मतलब शायद ये होगा जी बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल उसको अगर आपको परेशान नहीं करना हुआ तो ये पूछेगा थोड़ा सा परेशान करना हुआ तो ये पूछेगा मेरे ख्याल से बात समझ में आती है सर अब इस पर कैसे पहुंचे इस पर पहुंचने के लिए भैया एक आइडेंटिटी है और लो वो भी बता देता हूं सर जब आप घर से निकले ही हो सब कुछ बताने के लिए है तो छुपाओ कुछ भी मत लो भैया एक बार बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर कितना होता है सर वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कोई परेशानी यह वाली आइडेंटिटी मतलब दिस इज एन जो कि आपको पता रहनी चाहिए ठीक है सर अब एक बात बताओ यार क्या आप इस इक्वेशन से इस इतने पोर्शन का जवाब बता सकते हो क्या कौन से वाली इक्वेशन से इस इक्वेशन से हाँ सर बता सकते हैं सिर्फ इतने पोर्शन का जवाब क्या आपको यह पता है हा कितना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सर जीरो है ठीक है जी सर ये कितना है सर अल्फा इंटू बीट मतलब ये वाला एस सर ये है माइनस सेवन अब तसल्ली से यहां पर माइनस सेवन पुट किया यहां जीरो पुट किया सर ये बन जाएगा माइनस सेवन इंटू टू माइनस फोर्टीन आपसे इसकी वैल्यू पूछी है तो सर इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस इज द आंसर माइनस जो लोग लिख रहे हैं वो भैया गजब कर दे रहे हैं ठीक है प्लस फोर्टीन इज द आंसर इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए बोलो हाँ ना ठीक है सर ये वाले तो थे जेई मेंस वाले सवाल ठीक है मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये मेंस में पूछे गए हैं यहां तक का पोर्शन आप बोल सकते हो दिस इज जेई मेंस अब चलते हैं जेई एडवांस की ओर जेई एडवांस सर इसी में ही लो भैया <laughs> ये वाले ये आप बोल सकते हो चारों पार्ट एडवांस फॉर्मेट के आगे कुछ लोग बोल रहे हैं सर एडवांस 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 ले भैया एडवांस ले संभाल तो सही तू अच्छा मतलब सर आप तैयारी के साथ आए थे <laughs> वरना अगर हम क्यूबिक क्यूबिक चिल्ला रहे हैं तो आपने ये तुरंत कहां से छाप दिया जी बिल्कुल क्यूबिक क्यूबिक चिल्लाने की जरूरत नहीं थी वो मुझे बतानी थी तो यहां आ जाओ सर क्या पूछ रहा है पहला अरे फिर सिग्मा लगा दिया सर उसने अब की बार फॉर्मेट पहचानो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा ठीक है सर मन ही मन में का हो लिखने की कोशिश तो करो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का आगे सिग्मा लगाने का क्या मतलब है ठीक है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा के आगे सिग्मा लगाने का क्या मतलब है सर इस प्रकार के जितने भी बने मतलब किसी एक का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा फिर सर अल्फा के साथ ही अल्फा के स्क्वायर के साथ ही गामा आएगा ठीक है किसी एक का स्क्वायर और ये हो गया बीटा किसी एक का स्क्वायर उसके मतलब अल्फा का स्क्वायर उसके साथ गामा अब बीटा को उठा लाओ बीटा स्क्वायर के साथ अल्फा आ जाएगा और बीटा स्क्वायर के साथ गामा आ जाएगा ना एक और रह गया सर गामा स्क्वायर के साथ अल्फा आ जाएगा और गामा स्क्वायर के साथ बीटा आ जाएगा आप मानो या ना मानो ये जो लिखा हुआ है वो यही है इस वेराइटी के जितनी भी टर्म्स बन सकती हैं उन सबका सब जितनी भी टर्म्स मतलब किसी एक का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कोई दूसरा जितनी बन सकती है सारी लिख दी ये समझ में आया तो ये है ये अब मुझे जवाब बताओ जल्दी से जवाब बताइए प्लीज कुछ लोग बोल रहे थे ना क्यूबिक क्यूबिक लो भैया तुम्हारे लिए ही है क्यूबिक क्यूबिक <laughs> क्यूबिक इक्वेशन का जवाब दो ये कैसे निकाले चलिए ना इसका जवाब मैं आपको बताता हूं क्या आप ये सोच पा रहे हो इसमें हो क्या रहा है हाँ सर एक का तो स्क्वायर हो रहा है और दूसरे वाला मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब स्क्वायर इंटू बीटा इसको आप ऐसा देख सकते हो अल्फा ठीक है तो हाँ so so मैंने क्या बोला कंसिडर दिस मल्टीप्लीकेशन सामने ध्यान दीजिएगा प्लीज ठीक है अच्छा यहां पर अगले पेज पे चल जा रहा हूं ठीक है फिफ्थ के लिए <laughs> ठीक है एक सेकंड फिफ्थ के लिए मैं जो है वो अगले पेज पे चला जा रहा हूं लो भैया एक सेकंड कुछ गड़बड़ होगी लग रहा है बोर्ड भी बोल रहा है सर आज बस करो प्लीज हाँ ठीक है एक सेकंड दीजिएगा फिफ्थ का एक्सप्लेनेशन यहां दे रहा हूं बिकॉज उस पेज पे जो है वो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी चले भैया <laughs> जो जवाब आपसे पूछा गया उसके लिए आप यह वाला मल्टीप्लीकेशन सोचो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लो भैया झेल लीजिएगा प्लीज ठीक है तुमने बोला था एडवांस तो यह एडवांस चल रहा है इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वही टर्म्स निकल के आनी स्टार्ट हो जाएगी आराम आराम से देखते हैं सर हां जी ये बड़ी खतरनाक मल्टीप्लीकेशन है अल्फा को उठाओ सबसे मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा फिर सर यहां ले आओ अल्फा बीटा गामा ठीक है अल्फा को इस ब्रैकेट से उठाया सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं फिर ये कितना आ जाएगा सर यहां पे गामा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा ठीक है अब इस ब्रैकेट से बीटा को उठाइए और सबसे मल्टीप्लाई करिए और बताते जाइए सर वो आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर बहुत बढ़िया फिर अगला क्या आ जा जाएगा बीटा स्क्वायर गामा और फिर अगला क्या आ जाएगा अल्फा बीटा गामा ठीक है फिर लास्ट <laughs> जवाब आने वाला है अब गामा को उठाओ इससे चल है. <laughs> सर, ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है बस एक स्टेप आगे जाके आपसे कोई चीज पूछते हैं तो उसमें तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है ठीक है बताया जा रहा है समझो तसल्ली से ठीक है जी क्या ये मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर है जी बिल्कुल जो आप हमसे पूछ रहे हो उसमें सर आपने एक तो ये वाली टर्म ली है देखते ना एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली और एक ये वाली तो मैं इस राइट साइड वाले पार्ट को इस राइट साइड वाले पार्ट को सही से लिखूं अगर तो क्या मैं सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा लिख दूं हां सर जिनके नीचे आपने ये ऑरेंज लाइन लगाई है ना छह टर्म्स के नीचे वो तो इसमें कंक्लूड हो गए फिर सर ये वाले जो लोग हैं कौन से वाले अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा दिस इज थ्री अल्फा बीटा गामा ठीक है जी नाउ इस तरफ ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं नाउ

तो आंसर कितना आ जाएगा सर आंसर आ जाएगा प्लस थ्री बोलो भैया बोलो तसल्ली रखो समझाया जा रहा पूरा जल्दी से जल्दी से प्लस थ्री वाले लोग आंसर कर दीजिए बहुत बहुत सही बहुत सही वेरी 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 गुड वेरी गुड वेरी गुड अभी है कम से कम ये तीन पार्ट और हैं सर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू इसके लिए छोटी सी जानकारी सर अब की बार ये थ्री अल्फा बीटा गामा के बराबर है इसमें कौन सी जानकारी आपने लगा दी सर लो भैया सारी बताई जाएगी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इनफैक्ट कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा घर अपने साथ <laughs> अगर कभी भी आपको ऐसा पता चले इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज टू देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर थ्री अल्फा बीटा गामा होता है ये कुछ बेसिक और स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं जो पता होनी चाहिए अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा थ्री अल्फा बीटा के बराबर है कहीं भी बता दी जाती है मैंने यहां बता दी आप याद कर लीजिए ना सर अल्फा इंटू बीटा इंटू गा कितना आया था वो बता दो अल्फा इंटू बीटा इंटू गा वॉज माइनस वन तो इस पूरे का जवाब कितना आ जाएगा माइनस थ्री ठीक है जी नाउ थ एंड एथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों में से कोई एक मैं करके दिखाता हूं दूसरा आप बताना ठीक है पता मिनट फॉर सिक्स रिकॉर्ड रिकॉर्ड की बात मत करो कुछ और मेरे से भी ज्यादा मतलब सभी खतरनाक है मुझसे। और भी खतरनाक लोग हैं जो रिकॉर्ड भैया बहुत बड़ा बना सकते हैं ठीक है तो अपने तो सिर्फ पढ़ाने आए थे जितना टाइम लगा तसल्ली से एक्सप्लेन किया है किसी भी पॉइंट पे मैंने ना ही अपने मन में आने दिया ना ही स्क्रीन पे आने दिया कि मैं तेज चल रहा हूं समझ में आया हाँ सर ये तो हमने वेरीफाई किया चाहे <laughs> समझ में हमें कुछ ना आया हो बड़ा पढ़ा तसल्ली से रहे हो ना इस वाले फॉर्मेट में जो जो टर्म्स बन सकती हैं उन सबका सम अल्फा अकेला है तो सर एक जगह अल्फा आ जाएगा फिर यहां पर बीटा आ जाएगा और फिर यहां पर गामा आ जाएगा जी बिल्कुल दिस इज प्योरली मतलब जो एक स्टेप आगे जाके पूछते हैं वो वाला सवाल इसकी वैल्यू पूछ रहा है बहुत आसान है इसकी वैल्यू निकालना मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज ऐसा मत कर देना गलती से भी कि आप इसका एलसीएम ले लो ऐसा मत कर देना गलती से भी कि आप इसका एलसीएम ले लो क्योंकि उससे जो कहानी बनेगी वो तुम्हारे बस से बाहर हो जाएगी ठीक है सर फिर क्या करना चाहिए लो भैया जो करना चाहिए वही समझाया जा रहा है इसमें एक आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगानी है सर फिर से ऑब्जर्वेशन जी ऑब्जर्वेशन <laughs> बड़ी काम की होती है और ये ऑब्जर्वेशन नहीं है बेसिकली दिस इज कॉमन सेंस एक बात बताओ आपको उसने रूट कौन सी इक्वेशन के दिए थे सर, वो इक्वेशन को मैं वहां ले जाकर लिख रहा हूं ठीक है जी एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस वन बराबर जीरो ठीक है सर इसके रूट्स उसने बोले तीन रूट्स हैं इसी सवाल की बात हो रही है ध्यान रखना <laughs> कुछ लोग तो सर अच्छा इतना बड़ा सवाल आप लगता है किसी और सवाल पे चले गए नहीं जी यही सवाल है ठीक है और अभी जब मैं लगा हुआ हूं तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो <laughs> कुछ लोग बोल रहे हैं सर <laughs> मम्मी की आवाज आई है बेटा धीरे कर ले <laughs> आज ये मास्टर नहीं रुका गो तू आवाज धीरे कर ले तो धीरे कर लो थोड़ी सी आवाज ईयरफोन लगा लो ठीक है बट हां पढ़ते रहो ना क्या करें सर आपसे जो एक्सप्रेशन पूछा गया है उस पर ध्यान दो अल्फा स्क्वायर माइनस सेवन ठीक है नाउ एलसीएम नहीं लेना है बिकॉज ये रायता भैया उसने इकट्ठा करके दिया है लात मार के इसको फैला मत देना वो गड़बड़ हो जाएगी एक बात बताओ जो कॉमन सेंस बोलता है अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या हाँ सर तो अल्फा को करवाओ सेटिस्फाई अल्फा को करवाओ सेटिस्फाई क्या बन जाएगा अल्फा क्यूब माइनस सेवन अल्फा प्लस वन बराबर जीरो क्या आप यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस सेवन बना सकते हो क्या सर ये इसका रूट है मैंने सेटिस्फाई करवाया ये इक्वेशन सही लिखी हुई है आप सिर्फ इसमें से मुझे अल्फा स्क्वायर माइनस स्क्स की वैल्यू बताओ ठीक है सर देखते हैं चलो ना ये लिखा हुआ भैया अल्फा कॉमन ले लो पहले वाली दोनों टर्म्स में से सर पीछे बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस सेवन ये प्लस वन यहां लिखा हुआ है इसको इधर भेज दीजिए ठीक है जी ना एक चीज ध्यान से देखना उसने डिनोमिनेटर में ले जाके लिखा है शायद अल्फा स्क्वायर माइनस सेवन डिनोमिनेटर में है ठीक है सर तो एक बार बताइए क्या आपको यह बात समझ में आती है कि इसको भेज दो इधर तो अल्फा बराबर माइनस वन अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस सेवन हो जाएगा क्या जी बिल्कुल यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस नेगेटिव साइन को अगर इधर भेज दिया जाए तो माइनस अल्फा आ जाएगा सर वन अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस सेवन क्या आपको ये बात समझ में आती है क्या इतनी जल्दी से यहां तक के लिए थम्सअप भेज दो यार बहुत एनर्जी लगाई है जल्दी 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 हाँ कुछ लोग आंसर लिख दे रहे हैं गुड 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 वेरी गुड यार वेरी गुड बहुत सही बहुत सही रियल सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू क्योंकि सर ये बताना एक अलग चीज है और इतनी सारी कंटेंट इंफॉर्मेशन एब्सॉर्व कर लेना जो कि तुम कर रहे हो वो एक अलग चीज है वेरी गुड रियली इंप्रेस्ड ठीक है जो लोग जवाब दे रहे हैं क्या ये सही लिखा हुआ है अच्छा एक बार बताओ अगर मान लो मैं आपसे सिमिलर तरीके से पूछूं सर ये तो आपने अल्फा के लिए किया बीटा भी इसका रूट है बीटा बीटा भी सेटिस्फाई करेगा अपॉन स्क्वायर माइनस कितना आएगा ऑन द सेम नोट जो आपने अल्फा के लिए बोला सेम बीटा के लिए बोलोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी <laughs> क्या आ जाएगी सर माइनस बीटा तो भैया ठीक है काम खत्म ये पता चला ये होता है माइनस अल्फा के बराबर सर ये पता चला ये होता है माइनस बीटा के बराबर सिमिलर नोट से आप ये बोल सकते हो ये होगा माइनस गामा के बराबर तो माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी बोल चुके हो इस सवाल में जीरो है ठीक है इसकी वैल्यू जो है वो जीरो है जल्दी 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 <laughs> सर एक मिनट बचा है <laughs> कोई बात नहीं कोई बात नहीं सेम नोट से ये अल्फा क्यूब प्लस वन वाली कहानी बता सकते हो इसी लॉजिक को नीचे लगाओ लो सर फाइनल एंड द लास्ट क्वेश्चन दुख 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 <laughs> दुख दुख नहीं बोल रहा हूं दुख दुख, दुख, दुख बोलने की कोशिश कर रहा हूं बीटा क्यू प्लस वन प्लस वन अपॉन गामा क्यू प्लस वन ठीक है हाँ सर ठीक है ये सेम फॉर्मेट वाली कहानी समझ में आई क्या हमें एलसीएम ले लेना चाहिए कतई ही नहीं बिल्कुल गलत ठीक है एलसीएम लोगे तुम भी समझ पा रहे हो बात कहां जाएगी ठीक है सर फिर क्या करें अगले स्लाइड पे चलो आपने यहां से हमें अल्फा स्क्वायर माइनस सेवन की वैल्यू पूछी क्योंकि उसमें वो पूछ रहा था क्या आप यहां से मुझे अल्फा क्यूब प्लस वन की वैल्यू बता सकते हो हाँ अब जरा देखना सामने इसी से ही बता रहा हूं अल्फा इसका रूट था सेटिस्फाई करवाया यहां पे आ जाओ क्या आप यहां से अल्फा क्यूब प्लस वन की वैल्यू बता सकते हो हाँ सर वो सेवन अल्फा के बराबर होगी सेवन अल्फा वाली टर्म यहां ले आओ। से कुछ निकालना नहीं है बस यहीं से देख देख के निकालना है कम सोचना है आधा नहीं, नहीं और जो बता दिया है तो बात ही नहीं कर रहे हम भी नहीं करेंगे समझ गए कि नहीं समझे जी सर बिल्कुल सही अगर मैं आपसे पूछू बेटा अल्फा क्यू प्लस वन क्या होगा सर बी बीज टू वन अपॉन सेवन अल्फा वो किसके बराबर हो जाएगा वन अपॉन सेवन अल्फा के मेरे ख्याल से बात समझ में आती है हाँ या ना लो सर इधर चलो ये जो पहले वाली टर्म है ये जो पहले वाली टर्म है इसकी जगह आप लिख सकते हो वन अपॉन सेवन अल्फा सर जो दूसरे वाली टर्म है उसकी जगह है सिमिलरली वन अपॉन सेवन बीटा और जो तीसरी टर्म है उसकी जगह वन अपॉन सेवन गामा सर वन अपॉन सेवन लो कॉमन जो पीछे बचा वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा वन अपॉन गामा ठीक है यहां देख लेना यार लो एक स्टेप पता चला सर जाते जाते आपने अगर एक भी स्टेप खाया तो बच्चे चिल्लाने लग जाएंगे कुछ समझ नहीं आया लो भैया एलसीएम लिया अल्फा बीटा गामा आ गया ऊपर आएगा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा सर इन दोनों की वैल्यू हमें पता है वन अपॉन सेवन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना था

नहीं भी समझ में आया तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है वीडियो आपके पास है वापिस से देख लीजिएगा आप ही के लिए रिकॉर्ड की है मैं इसको देखकर बार बार ये सर फिर खुद से खुद की तारीफ जी बिल्कुल ठीक है आप ही लोगों के लिए रिकॉर्ड की है ऐसी ही वीडियोस हम और रिकॉर्ड करते रहे उसके लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए और आप अपना सपोर्ट शो कर सकते हो कमेंट करके कि हाँ सर हमें अच्छा लग रहा है समझ में भी आ रहा है आप ऐसे पढ़ाते जाइए वी आर विद यू ठीक है जी मेरे ख्याल से बहुत है आज के लिए इतना सर लगता है आप थक गए नहीं थका नहीं हूं अभी भी एक दो घंटे और पढ़ाया जा सकता है बट सर अभी इसमें इस, इस चैप्टर में ऐसा कुछ और बचा नहीं जिसपे हम टाइम इन्वेस्ट करके कुछ फ्रूटफुल निकाल सके ठीक है और यू कैन डायरेक्टली कंपेयर इट विद योर क्लासरूम कंटेंट ठीक है जो मैंने एक लेक्चर में पढ़ाया है शायद लगभग बहुत सारी बच्चों को सर शायद इतना मेरे ख्याल से ये जो पढ़ाया है एक लेक्चर में नाम इसका एक लेक्चर है बिल्कुल ये मत सोचना कि ये क्रैश कोर्स है या फिर सर आपने चीजें भगाई होंगी बिल्कुल नहीं भगाई जी पूरा तसल्ली से पढ़ाया गया है तो आप इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से अपने पास रखें और फिर आगे बढ़ें ठीक है जी चलिए इसी के साथ समापन करते हैं आज की कक्षा का ठीक है बिलीव मी बिलीव मी मुझे पढ़ाकर बहुत मजा आया बहुत अच्छा लगा आई होप फीलिंग इज द सेम आपको भी पढ़कर और समझकर बहुत अच्छा लगा होगा ठीक है बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जो पढ़ाया है उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिजिक्स वाला ऐप पर मंजिल बैच में सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा कोई प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं कि सर फिजिक्स वाला की ऐप क्यों डाउनलोड करवा रहे हो भैया जो पढ़ाया है रिलेवेंट क्वेश्चन की 50 या 40 सवालों की एक शीट मैंने बनाकर वहां अपलोड की है आपको वहीं से डाउनलोड करनी पड़ेगी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां चले जाइए उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको ऐप पे ही मिलेगा और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है मत कीजिए कोई परेशानी नहीं है ठीक है जी थैंक यू एवरी फटाफट एक बार ओपी हर्ट और लव यू वाले भेज दीजिए ताकि मैं भी समझ जाऊं कि मजो आगो आज जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी प्लीज थम्सअप वाला भी भेजना यार जी आप ही के कमेंट्स पढ़ रहा हूं अब दो मिनट ठीक है तसल्ली से घबराइए नहीं प्लीज गुड 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 है सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता पढ़ने वाले भी मजेदार होने चाहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आई ऑल्सो लव यू बेटा लव ऑल मतलब लव यू ऑल ओ पी ओपी ओपी यू ऑल आर ओपी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है जी गुड नाइट गुड नाइट बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी बाय बाय